है ना ग्लोबलाइजेशन पता है जो इंटरनेशनल ट्रेड्स वगैरह होते हैं बेरियर वगैरह वगैरह हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है डिटेल में पूरा चैप्टर था ग्लोबलाइजेशन तो हमको यही लगता है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या आफ्टर 1947 अगर हम लोग बात करें तो व्हाट वर द पॉलिसीज विच वर फॉलोड बाय द इंडियन गवर्नमेंट और या फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर 1947 की बात नहीं करते तो हम लोग 1950 के बाद की बात कर लेते हैं कि चलिए ठीक है यहाँ पे थोड़ा इंडिया ने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था ये भी बात नहीं करनी है तो वी कैन स्टार्ट 1991 जब एलपीजी पॉलिसी फॉलो हुई थी इंडिया के अंदर और इंक्लूड हुआ था तो 1991 के प्री और 1991 के पोस्ट पीरियड के हम लोग बात कर लेते हैं जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं लेकिन टॉपिक इतना छोटा नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री बता रखी है जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे तो ऐसे ही नई ग्लोबलाइजेशन बन जाता है ट्रेड होता है माइग्रेशन होता है लोग जो है वो वर्क के लिए इधर उधर घूमते हैं और तभी वो अपनी कल्चर जो रहता है या फिर अपना जो कस्टम रहता है या फिर अपने इधर का जो भी वहाँ पर फूड कल्चर रहता है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैरी करते हैं सो एज यू थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइंस ऑफ द ग्लोबल इंटर कनेक्ट कनेक्टेडनेस इन अवर लाइफ टूडे वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेजेज थ्रू विच द दिस वर्ल्ड इन विच वी हैव लिव हैज इमर्ज तो हमको पूरा हक है जानने का कि आज जिस सोसाइटी जिस कल्चर में हम लोग रह रहे हैं वो प्री एरिया में प्री टाइम कैसा था मतलब जब हम लोग अभी हम लोग मॉडर्न एरिया में हैं तो उसके पहले हम लोग किस तरीके से सर्वाइव करते थे और किस तरीके का कल्चर था, था तो उसके बारे में है सो ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज़ स्टिडली मोर इंटरलिंक्ड From ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity, and spiritual uh, fulfillment or to escape persecution. तो अलग अलग तरीके होते थे अब जैसे कि कुछ ट्रेवलर्स हो गए फ्रॉम वन प्लेस टू वन जाते हैं तो अगर आप बात करेंगे कि फॉरेनर्स इंडिया में जब आते हैं विजिट करते हैं तो वो इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा सा समझना चाहते हैं उनको पढ़ना चाहते हैं तो अपन को उसके में उनके कल्चर के बारे में पता चलता है जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो हमको जो है उनको भी हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है हमको भी उनके कल्चर के बारे में पता चलता है तो कुछ इस तरीके से होता है ट्रेडर्स जब सामान वगैरह लेके आते हैं तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो कॉफी प्लांटेशन है वो इंडिया का ही नहीं टोबैको जो है वो इंडिया की कभी रही नहीं है वो सब बाहर से जब लोग आए थे इंडिया में तो उनको पता थी कि टोबैको जैसी कोई चीज़ होती है इंडिगो जैसी कोई चीज़ होती है तो वो लोग इंडिया में लेके आए थे और फाइनली इंडिया में उस चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था सो दे कैरिट गुड्स मनी वैल्यूज स्किल्स आइडियाज इन्वेंशन एंड इवम जर्म्स एंड डिजीजेस फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस तो जब वो आते हैं तो बहुत सारी चीजें साथ में लेके आते हैं प्लेग जैसी डिजीज हो गई है एपेडेमिक जब भी आता है तो जम्स और ये आज की हिस्ट्री नहीं है कि भैया ये केवल हम लोगों ने केवल 2020 में देखा है कि भैया कोरोना जैसी कोई बीमारी फैली है पुराने टाइम में सारी चीजें चलती थी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा एज अर्स्ट थ्री थाउजेंड बी सी एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया तो आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करेंगे जो वेस्ट एशिया है दैट वाज लिंक्ड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 3000 हजार बी की बात कर रहा है तीन हजार बीसी समझते हो मतलब तीन हजार फिर दो हजार फिर एक हजार फिर पांच सौ फिर जीरो फिर वन टू थ्री फोर और फिर आज दो हजार तो टोटल पांच हजार साल हो गए अरे बात समझ में क्योंकि बीसी की बात चल रही है बिफोर क्रिस्ट की बात चल रही है तो ये जो पीरियड था जैसे थ्री थाउजेंड है तो वो जीरो की तरफ बढ़ता था अगर वो आगे की तरफ बढ़ता तो बीसी कभी खत्म हो पाता सोचो आज हम लोग एडी में है एनोडोमिनी में और हम लोग बीसी की भी बात करते हैं बिफोर क्रिस्ट की तो वो माइनस में होता था मतलब अभी थ्री थाउजेंड है तो फिर टू थाउजेंड नाइन उसके कम फिर वन थाउजेंड आया फिर वन एडी आया टू एडी आया थ्री एडी आया, आया और आज अगर हम लोग बात करेंगे तो तो अभी कितना है 2022. तो तीन और दो कितने हो गए लगभग पांच हजार साल पहले की बात चल रही है तो उस टाइम पे हम लोगों के पास में एक इंडस्ट्रियली सिविलाइजेशन आपने वो घटिया सी मूवी देखी होगी शायद कभी ऋतिक रोशन की कौन सी है मोहनजुदारो है ना जिसका कोई सेंस नहीं है बस उसका एक ही सेंस है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ थोड़ा सा नॉलेज पता चला है हम लोगों के मोहन जोधारो उसका हिस्सा था तो मेन वो चीज है तो उसका जो थोड़ा सा हम लोगों को रिलेशन देखने के लिए मिला है फॉर मोर देन अ मिलेनिया कौरीज मतलब कोड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि तेरी औकात एक कोड़ी की भी नहीं है अगर आपने सुना होगा कभी तो वो उस टाइम पे चलता था द हिंदी कौड़ी और सी शेल्स यूज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी तो हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं अब फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका तो ये कुछ इस तरीके से गया कि मालदीव्स गया फिर चाइना ईस्ट अफ्रीका द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जम्स मे बी एज एज फार द सेंचुरी तो सेंचुरी की बात चल रही है कि उस टाइम पे हम लोगों ने जम्स जो है वो देखे थे कि भैया फ्रॉम वन प्लेस टू तो अनदर वन कर रहे हैं प्लेग डिसीज के बारे में स्पेसिफिकली बता रहा है सो बाय द दर्टीन सेंचुरी इट हैड बिकम एन लिंक तो ठीक है यहाँ से ऐसा जितना कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है ये यह अपन यहाँ पर अपना ये बेस बन रहा है चैप्टर का कि एक्चुअली हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं तो एक बार आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा इमेज ऑफ द शिप अब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे प्रिंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना कहाँ पर है कैसा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है ओशियन ट्रेड के बारे में बता रहा है क्योंकि यहाँ पर भैया के पास में नाव दिख रही है आप देखो एक बार तो ये इमेज में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बुक में अच्छे से देख पाएंगे शायद इमेज में वहां से नहीं दिख रहा होगा सो फ्रॉम द नाइन्थ सेंचुरी इमेजेस ऑफ शिप्स अपीयर्स रेगुलरली इन द मेमोरियल स्टोन्स तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि भैया लोगों ने नाव तभी बना ली थी आ रही है बात समझ में तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पर, परसोनीफाई कराए अब उसी का एक सब टॉपिक निकल के आता है सिल्क रूट विद द वर्ल्ड अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिल्क रूट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता है वर्ल्ड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो अलॉन्ग दिस रूट तो अब सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस क्यों है कैसे है नाम सिल्क कैसे बड़ा है तो यहाँ पर सिल्क का इस रूट से काफी अच्छे से ट्रेड होता था तो ये समझने वाली बात है

अब ऐसा था कि शिप लेके निकल गए कोई जगह ढूंढ ली वहां पर उन लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो ये कुछ क्योंकि पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था ना कि आपको पासपोर्ट लगेगा या वीजा लगेगा पहले तो वहां पर राजा की परमिशन चाहिए होती थी लोकल और राजा को चाहिए होता था पैसा अगर आप उसकी करेंसी में आप उसको पैसे दे दोगे तो वो मना नहीं करेगा इतनी सी बात है तो बस ट्रेडर्स यही करते थे कि अपनी नाव लेके निकल जाते थे जगह ढूंढते थे अगर उन लोगों को वहां पर समझ में आया उनको लगा कि हाँ भैया यहाँ पर ट्रेड हो सकता है तो इसी तरीके से इंडिया में भी ट्रेड स्टार्ट हुआ था पता ही होगा आपको ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री कहाँ पर आए थे सबसे पहले एक ऐसे ट्रेड स्टार्ट हुआ था कहाँ पर आए थे गोवा में क्या हुआ था फिर गोवा में पुर्तगाली आए थे सबसे पहले वास्को गामा ठीक है चलो पता ही है दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एरा एंड थ्राइवड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी तो फिफ्टीन सेंचुरी तक वो लोग रहे हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन एरा के पहले से थे ट्रेड कर रहे थे बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट एज टेक्सटाइल एंड फ्रॉम इंडिया तो इंडिया के तो भाई साहब जो गदर मचाई थी मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कि सिक्स हंड्रेड परसेंट सेवन हंड्रेड परसेंट एट हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट में बेचा जाता था इतना परसेंट प्रॉफिट होता था स्पाइसेस पे मसाले क्योंकि मसालों जैसी चीज को इंटरनेशनल मतलब यूरोप वगैरह में उनको पता ही नहीं था कि स्पाइसेस वगैरह होते हैं तो कंपेरेटिवली इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है क्योंकि वो लोग क्या खाते हैं केवल मैदा खाते हैं और फ्रोजन फूड्स खाते हैं यूरोप में तो कोरोना वगैरह सोचो कितनी गदर मचाई है चाइना के अंदर देख लो नैदरलैंड में देख लो अमेरिका में देख लो फर्स्ट और सेकेंड में ही खत्म हो गए थे थर्ड वेव तक के लिए तो बचे ही नहीं और इंडिया में देख लो जरा इंडिया में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है जितना बाकी की कंट्रीज में पड़ा है स्पाइसेस तो जो है वो हम लोग का खाना पीना थोड़ा सा अलग है इन साउथ ईस्ट एशिया फिर हम लोग का ट्रेड स्टार्ट हुआ इन रिटर्न प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया तो अब बेचेंगे तो वहां से कुछ पैसे तो लेके आएंगे और पहले तो सोना चांदी और यही चलता था तो उस तरीके से हम लोगों ने काफी पैसा कमाना स्टार्ट करा लेकिन फिर बुरी नजर किसकी लग गई थी हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स की सो ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड Early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia as did early Muslim preachers a few centuries later. Much before all this, Buddhism emerged from eastern India and spread in several directions through interesting intersecting points on the Silk Route. अब यहाँ पर जो थोड़ा सा दे रखा है ये आपको रिलीजियस डोमेन के बारे में दे रखा है कि भैया जो क्रिश्चियंस थे वो दूसरी कंट्री में इसलिए ट्रेवल करते थे क्योंकि उनको कन्वर्जन चाहिए रहता था मुस्लिम्स का भी यही था बुद्धिज़्म जेनिज़म जो भी हो फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर ऐसे ही होता था कि आ, आपने देखा होगा कि जैसे संघ वगैरह जो जाते हैं ना अपन बोलते हैं तो पुराने टाइम पर ऐसे पूरी एक टीम जाती थी एक पर्टिकुलर एरिया में उनको कन्वेंस करते थे उनको अपने बारे में बताते थे तो उस टाइम पर तो रिलीजन इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करता था लोगों की लाइफ्स को तो आपको ऐसे

तो कुछ इस तरीके से बता रखा है तो बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया तो बुद्धिज्म ईस्टर्न इंडिया में था आपको पता ही होगा ये चीज़ नेपाल वगैरह में भी आप देखोगे तो बुद्धिज्म का वहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि वो ईस्टर्न इंडिया की बाउंड्री को थोड़ा सा टच करता है तो उसके बारे में बता रखा है फिर नेक्स्ट है फूड ट्रेवल्स फेगेटी एंड पोटैटो तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो फूड ऑफर्स मेनी एक्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स तो पिज्जा नाम की कोई चीज हम लोगों को पता थी कि हम लोग कभी बना पाते नहीं वो तो हम लोग से इटालियन इटली से पता चला कि भैया ऐसा भी कुछ बनता ट्रेवल्ड तो so so the so जहां पर भी वो जाते थे ना तो अपने एरिया के क्रॉप्स को ग्रो करते थे फिर हम लोगों को समझ में आता था, था अच्छा ऐसा भी होता है तो so उस तरीके से स्टार्ट uh, हुआ इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजन टेक्स फेगेटी एंड नूडल्स

ठीक है तो अब वहां से ये पास्ता वास्ता का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो आज का है ये कब का है सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नोन तो सच में कोई कैसे क्या क्लेम कर रहे हैं हमको कभी नहीं पता है कि कौन सी जगह पे आप पता नहीं है कि हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल कहीं पे गए हो वो अनरिकोग्नाइज हो वहां पर उन लोगों ने क्या बोलते हैं नूडल्स वगैरह ग्रो करा हो तो अपन बोलते हैं कि इट्स एन चाइनीज फूड तो यू नेवर नो कि सच में चाइनीज फूड है हो सकता है कि वेस्ट से कोई चाइना में कुछ ग्रुप गए हो वहां पर उन्होंने ग्रो करा हो फिर बाद में लाइम में आया और पूरी दुनिया को पता चलो कि अच्छा चाइना चाएन, के पास में नूडल्स है तो फिर पूरी दुनिया को पता है ठीक है वो चाइनीज फूड है ऐसा उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता रखा है येट सच गेस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड तो इससे हम लोगों को एक कल्चरल कनेक्ट पता चलता है कि अगर आपका फूड कोई दूसरे एरिया में फेमस हो रहा है तो दैट इज कल्चरल इंटीग्रेशन मेनी ऑफ अवर कॉमन फूड सचेज पोटेटो सोया ग्राउंड नट्स मेस टोमेटोस चिली स्वीट पोटेटो स्वीट पोटेटो मतलब क्या

तो बस इसी तरीके से जैसे अपन छोटे छोटे गलियों के रास्ते ढूंढते हैं वो दुनिया के रास्ते ढूंढते थे उस टाइम पे तो उनको ऐसे इंडिया भी एक्सीडेंटली वास्को गामा ने डिस्कवर करा था कोलम्बस ने अमेरिका डिस्कवर कर लिया था अब लोग ऐसे सोचते अमेरिका डिस्कवर करा था मतलब उसने अमेरिका बनाया था तो ऐसा कुछ नहीं है केवल उसने रूट को डिस्कवर करा था कि भैया इस तरीके से हम लोग अमेरिका तक जा सकते हैं और वहां पर कोई कॉन्टिनेंट भी है सो हियर वी विल यूज अमेरिका टू डिस्क्राइब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड करेबियन तीनों मिला के क्योंकि हम लोग प्री मॉडर्न पढ़ रहे हैं बात कैरिबियन आइलैंड मतलब हम लोग स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे वेस्ट इंडीज की अब जो लोग क्या बोलते हैं उसकी क्रिकेट वगैरह थोड़ा सा देखते होंगे तो उन लोगों को पता ही होगा इसके बारे में इनफैक्ट मेनी ऑफ अवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट द अमेरिकन Life and death. तो कोई कितना घटिया सी बात बोली है कि इसमें जीवन और मरण की बात कहां से आ गई कुछ खाने की चीज है खाएंगे इच्छा होगी तो खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे तो अब देखो यूरोपर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन आयरलैंड्स poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s hundreds of thousands died of starvation तो वो लोग अब कोई चीज पसंद आ गई तो पोटैटो इतनी पसंद आ गई कि पूरी खेती उन लोगों ने पोटैटो की कर दी अब वहाँ पर फेमाइन वगैरह आया पोटैटोस खत्म लोग खत्म कुछ इस तरीके से कहानी है अब जैसे कि यहाँ पर देखो द आयरिश पोटैटो फेमाइन आया था लंदन न्यूज़ 1849 का दे रखा है अराउंड 10 लाख पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन इन आयरलैंड मतलब उस टाइम पे 10 लाख लोग मरे थे आयरलैंड सोच रहे हो एंड डबल द नंबर इमिग्रेटेड इन सच ऑफ वर्क तो अब ये लोग पता है यही ढूंढ रहे हैं दे आर होपिंग टू डिस्कवर सम लेफ्ट ओवर ऑफ पोटेटो उनके बच्चों के लिए कि भीड़ में कहीं एक आध आलू मिल जाए तो खा ले अब सोचा कभी सोचा था आलू को देख के इतनी कमाल की चीज है आज घर जाके आलू को देख के थैंक यू बोलना उसको ठीक है कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड सो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू ओशन टू अमेरिका तो अमेरिका की तरफ भी चले गए एशिया की तरफ भी आ गए दोनों तरफ के सी रूट जो है वो ओपन हो गए थे सो फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशन है बसलिंग ट्रेड विद गुड पीपल नॉलेज कस्टम एक्सेट्रा क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर तो इधर से उधर पानियों में दौड़ लगा के हम लोग अपना नॉलेज उनके पास लेके गए उनका नॉलेज हम लोग के पास में लेके आए जैसे कि ज्योमेट्री है तो जामेट्री जो संस्कृत में है वो पहले से हम लोगों के पास में थी आर्यभट्ट का जो जीरो की डिस्कवरी है मतलब हम लोग के पास में बहुत सारे ऐसे एंशियट कल्चर है महारिशि ऋषि जितनी भी बहुत चीज़ें ना वो पहले ही बता दी गई थी कि कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि थोड़ा सा थोड़ा सा अगर हम लोग स्पिरिचुअल तरीके से देखें तो क्या पृथ्वी गोल होती है तो ये चीज़ पहले ही डिस्कवर ऋषि मुनियों ने कर दी थी इस चीज को लेके कि हाँ भैया पृथ्वी गोल होती है बट वो बाद में क्या होता है कि साइंटिफिक आपके पास में कोई प्रूफ नहीं होता है, तब तक आपकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है बात इतनी सी है अगर आप किसी को अगर ऐसा बोलोगे ना कि आ, कुछ भी आपने कोई अगर कोई इन्वेंशन वगैरह करा है कि मैंने ऐसा करा है मैंने वैसा करा है कि मोबाइल में हाथ में पकड़ता हूँ तो चार्ज हो जाता है मेरे पास अंदर ऐसा कुछ चार्जेस है तो कोई मानेगा नहीं अंटिल एंड अनलेस साइंटिफिक रीजन के साथ आप उसको प्रूफ करके वो चीज बताओ तो वो वाली बात थी सो द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू दिस फ्लोस एंड क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क अब इंडिया जो है वो बीच में है कंपैरेटिवली अर्थ पूरी गोल है आप जब इंडिया का मैप देखोगे यहाँ पर दे रखा है क्या आगे के पेजेस पे देखो कहीं पे अभी इंडिया है अब इंडिया इस पोजीशन में है अब ये जो अर्थ है वो पूरी राउंड है ऐसे तो वो कनेक्ट करता है अफ्रीका के साथ में उधर से वो कनेक्ट करेगा यूरोप के साथ में ऐसा इंटर कनेक्टिविटी है तो बीच वाला डेस्टिनेशन है अपन ऐसा बोल सकते हैं अफ्रीका भी जो है वो बीच में करता है बट अफ्रीका में इतने सारे रिसोर्सेज इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है इंडिया के अंदर है तो जितना भी ट्रेड होके निकलता है वो कहीं ना कहीं इंडिया को इन्फ्लुएंस करता ही करता है और इंडिया इसीलिए सुपर पावर रखने का दम बनने का दम रखता है दो चीज पहली चीज कि हम लोग बहुत समझदार है हम लोग के पास में बहुत दिमाग है बट हमारा दिमाग जो है वो किराए पर ले लिया जाता है बाई द डेवलप्ड कंट्रीज बहुत सारा पैसा देके तो बस वहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है जिस दिन ये चीज़ छूट गई उस दिन हम लोग अपने आप डेवलप हो जाएंगे और दूसरी चीज़ जो है वो है इसका इंटरकनेक्टिंग रूट सी रूट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिकमिंग द डेवलप नेशन अगर मैं जैसे कि बात करूं कि यहाँ पर कोई दूसरा नेशन ले लो आप जैसे कि नेपाल है भूटान भूटान है तो ये क्या सुपर पावर का भी बन सकते हैं नो नॉट बिकॉज ऑफ द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इनके पास में सी रूट नहीं है दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर ट्रेड बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बिन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स तो उसकी डिस्कवरी के पहले अमेरिका जो था ना वो बिल्कुल आइसोलेटेड था अमेरिका कोई जानता नहीं था वो जी रहा था वहां पर उसके पास जो रिसोर्सेज थे लेकिन जब तक कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी वहां तक जब वहां पर कोई दूसरा कल्चर नहीं जाएगा कोई दूसरा फूड नहीं जाएगा दूसरे लोग नहीं जाएंगे वहां से लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक समझ नहीं आएगी तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इट हैज़ हैजिन कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर कॉन्टेक्ट वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स मिलियंस ऑफ ईयर के बाद चल रही है बट फ्रॉम द सिक्सरी इट्स वास्ट लैंड एंड एंड मिनरल बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइफ एवरीवेयर तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि क्रॉप्स और मिनरल्स फिर उसके बाद में ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इंपैक्ट डालने लगे एक बार अमेरिका क्या डिस्कवर हुआ उसके बाद में तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ही जो है वो एक ग्लोबलाइजेशन वाले फेज में आ गई थी क्योंकि ट्रेडिंग काफी अच्छे से स्टार्ट हो गई थी तो प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइन्स लोकेटेड इन द प्रेन्ट डे पेरू एंड मेक्सिको ऑल्सो एनहेंस यूरोप्स वेल्थ एंड फिनेस इट्स ट्रेड विथ एशिया तो अब जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे सिल्वर उस टाइम पे काफ़ी ज्यादा था उनकी माइंस में पेरू और मेक्सिको के अंदर तो वहां पर उन लोगों ने ट्रेड इसीलिए स्टार्ट करा बिकॉज यू नीट सम एक्सचेंज करेंसी ना तो वो लोग सिल्वर देते थे और बाद में क्या करते थे अपने पास में सामान वगैरह जो है वो लेके आते थे और फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में उड़ जाकर ज्यादा भाव में सेल करते थे तो इस तरीके से ट्रेडिंग चलती थी नाउ मेनी एक्सपीडिशन फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना क्या है वहां पर गोल्ड काफी ज़्यादा था तो उसके लिए लोग निकल गए थे वो इसके लिए जरा ढूंढ के निकालो कि वो जगह कहां पर है सोना तो सबको ही चाहिए द Portuguese एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका was decisively underway by बाय द मिड century. सेंचुरी european conquest was not just a result of the superior firepower in fact the most powerful weapon of the spanish conquerors were not a conventional military weapon at all it was the jumps such as those of smallpox that they, that they carried on their person because of their long isolation america's original inhabitants had no immunity against the diseases that came from europe and smallpox in particular proved a deadly killer Isko bolte de आप अगर जब भी ताकत से लड़ोगे तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अब उनको पता थी कि भैया अगर जैसे कि एक छोटा सा बेबी है ना वो अभी अभी अगर दुनिया में आया है तो उसको हजार तरीके की बीमारी हो सकती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी रहती है वो एकदम वीक रहती है उसको नहीं पता होता है कि कितने टाइप के बैक्टीरियाज है एटमोसफियर में और उसकी बॉडी को किस तरीके से इम्पेक्ट करते हैं फिर धीरे धीरे उसको सर्दी होगी खांसी होगी वैक्सीन्स लगेगी इम्यूनाइजेशन होगा वैक्सीनेशन होगा फिर उसकी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम हमेशा याद रखता है जैसे कि आप जब छोटे थे तो आपको वैक्सीन वगैरह लगती थी ना छोटी जैसे कि टीबी की वैक्सीन होती है फिर एक और होती है यार नाम भूल रहा हूँ उसका एच से नाम है कुछ वैक्सीन है तो अब उससे क्या होता है कि जब भले आप छह महीने के थे तब आपको अगर वो वैक्सीन लगी है तो टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस चीज को याद रखेगा कि इस टाइप का अगर कोई बैक्टीरिया आएगा तो उसको बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय करना है तो अब स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी दुनिया में चल रहा था अमेरिका आइसोलेटेड था अभी अभी ढूंढा गया था अमेरिका को तो वहां पर प्रॉब्लम क्या हुई कि उनके इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं था कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है अब स्पेन के लोग इतने समझदार थे कि उसने अपने लोगों को स्मॉल पॉक्स करा दिया और अमेरिका में दौड़ा दिया अब उससे क्या हुआ कि अमेरिका के जो लोग थे उनका इम्यून सिस्टम तो अच्छा था नहीं तो बाकी के पूरे अमेरिका में क्या फैल गया ऐसा है स इंट्रोड्यूस इट स्प्रेड डीप इन टू द कॉन्टिनेंट तो एक बार उसको क्या इंट्रोड्यूस करेंट में फेल गया आई हैड इवन ऑफ एनी यूरोपियंस रीचिंगल कम्युनिटी कॉन्क्ट तो पूरी के पूरी कम्युनिटी साफ कर दी अमेरिका की और उसके बाद में वहां पर अपना राज जो है वो स्टार्ट कर दिया नाउ गर्स कूड बी बॉर्डर कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर तो यह बहुत ही अच्छी लाइन बोली गई है कि आप किसी को मान लो कि बंदूक लेके मारने गए उसने एक चाटा आपको जोर से घुमा के दिया और बंदूक आपकी तरफ घुमा दी होता है ना मूवीज वगैरह में आपने देखा ही होगा कि बाजी पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो बस वही वाली बात है तो गन्स के साथ में ऐसा हो सकता है बट नॉट डिजीजेस तो डिजीज के साथ में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि आप तो पहले से इन्फेक्टेड हो अंटिल द नाइनटीन सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप तो देखो यूरोप कितना गरीब था बेचारा नाइनटीन सेंचुरी तक अप, अपना जो कल्चर था ना इस टाइम पे भैया इतना पैसा था खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें थी हम लोगों के पास में बट प्रॉब्लम एक ही थी कि जितना भी अपने पास में था सब ब्रिटिशर्स अपने से ले लेके उड़ा के और यूरोप की जो भू है वहां पर मिटाने में वो लोग लग गए तो सिटीज़ आर क्राउडेड एंड डेडली डिजीजेस वर वाइड स्प्रेड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड थाउजेंड्स देर फॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका हियर बाय द नाइनटीन सेंचुरी प्लांटेशन वर्कड बाइ स्लेव कैप्चर्ड इन अफ्रीका यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर बता रखा ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला फिर अंटिल वेल इन दिनी सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग दर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री अब देखो एटीन सेंचुरी में चाइना और इंडिया दुनिया की सबसे ट्रेड हमारे कल्चर जो था वो बहुत स्ट्रॉग था they were also preeminent in asian trade however from the 15th century china is said to have restricted overseas contact and retreated into isolation china's reduced role and the rising importance of the americas gradually moved the center of world trade westward europe now emerged as the center of the world trade अब जो यूरोप हो गया चेंज क्योंकि क्या हुआ कि चाइना ने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लिया था पूरी दुनिया के साथ में अपने इंटरनल कुछ भी हो सकते हैं मैटर्स की वजह से कि भैया पूरी दुनिया के साथ में इतना ज्यादा उसने बिजनेस का रिलेशन नहीं रखा तो अब देखो लोगों को बिजनेस तो करना ही है आपको करना ही नहीं करना है कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी की दुनिया करेगी ठीक है तो उन लोगों ने अपना रूट जो है वो एशिया से बदल के अभी अमेरिका भी डिस्कवर हो गया था तो जो ट्रेड है वो किसके साथ में स्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिया

इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वेक्स टू ट्रांसफॉर सोसाइटी एंड रिशेप एक्सटर्नल रिलेशन तो इसका हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया तो ले ही लिया है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें भले इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल कल्चर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो किसी न किसी तरीके से पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों की लाइफ पर उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाला है जैसे अब एक्सटर्नल जो भी रिलेशन है जैसे इंडिया के रिलेशन पूरे वर्ल्ड के साथ में कैसे है वो बहुत हद तक इस चीज पे तय करते हैं तय होते हैं कि उनका ट्रेड रिलेशन उन कंट्रीज के साथ में कैसा है अब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं जैसे कि मार्शल वगैरह ऐसे कोई चीफ अल्फ्रेड मार्शल अगर आपने नाम सुना होगा तो दे आर वन ऑफ द चीफ इकोनॉमिस्ट तो वो किस तरीके से देखते हैं कि देर आर टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस तो जो पहला था उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो गुड्स है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर जाएंगे सेकेंड यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो लेबर है वो आप उन लोगों को फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर लेके जाओगे क्योंकि उस टाइम पे स्लेव ट्रेड चलता था और तीसरा था कैपिटल ठीक है तो दो चीज तो आज भी काफी ज्यादा हद तक है गुड्स और कैपिटल तो चलते ही है अब कैपिटल भी दो टाइप के होते थे एक होता था शॉर्ट टर्म और एक होता था क्या इतना नहीं है पहले तो आपको खरीद के बेच देंगे हम लोग आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है इतना उस लेवल पे तो पहले अगर 90 वो वो चीज चीज थी तो आज हो सकता है कि 5 या रह गई प्रिंट कल्चर इस टाइम पे नहीं आया था नाउ फिर द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड विच इज द दाइनटीन सेंचुरी रिफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स तो अब डायरेक्टली वो लोग जम करके बोल रहे हैं कि भैया नाइनटीन सेंचुरी के अंदर यहाँ पर गुड्स वगैरह जो है वो फ्लो करना है, स्टार्ट कर दिया था जैसे कि क्लोथ हो गया वीट हो गया द सेकंड इज द फ्लो ऑफ लेबर वही चीज बोल रहा है कि माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज तो आप किसी कंट्री के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हो जैसे कि अमेरिका में अगर आपने कुछ पैसा अपने इन्वेस्ट कराए डेट इक्विटी कहीं पर भी करा हो तो ठीक है भैया वहां पर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मिल जाती है लेकिन वो तभी मिलेगा जब आपकी कंट्री के रिलेशन उस कंट्री के साथ में अच्छे रहे होंगे

वेस्ट पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान वेस्ट बंगाल तो है ही सही ना तो कौन सा पाकिस्तान हुआ क्योंकि क्यों? वो ईस्ट की तरफ है अब हुआ ये कि बांग्लादेश के जो लोग थे उनके पास में आज भी पैसा नहीं है उतना उतना क्या मतलब बहुत ही गरीब देशों में से एक है तो अब वो लोग क्या करते हैं कि माइग्रेशन होता है अब जब माइग्रेशन होता है तो देश सेटल इन इंडिया इंडिया में सेटल करा अब इंडिया में सेटल करने में प्रॉब्लम तो नहीं अपन बोलेंगे वाह ठीक है भैया गरीब देश आ जाओ हमारे देश में खा लेना पर कितना खा लेना भैया वो आएंगे फिर उनकी जनरेशन आएगी फिर उनकी जनरेशन आएगी तो जब हम लोग उसका मेजर इंपैक्ट देखेंगे तो अपनी सोसाइटी के ऊपर बहुत पड़ेगा अरे बात तो कोई भी कंट्री जो है माइग्रेशन अलाउ नहीं करती है इस तरीके से अच्छा अगर आपको केवल टूरिज्म के लिए जाना है या फिर आप वहां पर सेटल होने नहीं जा रहे हो परमानेंटली अगर आपको किसी भी कंट्री में सेटल होना है इन कि अगर आपके कंट्री में कुछ खाना पीना नहीं और बाहर के कंट्री में वहां पर उनके ऊपर डिपेंड हो कुछ करना है तो कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करती है तो यहाँ पर लेबर माइग्रेशन को बहुत हद तक रोका गया था गुड्स और कैपिटल्स फ्लोज़ जो थे वो इजी मूवमेंट था उनका नाइनटीन सेंचुरी के बीहाफ पे यहाँ पर बात करी जा रही है सेकेंड यहाँ पर आ, बात आती है अब वर्ल्ड इकोनॉमी शेप अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस तरीके से शेप आ, ले रही है तो देखते हैं उसके बारे में अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्शन इन द इंडस्ट्रियल यूरोप आपने यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत आपको नॉलेज ही होगा कि इसी टाइम पीरियड में नाइनटीन सेंचुरी के आसपास में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर जो फूड की डिमांड है वो कम ए, फूड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और उसका प्रोडक्शन गिर जाएगा अरे बात समझ में बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन दे वर मोर फोकसिंग ऑन दी अदर आस्पेक्ट देन दी एग्रीकल्चर एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्योंकि प्राइमरी सेक्टर पे फोकस ना करके वो सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस कर रहे थे तो जो खाना पीना था उनकी कंट्री में बहुत हद तक डाउनफॉल जा रहा था पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन एंड कंजम्पन जो है वो यूरोप में उसने पिक्चर ही चेंज कर दी थी ट्रेडिशनली कंट्रीज लिंक्ड टू बी सेल्फ सफिशियंट इन फूड बट इन द नाइनटीन सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ सफिशियंस इन फूड मेंोअर लिविंग स्टैंडर्ड इन सोशल कॉन्फ्लिक्ट

ज अर्बन सेंटर एक्सपांडेड एंड इंडस्ट्री ग्रू द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वेंट अपू ग्रेन प्राइजेस अंडर प्रेशर फ्रॉम द लैंडेड ग्रुपर्मेंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड इत कॉन अब हुआ क्या यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था तो जो लैंडेड ग्रुप थे मतलब जिनके पास में जमीने वगैरह थी यहाँ पर अपन बोल सकते हैं द गवर्मेंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉन मतलब कॉन का जो इम्पोर्ट है वो भी रोक दिया गया था बाहर के कंट्रीज से कॉन मतलब पता है ना क्या होता है बस वही द लॉज अलाउंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज द लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कानून की अगर आपने बात कर दी है तो वो कहीं ना कहीं दो मार्क्स में तो जगह ले ही लेगा इस चैप्टर में ठीक है तो ध्यान रखना विद द हाई फूड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन फोर्स अबोलिशन ऑफ द कॉन लॉज अब उसकी वजह से क्या हो रहा था कि फूड प्राइजेस हाँ। देखो मेरी बात समझो कि आपकी कंट्री के अंदर फूड ग्रेन जो है वो कम है ठीक है अब गवर्नमेंट ने उस फूड ग्रेन को इंक्रीज करने के लिए बाहर से जो इंपोर्ट है वो उसने कैंसिल कर दिया कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो हो अब प्रॉब्लम क्या रही है कि फूड ग्रेन पहले से कम आपने इंपोर्ट रोक दिया तो इसका रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलेगा प्राइजेस प्राइजेस में एकदम एक्सट्रीम क्या आ गया हाइक अब जब प्राइजेस में हाइक आएगा तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे अब आपकी जो इनकम थी वो कैसी थी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सोसाइटी में फिर इसी तरीके से कॉन लॉस जो थे जो बने हुए थे तो अनहैप्पी विद हाई फूड विदेस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन जितने भी थे तो इंडस्ट्रियलिस्ट का अपोजिशन तो जरूरी था और आपको पता भी है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपोज क्यों करेंगे क्योंकि उनको तो भाई अपनी कंट्री में सामान ला बेचेंगे तो पैसा मिलेगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो पैसे को पहचानता है तो वो तो इसका अपोजिशन करेगा ही करेगा एंड अर्बन डुवेलर्स जो थे उनके भी जो था कि भैया कॉन लॉस जो है वो कंट्री में नहीं होना चाहिए वो पैसा नहीं है हम लोगों के पास में उसके बारे में सारी बातें हुई थी उसके बाद फ्टर द कॉन लॉज वेब मतलब खत्म कर दिया गया था फूड बी इम्पोर्टेड इन टू ब्रिटेन अब हो सकता है, कि जो का है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर वो कौन इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है सॉइल अवेलेबल नहीं है क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है तो कौन जो है वो महंगा बनेगा अब मान लो कि गेहूँ रतलाम के अंदर अपने रतलाम के अपने इंडिया के अंदर माने ऑन एन एवरेज तो कितने रुपए किलो हो सकता है मेरे हिसाब से कितना होगा बताओ पचास रुपए तो सस्ता हो गया भैया सौ रुपए तो मानो यार कम से कम हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है हंड्रेड रुपीज पर केजी अपन मान लेते हैं अब अगर हंड्रेड रुपीज पर केजी जी वीट है ये मान रहे अपन है ठीक है अब मान लेते हैं अब चाइना के अंदर क्या एग्जैक्ट पता है क्या विदम्बिया अब अगर हम लोग माने कि यही चीज श्रीलंका के अंदर या श्रीलंका बोल लो वैसे श्रीलंका ही बोलना चाहिए उनके पास में क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है क्लोज टू इक्वेटोरियल क्लाइमेट है सॉयल की कंडीशन अच्छी है वो यही चीज़ जो है वो तीस रुपए में बना सकते हैं उनके पास लेबर भी सस्ता है तब क्या होगा इससे वो लोग इंडिया को बोलेंगे बोले कि ये लोग काम करो पचास रुपए किलो में हम लोगों से गेहूं ले लो उसी क्वालिटी के जिस क्वालिटी के तुम लोग ग्रो कर रहे हो भैया हम हमारी कंट्री में ग्रो कर रहे हैं प्रॉफिट एडिशन के बाद में मान लो नब्बे की कॉस्टिंग है दस का प्रॉफिट एडिशन हुआ सौ रुपये किलो अगर इंडिया में बिक रहा है बाहर से अगर पचास रुपये में आ रहा है तो एज एन अगर आप फार्मर भी हो तो आप क्या करोगे आप मेहनत करके किसानी करोगे या फिर इम्पोर्ट करके लोगों को यहाँ पर बेच के चालीस का मार्जिन कमाओगे क्या करोगे मार्जिन का मैंने समझदारी है तो इसी तरीके से जो कॉर्न था ना वो बाहर की कंट्रीज में बहुत सस्ता था अब बाहर की कंट्रीज में सस्ता होने की वजह से उसने ब्रिटेन में पूरी तरीके से जगह बना ली अब ब्रिटेन से अगर जगह बनाई है तो ब्रिटेन में उसको ट्रेड अच्छा मिल गया तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर अनेबल टू विद एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टीवेटेड एंड थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर आउट ऑफ वर्क एंड तो दे टू द द सिटीज माइग्रेटेड ओवरसीज जैसे कि अपन ने अभी डिस्कस करा है अभी मैंने आपको बोला है कि भैया मान लो कि आप सब किसान हो आपको किसानी से महीने में मान लो कि दस हजार रुपए महीना मिलता है मैं आपको बोल देता हूँ किसानी छोड़ दो आप किसानी मत करो मैं आपको चालीस हजार रुपये महीना दूंगा बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो आप क्या मना करोगे कि नहीं नहीं मेरे को किसानी ही रहना है मैं केवल दस हजार रुपये महीने में काम करूंगा ना आप तुरंत शिफ्ट हो जाओगे चालीस हजार रुपये लेकिन ये चीज सबके लिए पॉसिबल है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का धंधा करना अब आपने क्या करा एज एन इंडिविजुअल कैपेबिलिटी में आपने अपने पूरे रतलाम की जो भूख वो मिटा दी आप इतने बड़े इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हो गए कि आप ही पूरा माल से ट्रेड कर रहे हो तो बाकी के सारे फार्मर्स क्या वो लोग ग्रो करेंगे क्या वो लोग पैसा कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे क्योंकि सब लोग सामान किससे खरीदेंगे उस इंपोर्टर से क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा आप जो सौ रुपए की चीज हो नब्बे रुपए में बेच दो अरे बात समझ में तो उसकी वजह से बहुत सारे जितने भी किसान थे यूरोप के अंदर उनको क्या प्रॉब्लम आई कि वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और उन्होंने सिटीज की तरफ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारी जगह अनकल्टिवेटेड रह गई थी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी यूरोप के अंदर अब एस फूड प्राइजेस फेल अब फूड की प्राइजेस गिरने लगी धीरे धीरे अब फूड की प्राइजेस क्यों गिरेगी क्योंकि इंपोर्ट बढ़ने लगा कंट्री के अंदर कंजम्प्शन जो है वो ब्रिटेन में बढ़ा कंजन बढ़ने लगा अब कंजप्शन बढ़ेगा क्योंकि अब आप, आप समझो कि कोई चीज अगर सस्ती है मान लो कि आपको भू गए दो पिज्जा खाने की लेकिन वो तीन सौ तीन सौ रुपए के हैं अब उसमें होगा क्या कि आपके पास में केवल चार सौ रुपए पड़े हैं या फिर साढ़े तीन सौ रुपए पड़े हैं तो आप दो खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो अब आपको दो 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 खाने की इच्छा है और रुपए में मिल रहे हैं वही सेम वही सेम 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 चीज चीज क्वालिटी एवरीथिंग तो जगह तीन बोले के आने है। तो यही बात है कि कि आने भैया यही जैसे ही गिरी लोगों ने कंजम्पशन क्या कर दिया उस का बढ़ा दिया सो so अब भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था लोग पैसा बनाना सीख रहे थे उनको पैसा बनाना आ गया था अच्छे से कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं अब जब पैसा कमाना स्टार्ट करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अब जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे अंबानी अडानी का इन लोगों का घर देख लेना रहने वाले चार पाँच जने होते हैं लेकिन एरिया देखा आपने कितना होता है तो जब इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पन बढ़ता है अननेसेसरली हो सकता है अब फिर आप अगर आपने मान लो कि आप इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गए वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हो गए तो आप बोलोगे ठीक है भैया तीन सौ पैंसठ गाड़िया होगी आपके पास में फिर एक दिन की एक गाड़ी से जाओगे आप इतना पैसा है आपके पास में उस पैसे का आप क्या ही करोगे आई बात समझ में तो लोगों के पास में होता है इतना पैसा तो यहाँ पर जैसे जैसे लोगों के पास में पैसा बढ़ रहा था वहां पर हम लोगों को ज्यादा इम्पोर्ट देखने के लिए मिल रहा था क्योंकि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा अब ज्यादा इंपोर्ट होगा अब यार लेकिन एक बात समझना जरूरी है आप इम्पोर्ट करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो लोग खाए जा रहे हैं अरे एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जो इक्वलिब्रियम लेवल को टच करेगा लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से फुलफिल होती है समझना वेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस किसी भी चीज के लिए आप देख लो अगर आपने प्राइस कम कर दोगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी सोसाइटी में अब मान लो कि जो मारुति की कार है वो दो दो तीन तीन लाख रुपए में मिलना स्टार्ट हो जाती है तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी एकदम बढ़ जाएगी जितने भी युंडाई वगैरह होंडा के कस्टमर है उनको वही गाड़ी चाहिए एकदम जिद्दी है सब लोग शिफ्ट कर जाएंगे इधर तो वेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस अब भैया आपने एक गाड़ी खरीद ली तो क्या आप गया गाड़ी खरीदते ही जाओगे क्या ऐसा तो नहीं है अब सब लोगों ने एक एक गाड़ी खरीद ली मांडू मारू थी कि फिर आप क्या प्राइस गिराते जाओगे तो क्या डिमांड अभी भी इंक्रीज होते जाएगी नहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि डिमांड वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी अब जब डिमांड डिक्रीज होना चालू हो जाएगी धीरे 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 तो प्राइस के साथ में मैच कर जाएगी डिमांड और ज्यादा डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा उस चीज़ का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो फिर वापिस से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी फिर वापिस से प्राइस कम होगी और इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमी में पूरी तरीके से चलता रहता है इसी को हम लोग डिमांड सप्लाई मैच बोलते हैं तो यहाँ हम लोगों को वर्ल्ड में यही देखने के लिए मिला था तो इन ईस्टर्न यूरोप रशिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लैंड्स वर क्लियर एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपांडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड तो साले ब्रिटिशर्स कौन इतना ठूस रहे थे न जाने क्या कर रहे थे कि पूरे पूरे यूरोप रशिया अमेरिका इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया ने अपना एरिया पूरा खत्म कर दिया और केवल एक ही चीज ग्रो करना चालू कर दिया जो ब्रिटेन में खाई जाती है कि भैया तुम लोग तो बस इंपोर्ट करो हम लोग सब सामान देने के लिए तैयार है नाउ इट वॉज नॉट इनफ नियरली टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर रेलवेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन टू द पोर्ट्स अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपने केवल अब आप, देखो ट्रांसपोर्ट इज द की अगर आप मांडो के प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करना जानते हो और अगर आपके एरिया में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो उस प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है ये हम लोगों ने लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में देखा था कि जो फूड का मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी होता है जैसे कि फ्रोजन फूड भी रहता है तो उनके सबके टाइम स्पेंड होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड में आप उसको फ्रॉम वन प्लेस टू तो वन लेके जा सकते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दे रखा है कि भैया रेलवेज की भी यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ रही थी न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट एंड द ओल्ड वंस एक्सपांडेड टू शीप द न्यू कार्गोज पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड टू ब्रिंग दम अंडर कल्टिवेशन तो लोगों ने जो है वो सेटल होना स्टार्ट कर दिया उसके बाद में कल्टिवेशन भी स्टार्ट कर दिया इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर तो अगर आप घर बना रहे हो या फिर आप रेलवेज बना रहे हो कार्गोज वगैरह उसमें लोड अनलोड कर रहे हो तो इनमें आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी एक तो पैसा और एक लोग दोनों चीज़ों की जरूरत है अगर डेवलपमेंट होगा सो कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंडन द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेज लेबर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन तो यहाँ पर लेबर का जो है वो सप्लाई देखने के लिए मिला है उसके बाद में लंडन एक फाइनेंशियल सेंटर जैसा था लंडन में पैसा बहुत था तो वहां से लोग इन्वेस्ट करते थे दूसरी कंट्रीज के अंदर कि आप भाई पैसा लो हम लोगों से कोई दिक्कत की बात नहीं है आप अपना बिजनेस करो और जैसे जैसे रिटर्न है जो भी तय होता है जैसे आज अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होता था अब देखो यहाँ पर इमिग्रेंट शिप्स लिविंग फॉर द यूएस बाई एमडब्ल्यू राइटलेटीन सिक्सटी नाइन के यहाँ पर इमेज दे रखिए एटीन सिक्सटी नाइन से इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब आया था एटीन फिफ्टी नाइन और 1869 मेरे को मेरे जहां तक याद है हंड्रेड परसेंट यही है महात्मा गांधी जी का बर्थ ये रही है ठीक है और उसी से मैंने सोचा था शायद याद रखा था कि उससे 10 साल पहले जो है वो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था ये आपका उसके अंदर है क्या बोलते हैं इंडिया के अंदर ठीक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट तो बस उसी के बारे में थोड़ा सा है नाउ नियरली 50 मिलियन पीपल इमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन द नाइनटीन सेंचुरी अब इनके पास में काम था लेबर शॉर्टेज थी अमेरिका सप्लाई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया सप्लाई कर रहा था सप्लाई किसको कर रहा था ब्रिटेन को आप समझो कि आप ब्रिटेन है ब्रिटेन को बहुत सारा खाना खाना है एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स लिख रहा हूँ बेसिकली अमेरिका बोलेंगे हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स अभी नहीं बोलेंगे अभी आज़ाद नहीं हुआ है और एक तरफ है आपका ऑस्ट्रेलिया ठीक है अब क्या था कि ब्रिटेन में लोग बहुत सारे थे पीपल लेकिन उनके पास में काम नहीं था इनके पास में काम था लेकिन लोग नहीं थे तो ये लोग जो है वो माइग्रेंट लेबरर्स हो गए दोनों कंट्रीज में सेटल हो गए वहां पर फूड ग्रेन को ग्रो करके इन्हीं की कंट्री में वापस से भेज रहे थे अरे बात समझ में किस तरीके से लिंकेज चल रहा है तो ये कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर बता रखी है अपन को सो नियरली फिफ्टी मिलियन पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप तो पूरे यूरोप ब्रिटेन की बात क्या करें हम लोग पूरे यूरोप से माइग्रेशन देखने के लिए मिला और ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 मिलियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम क्रॉस ओशन एंड ओवर द लैंड इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर तो अब काम धंधे बचे नहीं थे यूरोप के अंदर केवल इम्पोर्ट इंपोर्ट देखने के लिए मेरा था इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था माना लेकिन फिर भी वहां पर एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो काफी ज्यादा कम था तो 50 मिलियन लोगों ने अपने घर बार छोड़े और बाहर की तरफ निकल गए आयरिश इमिग्रेंट्स वेटिंग टू बोर्ड द शिप बाय माइकल फिटलैंड ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया तो इमिग्रेंट देखो कितने ग्लोबल एग्रीकल इकोनॉमी technology food no longer came from a nearby village or town but from thousands of miles away तो माइल्स अब देखो खाने की क्या वैल्यू हो गई है के पास में अगर कुछ चंद किलोमीटर है तो वहां से खाना नहीं आ रहा है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के दूर से खाना ट्रेवल होते हुए आपके पास में आ रहा है और उसकी कॉस्टिंग कम है एस कंपेयर टू आपके पास में जो खाना बनेगा उससे बट बाय एग्रीकल्चरल वर्कर नाउ वर्किंग ऑन अ लार्ज फार्म ओनली बींग ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे which आर increasingly मेड इन दिस decades बाय द लो पेड वर्कर्स फ्रॉम द साउथ यूरोप एशिया अफ्रीका एंड करीबियन तो उसको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ लाइंस भूली गई है कि जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह क्लियर करने स्टार्ट कर दिए गए थे अभी कुछ टाइम पहले तक वहाँ पर पूरा जंगल था फॉरेस्ट को क्लियर करा कल्टिवेबल लैंड बनाया वहाँ पर कल्टिवेशन स्टार्ट करा लोगों की सप्लाई डिमांड को मैच करने की कोशिश करी गई थी उसके बाद में रेलवेज वगैरह बिल्ड करा था तो रेलवेज की जो बिल्डिंग हुई थी वो लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कभी नहीं हुई थी उसका जो प्राइम अलोकेशन था वो यही था कि रेलवेज इसलिए आना चाहिए बिकॉज गुड्स कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली तो खाने का सामान वगैरह इधर से उधर पहुंचाने के चक्कर में हम लोग भी साथ में पहुंचने लगे हैं अरे बात सुन रहे तो आज भी जो इंडियन रेलवे पैसा कमाती है वो पैसेंजर से नहीं कमाती है वो कमाती है किससे जो गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर आपने देखा है ना जिसको हम लोग मालगाड़ी बोलते हैं जो कार्गोज वगैरह कैरी करते हैं पैसा उनसे कमाया जाता है तो आपका जो भी पैसा रहता है उसके फिफ्टी आपने टिकट पर पढ़ाई होगा

फिर नेक्स्ट हम लोग देखें सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज दो ऑन एन स्मॉलर स्केल अकर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब हियर द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनाल्स अब ये इंडिया का आस्पेक्ट आ गया तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कहां पर एंटर कर गए हैं अब यहां पर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इरीगेशन कैनाल्स का नेटवर्क बनाया टू ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट वेस्ट इन टू फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड दैट कुड ग्रो वीट एंड कॉटन फॉर दी एक्सपोर्ट अब कमी तो थी अभी भी यूरोप के अंदर तो इन लोगों ने क्या करा कि इंडिया के अंदर एरिया को क्लीन करना स्टार्ट करा जो एकदम डेजर्ट वाला एरिया था अगर उसको पानी दे और अगर जो जो बंजर जमीन है बैठ जाओ बैठ जाओ जो बंजर जमीन है अगर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अगर मान लो कि पानी और कुछ फर्टिलाइजर देने से अगर वो ढंग से ग्रो कर पाए क्रॉप्स, तो वो करना है, स्टार्ट करा द फ्रॉम कॉलोनी अदर पार्ट ऑफ दंजाब पंजाब स्टार्ट करना इन मीट ऑफर्स एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टेड प्रोसेस Europe and फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप arrived here. तो so, ठीक है भैया 1870 में जानवरों को भी बुला लिया है अमेरिका से यूरोप तो केवल इंसान ही यहाँ पर नहीं है कि यूरोप से पूरी दुनिया में जा रहे हैं पूरी दुनिया से वो लोग गए फिर उसके बाद में जानवरों को भी यूरोप में भेजा क्योंकि वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो नॉन वेजिटेरियन कल्चर ज़्यादा है इसमें तो कोई डाउट नहीं है और दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पर समझे कि पॉपुलेशन वहाँ पर ग्रो कर रही थी तो पॉपुलेशन ग्रो करने की वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पर फूड की डिमांड बढ़ रही थी अब सब लोग तो कौन नहीं खा सकते ना वहाँ पर तो इसके अलावा जो दूसरी चीज है उसकी भी यहाँ पर बात हो रही है बट लाइव एनिमल्स टूक अप अ लॉट ऑफ शिप स्पेस अब जिंदा जानवरों को लेके आओगे तो उनको तो जगह ज़्यादा ही चाहिएगी बाकी तो घड़ी करके लेके आ ही सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सो मैनी ऑल्सो डाइड इन वोएज तो बाकी तो वो ऐसे क्या आप दे भैया पढ़ना है अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो एज मतलब क्या है कि इन ट्रांजिट भी बहुत सारे जानवर मर जाते थे क्योंकि अब वो तो जानवर है तो जानवरों को तो भर के ले इंसानों को नहीं छोड़ा जाता था उस टाइम स्लेव हम लोगों ने पढ़ा था अगर आप लोगों को याद होगा नाइन्थ क्लास में स्लेव ट्रेड होता था करेबियन आइलैंड फ्रांस और उसके बीच में एक ट्राइंगर ट्रेड हम लोगों ने देखा था ऐसा तो उसमें इंसानों को भर के एकदम मतलब ऐसा है कि एक छोटे से जैसे आप ये इमेजिन कर लो कि जिस रूम में भी अपन बैठे हैं इस रूम में लगभग नहीं नहीं करते 500 से 600 जने हों उस हालत से इंसानों को लेकर जाते थे अब सोचो जानवरों को अगर ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो किस कैसे लेके जाते होंगे क्योंकि उनको तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे जाके बेचना है क्योंकि अगर नहीं तो वापस से अगर वो जानवर बच गए पोर्ट पे, तो उनको वापस दूसरे वोज में भेजना पड़ेगा तो खर्चा पड़ जाएगा तो ये दिक्कत है दे लॉस्ट वेट और बिकम अनफिट टू ईट तो अब

ऐसा हो सकता है कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट हो उसके अंदर या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि कोई फ्रोजन प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू टूर शिफ्ट करा जा रहा हो बेसिकली तो रेफ्रिजरेटेड शिप का कॉन्सेप्ट निकल के आया फिर उसके बाद में तो पेरिशेबल फूड्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस आराम से ले जा सकते थे तो फिर जिंदा जानवरों को ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी उनको पहले ही ठीक करके और फिर ले जाया जाता था ऐसा अब देखो मीट बिंग लोडेड ऑन टू द शिप एलेक्सेंड्रा इलेटेड लंडन न्यूज एन तो यहाँ पर दे रखा है Now, animals were slaughtered for food at this starting point, in America, Australia, or New Zealand, and then transported to Europe for the as frozen meat. This reduced shipping costs and lowered meat prices in Europe. The poor in Europe could now consume a more varied diet. To the earlier monotony of bread and potatoes, many, though not all, could now add meat and butter and eggs to their diet. Better living conditions promoted social peace between the country and supported for imperialism abroad. अब देखो बहुत अच्छी लाइन बोली गई है कि अगर आपका पेट शांत है तो आप चार चीजें और अच्छे से सोच सकते हो समझना एक बात अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है लेट से अगर मैं यही चैप्टर आपको चार बज तक पढ़ाऊँ तो दंगे हो जाए क्लास में अरे बात समझ में क्योंकि तुम लोगों को लगे कि भूख अभी थोड़ी देर में अभी लगना चालू हो गई होगी है ना टाइम देख के धीरे धीरे भूख बढ़ते जा रही है बारह साढ़े बारह एक दो तीन उसके बाद ये चैप्टर तो थिंकिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी समझ में नहीं आएगा मैं कोशिश भी कर लूंगा तो अब लोगों का भी वहाँ पर ऐसा ही था कि भैया पोटैटो है उसके बाद मेज है कौन है कितना खाएगा आदमी तो वहाँ पर प्रॉब्लम है हम जैसी वेजिटेरियन डाइट तो है नहीं उन लोगों की वो तो भैया है ही जानवर तो अब उस अबे उपहास <laughs> ये बोल मत देना ऑफिस नहीं पाओगे वहां से <laughs> तो थोड़ी सी दिक्कतें थी तो फिर वहां पर क्या करा उन लोगों ने सोचना चालू करा समझना क्योंकि फिर खाना पीना उन लोगों ने अच्छे से स्टार्ट करा और इसी तरीके से उन लोगों ने फिर इंपेरियलिज्म के बारे में सोचना चालू करा इंपेरियलिज्म मतलब समझते ना क्या होता है क्या होता है इंपेरियलिज्म ऑक्यूपाइंग द अदर कंट्री बाय फोर्स तो यू आर द इंपीरियल पावर तो फिर ये सारी चीजें होना स्टार्ट हुई क्योंकि डाइट वगैरह अच्छी हुई सो लेट नाइनटीन सेंचुरी कॉलोनलिज्म पर स्टार्ट हुआ था सो ट्रेड फ्लरिश्ड एंड मार्केट एक्सपांडेड इन द लेट एटीन सेंचुरी सेंचुरी बट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ एक्सपांडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रोस्पेरिटी इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट देर वॉज एन डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस अब यूरोप में इतना ज्यादा डेवलपमेंट चल रहा था कि उनको दूसरी चीजों की जरूरत पड़ने की वजह से इंपेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आया दूसरे कंट्री पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटेन और यूरोप ने बेसिकली इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपानशन ऑफ ट्रेड एंड अ क्लोजर रिलेशन विद द वर्ल्ड एंडेशन विदर्ड इकनोमीट अ लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड लेट नाइनटीन सेंचुरी यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट प्रोड्यूस मेनी पेनफुल इकोनॉमिक सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस थ्रू द सोसाइटी वर ब्रॉड इंटू द वर्ल्ड इकोनॉमी तो यहाँ पर uh, पूरी इकोनॉमी जो है वो श्रिंकेज यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिला था क्योंकि यूरोप ही है जो कि फ्लरिश कर रहा था उस टाइम पीरियड में क्योंकि कहीं ना कहीं इम्परलिस्टिक पावर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी तो सेंचुरी की कहानी बता रखी है लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका यू विल सी सम कंट्रीज बॉर्डर्स रन स्ट्रेट एंड इफ दे वर ड्रॉन यूजिंग अ रूलर वेल इन फैक्ट दिस वॉज ऑलमोस्ट हाउ राइवल यूरोपियन पावर्स इन अफ्रीका ड्री ऑफर्स डी मार्केटिंग रेस्पेक्टिव तो यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ना तो ये सब जो डी मार्केशन है यहाँ पर अलग अलग यूरोपियन पावर जो है वो राज करता था इसलिए डी मार्केशन आया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डी मार्केशन मैप पे डाला किसने कॉलोनियल पावर ने इंडिया और बांग्लादेश पे डाला किसने कॉलोनियल पावर ने अफ्रीका के अंदर ये जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हो जिससे देखते हो सब किसने करा कॉलोनियल पावर ने यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल देखो आप बेल्जियन है ये वाला जो कलर दे रखा है वो राज है इसका ब्रिटिशर्स येलो में है फ्रेंच जर्मन इटालियन पोर्चुगेज स्पेनिश ब्रिटिश डोमियन इंडिपेंडेंट स्टेट तो कुछ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट स्टेट भी थे जो जीत नहीं पाए थे तो इतने सारे टुकड़े कर दिए गए थे ये इतनी सी कुछ मुठ्ठी पर यूरोपियन पावर ने पूरे कॉन्टिनेंट के खेल लगा दिए थे तो बस उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया जा रहा है अब नेक्स्ट दे रखा है इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर मेट इन बर्लिन टू कम्प्लीट द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका बिटवीन दम ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास एडिशन टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द अब जो आखिरी में जो लड़ाई बची थी ना वो मेनली ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बची थी अगर आप इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो तो आपको ये चीज पता होगी कि जो टीपू सुल्तान है उसने बेसिकली जो हेल्प ली थी टीपू सुल्तान का नाम तो सबने सुना है ना ठीक है कौन से स्टेट को राज करते थे वो दिल्ली कौन बोला दिल्ली अबे बिल्ली मैसूर श्रीनंग अगर हम लोग बात करें मैसूर के अंदर ही है तो उस पर्टिकुलर एरिया पे राज चलता था तो ऐसा था कि टीपू सुल्तान को कभी हराया ही नहीं जा सका था स्टार्टिंग में वो तो आखिरी में जाके बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई थी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ गई थी अपने लोगों ने भी धोखा दिया था तो फाइनली टीपू सुल्तान हारा था तो टीपू सुल्तान ने हेल्प ली थी फ्रांस की फ्रेंच कॉलोनियल पावर भी इंडिया के अंदर थी तो उनकी भी आर्मी उतनी डिसिप्लिन थी उनके लड़ने का जो तरीका था वो भी उतना ही डिसिप्लिन था तो टिपू सुल्तान ने नेगोशिएशन करा था और उनके जो फादर हैदर अली उन्होंने भी नेगोशिएशन करा था ब्रिटिशर्स के उसके फ्रांस के साथ में उनकी आर्मी का यूज़ करा था तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स और फ्रांस की जो राइवलरी है वो इंटरनेशनल तरीके से और ज़्यादा बढ़ गई थी तो ये भी देखने के लिए हम लोगों को मिला था तो वर्ल्ड के अंदर भी हम लोग देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस दो ऐसे नेशन है तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा एडिशन मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिशन था अच्छा ब्रिटेन ने यह करा तो हम लोग ये करेंगे फ्रांस ने अगर कर कुछ करा तो अच्छा फ्रांस ने ऐसा करा तो ब्रिटेन ऐसा करेगा बट नंदले हम लोग बात करेंगे तो ब्रिटो, ब्रिटो, ब्रिटेन वॉज मच एंड वेरी पावरफुल देन द फ्रांस इंडिया से भी उनको मार मार के फिर फाइनली भगाया गया था सो बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स द यूएस ऑल्सो बिकम अ कॉलोनियल पावर इन द लेट 1890 नाइनटी बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाई स्पेन तो स्पेन ने राज कर रखा था किस पे यूएस पे तो so यूएस ने फिर स्पेन को मार के भगाया और 1890 में फिर वो कॉलोनियल पावर वो क्या बोलते हैं वो सेंट्रलाइज पावर बना और फिर धीरे धीरे डेवलप नेशन की कैटेगरी में आया

दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइट स्प्रेड यूरोपियन इंपीरियल इंपेक्ट ऑन द कॉलोनाइज सोसाइटी तो अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि किस तरीके से कॉलोनिज्म ने इम्पैक्ट डाला था इंपीरियल इंपैक्ट आया था तो आप ये लिख सकते हैं देखो दे रखा है गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियम्परियम इम्पीरियल इंपैक्ट ऑन कॉलोनाइज सोसाइटी

For centuries, land and livestock sustained African livelihood and people rarely worked for so, aap wo ki there an wage. तो उनको कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं थी आप ऐसा समझो अफ्रीका के अंदर क्योंकि जमीनें थी लाइव स्टॉक थी तो अपने आप से वो लोग जिंदा थे किसी की कोई जरूरत नहीं थी इन लेट नाइनटीन सेंचुरी अफ्रीका देयर फोर देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट विच कुड बाय इफ यू हैड बीन एन अफ्रीकन पोजेसिंग लैंड एंड लाइव स्टॉक एंड देर वॉज प्लेंटी ऑफ बोथ यू टू वुड हैव सीन लिटिल रीजन टू वर्क फॉर अ वेज तो अगर आपके पास में मान लो कि कोई लाइफ स्टॉक स्टॉक मतलब समझते हो ना क्या होता है कोई एनिमल जो नॉर्मल जो कंजम्पन है जैसे कि मिल्क हो गया या फिर मिल्क मेड प्रोडक्ट वगैरह हो गया या फिर मीट वगैरह हो गया तो दैट तो कैन भी इजिली कंज्यूम अगर आपके पास में यह है थोड़ी बहुत जमीन है तो लाइक आपको कोई वेज के लिए काम करने की जरूरत नहीं है अब देखेंगे इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी यूरोपियंस अट्रैक्टेड टू द अफ्रीका ड्यू टू इट वास्ट रिसोर्स ऑफ लैंड एंड मिनरल अब वापिस से किसकी बुरी नजर पड़ी अफ्रीका के ऊपर बोले यार यहां पर तो बहुत सारी जमीन है बहुत सारे मिनरल्स हैं पॉपुलेशन कम है और ये वेज के लिए वैसे भी वर्क नहीं करते पैसा ज्यादा नहीं है तो इनको कंट्रोल करना बहुत ईजी है तो चले गए वहां पर यूरोपियंस केम टू तो अफ्रीका होपिंग टू तो स्टैब्लिश प्लांटेशन एंड माइन्स टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप उन्होंने अपना पैर जमा लिया प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया रेडी नहीं था क्योंकि खाने पीने की चीजें आप समझो कि आपके अकाउंट में अगर एक दो पांच करोड़ रुपया भी हो तो काम करने की क्या जरूरत ऐसा लोग सोचेंगे बहुत हद तक सोचेंगे बोले है उसके ब्याज के पैसे से महीने का खर्चा आराम से निकल जाएगा इफ दे आर अनविलिंग टू अनलेस ऐसा अगर प्रोग्रेस करने तो अलग ही बात है तो जिसके पास में अगर सौ पचास करोड़ रुपए आराम से है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं जीवन आराम से चलेगा कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है ना तो यही प्रॉब्लम थी कि उनके पास में लाइफ स्टॉक्स वगैरह थे लैंड थे तो उनको काम करने की जरूरत नहीं खाने पीने के लिए चीजें हैं रहने के लिए है तो उन लोगों की डिमांड नहीं थी देखो प्रॉब्लम आता है कि जब आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो आपको सारे रिसोर्सेज चाहिए दुनिया की सबसे बढ़िया गाड़ी चाहिए दुनिया का सबसे बढ़िया घर चाहिए तो फिर आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है बस आपको घर चाहिए एक चार दीवारी चाहिए हट वगैरह है आराम से लाइफ स्टॉक है खाना पीना आराम से हो रहा है तो यू आर लाइक अनेबल टू ग्रो फिर उस केस में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे और आपको काम करने की कोई इच्छा भी नहीं है तो यहाँ पर, हाँ, तो पर पर मेनी टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर जो यूरोपियन ना उन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि भैया वहां के लोगों को रिक्रूट करें और अपने पास काम पे रख ले हैवी टैक्सेस और इम्पोज विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशन एंड माइंस और उन्होंने क्या करा कि टैक्स ज्यादा इंप्लीमेंट कर दिया किसके ऊपर अफ्रीकन्स पे तो टैक्स ज्यादा इंप्लीमेंट करने पे क्या हुआ कि पैसे की जरूरत पड़ी और वो पैसा कहाँ से आएगा जो माइंस और प्लांटेशन का काम दिया गया है ना वहां से सारा आने वाला है इनहेरिटेंस लॉज वर सो दैट पीजेंट्स वर वेस फ्रॉम लैंड इनहेरिटेंस लॉज मतलब कि अगर पिताजी के पास जमीन है तो हो सकता है कि बेटे के पास में वो जमीन उसके नाम पर नहीं होने वाली क्योंकि उन्होंने कानून चेंज कर दिया था कानून ही बदल दिए थे अगर जमीन गई तो फिर तो काम करना ही पड़ेगा मतलब कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रूक मतलब ये वही वाली बात हो गई कि एक बार आपकी गाली गाली क्या एक बार आपकी गाड़ी गाड़ी अगर पुलिस वाले ने पकड़ ली तो चालान वो फाड़ेगा ही फाड़ेगा वो कोई भी रीजन देगा फिर। वो बोलेगा, नहीं लगाया है, तो अगर लगा रखा है तो, तो आर सी मांगेगा।, तो तो मांगेगा फिर उसके बाद में उसका क्या बोलते पीयू सर्टिफिकेट मांग सकता है सारी चीजें बोलती तो गाड़ी के टायर की हवा भी चेक कर लेगा वो अगर वो भी कम होती है तो उस पर भी फाइन लग जाएगा तो वही वाली बात होती है किसी ना किसी तरीके से तो वो आपसे आप लेने ही वाला है तो यहाँ पर भी वही वाली बात है ब्रिटिशर्स ने ने यूरोपियंस सोच लिया था कि कैसे भी करके इनको काम पे रखना ही है तो क्या कोशिश करी पहले तो लालच दिया तो वेज की जरूरत नहीं थी तो फिर उनका आ, क्या बोला कि वहां पर टैक्सेस बढ़ा दिए फिर उनसे भी फर्क नहीं पड़ा तो उन लोगों ने फिर जो लॉस थे इनहेरिटेंस लॉस उसको भी चेंज कर दिए अब यहाँ पर तो दिक्कत आ गई क्योंकि जमीनें जो है वो खत्म होने स्टार्ट हो गई थी सो एज अ रिजल्ट

entering africa in the east rinderpest moved west like forest fire reaching africa's atlantic coast in 1892 आप समझो कि पूरी तरीके से चारों तरफ अफ्रीका में ये बीमारी फैल गई थी इट रीच्ड द केप दैट इज साउथ अफ्रीका जिसको हम लोग बोलते हैं वहां पर 5 इयर्स लेटर अलोंग द वे रेंडर पेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल आप सोचो कि जितनी भी वहां पर कैटल्स थी अब ये यहाँ पर माना जाता है कि ये जान मुझ के आई है या गलती से आई है क्योंकि 90 परसेंट कैटल मर गए थे और मेनली जो अफ्रीका के लोग जो जिंदा थे वो कैटल के बिहाफ पे ही थे कैटल है लैंड है तो ही तो वो वेज के लिए वर्क नहीं कर रहे थे अब 90 परसेंट कैटल चली गई अब तो आपके पास में कुछ बचा ही नहीं जीवन एक तरीके से खत्म हो गया था सो द लॉस ऑफ कैटल अब तो ये कहानी तो इम्पेरलिज्म की है ना आप सोचो कि अगर इंपेरियलिस्टिक पावर यूरोप अगर कभी अफ्रीका में जाता ही नहीं इटली कभी उसको कैप्चर करता ही नहीं उस जगह को

इनडेंटेड लेबर लेबर मतलब क्या होते हैं जो बॉन्डेड लेबर होते हैं बॉन्डेड लेबर मतलब आपने उन लोगों को थोड़ा सा बहलाया फुसलाया बोले कि चलो वहाँ पर बाहर की दुनिया दिखाएंगे वहाँ पर काम करना मस्ती से क्या बोलते बाहर की कंट्रीज में तो लोग लालच में आई जाते थे बोले कि चलो ठीक है इंटरनेशनल ट्रेवल करने के लिए मिलेगा लेकिन वहाँ जाके पता चलता था कि जीवन के खेल लग चुके हैं पूरे वहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ सकते हैं कभी घर वालों से वापस से नहीं मिल सकते हैं तो ऐसा तो बोला जाता था कि भैया इतने पैसे मिलेंगे इतने टाइम पीरियड में तुम लोग वापस आ जाओगे लेकिन सब झूठी बातें होती थी वो नाउ इट वॉज द वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिजरी हायर इकम्स फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स तो कुछ लोग बहुत पैसा कमा रहे थे कुछ लोग बहुत गरीब हो गए थे इसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांस आ गए थे सोसाइटी के अंदर ना इन द नाइनटीन सेंचुरी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज लेबर वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन इन माइन्स एंड इन रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड तो यहां से हजारों लोग इंडिया से और चाइना से बाहर निकले इन सारे काम के लिए ना इन इंडिया इन लेर वर्क फाइव ईयर ऑन दर एम्प्लॉयज प्लांटेशन क्या कहानी निकल गई कि आपको पांच साल वहां पर रहना है अच्छा आप घर में अगर पैसे की कमी है तो या फिर फैमिली सपोर्ट अगर आपको करना है तो ठीक है ऐसा बोला जाता है कि चलो पांच साल में वापस से जाके आ जाएंगे तो पांच साल के लिए वो लोग बोल के तो निकलते थे अब बाकी की कहानी समझते हैं मोस्ट इंडियन इनडेंटेड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बिहार सेंट्रल इंडिया ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इन द मेड नाइनटीन सेंचुरी दिस रीजन एक्सपीरियन मैनी चेंजेस कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइंट लैंड रेट्स रोज लैंड आर क्लियर फॉर माइंस एंड प्लांटेशन एंड ऑल दिस अफेक्टेड द लाइव ऑफ द पुअर द फेल टू पे देर रेंट्स तो ये इतने सारे चेंजेस आए सोसाइटी में कॉटेज इंडस्ट्री गिरते गई तो मेनली वो कॉटेज वर्क ही करते थे जितने भी लोग थे जो यहाँ पर रहते थे लैंड रेंट्स बढ़ गए थे जान मुझ के अपन बोल सकते हैं या फिर किसी भी रीजन की वजह से यूरोपियंस ने बड़ा एक कंट्री के अंदर लैंड्स जो है वो खत्म कर दिए गए थे माइंस और प्लांटेशंस के लिए तो इससे लाइफ जो है वो गरीबों की बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुई थी एंड फाइनली दे फेल टू पे दे रेंट बिकम डीपलीट इन सच ऑफ वर्क और इसके वजह से कर्जा जो है वो टैक्सेस का बहुत बढ़ते गया किसके ऊपर इंडियंस के ऊपर और फाइनली इंडियंस और चाइनीज जो थे उनको ना चाहते हुए भी बाहर जाके पांच साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्ट करना पड़ा तमिलनाडु के ड्राई डिस्ट्रिक्ट मतलब नाइन्थ क्लास में कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो हम लोगों ने यहाँ पर एक वो देखा था जो एक विंडवर्ड साइड होती, होती है और एक लीवर्ड साइड होती है तो ये वो वाला हिस्सा होता है जहां पर बारिश नहीं होती है सूखी जगह होती है और ये वो वाली जगह होती है जहां पे बहुत बारिश होती है याद है द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंड माइग्रेंट्स वर अब डेस्टिनेशन मतलब पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आपको भेजा कहाँ पे जा रहा है ये देखिए करेबियन आइलैंड भेजेंगे या मोरिशियस और फिजी तो जो आज के टाइम के लिए लग्जरी मोरिशियस चलो मोरिशियस चलते हैं एक वो वाला और एक उस टाइम पे चलो मोरिशियस चलते हैं उसमें दोनों में बहुत अंतर है

अब ध्यान से समझना रिक्रूटमेंट कौन करते थे छोटे-छोटे एजेंट्स करते थे जो कि एम्प्लॉयर्स रखते थे मतलब एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर मतलब जो काम पे रखने वाला होता है तो एम्प्लॉयर खुद जाके लोगों को नहीं रखता था वो अपने पास में एजेंट रखता था और एम्प्लॉयर एजेंट को बोलता था कि तू मेरे बिहाफ पे क्या कर लोगों को रिक्रूट कर काम के लिए मेनी माइग्रेंट or टू टेक their home इन Agents होम विलेजेस एजेंट्स prospective माइग्रेंट्स बाई प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन about फाइनल डेस्टिनेशन मोड्स ऑफ ट्रेवल द नेचर ऑफ द वर्क एंड द लिविंग and द वर्किंग कंडीशन अब क्या होता है आपको बोला गया फाइनली यहाँ से कि आप जब वहां पर कैरिबियन आइलैंड जाएंगे ना तो यहां पर वहां पर पैसे अच्छे मिलेंगे पैसे अच्छे मिलेंगे तो पहली बात तो यही खत्म आ जाती है दूसरी बात दिन में आपको केवल और केवल दस से बारह घंटे काम करने बाकी के बारह घंटे आपको सोना है खाना पीना है इसके अलावा कुछ नहीं घूमो फिरो ऐश करो तीसरी बात आप आराम से बारह घंटे बाद घूम सकते हो पाँच साल बाद आपको इंडिया आए फैमिली को ज्वाइन कर लेना वहां से पैसा सेव करके वापस से इंडिया में लेकर आ जाना तो ऐसे जितनी कोई बड़ी डील नहीं है तो कही कहीं ना कहीं अपने दिमाग में क्या आएगा अच्छा पहले तो वहाँ पर कोई गया नहीं है और जो गया वो वापस आया नहीं है तो वहां की कहानी तो बता नहीं सकता कोई अपन को के क्या है तो सब अलग अलग एरिया में भेला भूसला के उन लोगों को बोला कि बोले ठीक है लोगों ने साइन कर दिया बॉन्ड पर बोले चलो कोई दिक्कत की बात नहीं चलते हैं भरा उन लोगों को शिप्स वगैरह में कैरिबियन आइलैंड उतारा वापस इंडिया में कभी आए वो लोग कुछ लोग वहीं सेटल हो गए कुछ अगर जो बच गए थे जो नहीं बच पाए तो खत्म कहानी है फिर कुछ नहीं कर सकते थे तो वही वाली बात है कि एजेंट्स ने बहुत गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी एंड ऑफन माइग्रेंट्स आर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वर टू एम्बार्क ऑन अ लॉन्ग सी वोएज समटाइम्स एजेंट्स इवन फोर्सफुली एडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स तो अगर मान लो कि आपने एक बार हाँ भी बोल दिया मेरे को दूसरी बार अगर आप मेरे को मना कर रहे हो कि नहीं यार अब मन नहीं हो रहा है देखते हैं पैसे समझ लेंगे अपनी कंट्री अपना भारत मान तो मैं जबरदस्ती पकड़ के भी आपको डाल दूंगा कि एक बार भी आपने हाँ बोला तो बोला कैसे कि वहाँ पर चलने का मन है तो वो वाली बात है सो so, 19th सेंचुरी इन डेंटेड हैज बिन डिस्क्राइब एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी तो ये नया सिस्टम आया था स्लेवरी का अब देखो अपन ने देख ली कि क्या बातें एजेंट्स ने बोली थी हकीकत में क्या था ऑन अराइवल एट द प्लांटेशन लेबर फाउंडेड कंडीशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे हैव बिन इमेजिंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर हार्श हर्ष मत पढ़ना इसको हाँ एंड देर फ्यू लीगल एंड देर वर वेरी फ्यू लीगल राइट्स तो आपके पास में कोई हक वक है नहीं कोई चीजें नहीं बड़ी थे। सब है बड़ी दिक्कत है तो वर्कर होते हैं जबरदस्ती अगर आप उनको रखने की कोशिश करोगे तो कुछ लोग जंगल में भाग गए जिन लोगों को पकड़ लिया गया जो जंगल में भाग गए थे उनको बहुत हैवी पनिशमेंट दी गई जिनमें बहुत लोगों की जान भी चली गई थी

तो वहाँ पर राइटर्स कार्निवल होशे बनाए इमाम हुसैन ने बेसिकली इसको इमर्ज करा था तो मुहर्रम प्रोसेशन वगैरह जाता था तो वहाँ पर जो दूसरे कल्चर के लोग हैं ट्रेन की बात चल रही है तो वहाँ पर जो दूसरे कल्चर के लोग हैं उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया था तो रिलीजियस और रेसेस जो है वो धीरे धीरे ज्वाइन हो रही थी क्योंकि अब मान लो कि अब आप वापस अपनी कंट्री नहीं आ सकते तो अब जीना तो नहीं छोड़ सकते अपन किसी तरीके से तो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर लिया था सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ दी रस्ता फ्रिसम जो भी हो द मेड फेमस बाय द रेगे स्टार बॉब ये मारले uh, कोई गाने वाने का या फिर कुछ कुछ वो है वो एक बार देखते हैं इसको क्या है ये नहीं बॉब मार्ले तो पता है ये एक एल्बम है कि क्या है वो एक बार इसको चेक करना पड़ेगा इज ऑल्सो सेट टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चर वही ये कुछ गाना है कुछ एल्बम ही होगा इट टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक्स विद द इंडियन माइग्रेंट्स टू द दैरबियन तो इससे यह पता चलता है कि इंडिया के लोग जो है वो करेबियन आइलैंड में गए थे और किस तरीके से वहां पर सेटल हुए थे तो हाँ जो भी है चटनी पॉपुलर इन एंड इज अनादर क्रिएटिव ट्रेनेड एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडेंटर एक्सपीरियंस दिस फॉर्म्स ऑफ कल्चर फ्यूजन आर पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और इसी से ग्लोबल वर्ल्ड बना इस दुनिया से क्योंकि यहां के लोग वहां जाके सेटल हो गए इंडेंटर लेबर्स थे वहाँ के लोग कुछ इंडिया में आके सेटल हो गए जैसे कि हम लोग गोवा वगैरह जाते हैं तो चर्च देखने के लिए मिलते हैं ना बहुत सारे तो वो चर्च फ्रांस ने इस्टेब्लिश करे थे तो इस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड बनता है जैसे कि अगर जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो सुनील सुनील नारायण को जानते हो जो बॉलर है तो वो नाम क्या है उसका सुनील सुनील नाम कहाँ से है वो वेस्ट इंडीज़ में तो नहीं है मेरे हिसाब से क्रिस गेल का नाम तो नहीं है ऐसा जो इंडियन जैसा लगता हो तो कहीं ना कहीं ऐसे इंडेंट हो सकता है कि उसकी फैमिली में से कोई ना कोई इंडेंटेड लेबर इंडिया से उनको वहां पर ले जाया गया हो राम नरेश सरवन क्रिकेटर का अगर आप नाम जानते हो कि चलो वो तो हम लोगों के टाइम में काफी ज्यादा थे अभी आपके टाइम पे नहीं है तो वो राम नरेश ये जो जो सारे नाम है वो कहाँ से आ रहे हैं आपको दूसरे जिम्बावे की टीम में या फिर दूसरे टीम में इंडियन नाम मिल जाते हैं आजकल ठीक है या फिर ब्रिटेन की टीम में वो जो मुस्लिम है उनका नाम क्या वो बड़ी सी दाढ़ी है क्या नाम है हाँ मोइन अली तो अब मोइन अली इंग्लैंड का नाम तो नहीं है

शिव नरेंद्र का भी नाम सुना होगा राम नरेश सरवन ये सब इंडियन क्रिकेटर्स जो है वो वहां पर गए थे तो किसी तरीके से वो डिसेंडेंट है तो वो वाली बात है अब ये देखो कॉन्ट्रैक्ट की इमेज भी दे रखी है, नई बुक में हैं सारी चीजें वो हाँ ठीक है फ्रॉम द नाइनटीन हंड्रेड हाँ समझ में आएगा भी नहीं और समझ के काम भी क्या है फ्रॉम द नाइनटीन India's nationalist leaders began opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel. It was abolished in 1921. So 1921 diya gaya yet for the number of decades afterwards, descendants of the Indian indentured workers, often thought of as coolies, re, remained as uneasy minorities in the Caribbean Islands, some of the Nepal's early novels capture the sense of loss of eleniche ठीक है यहाँ पर इतना एसएच कुछ नहीं है बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 1921 में इसको अबोलिश कर दिया गया था जो माइग्रेशन वाला कांसेप्ट था कि 5 साल के लिए बॉन्डेड लेबर जो है और ये चीजें हैं। मतलब बुक बंद करने से कुछ नहीं होगा पढ़ना पड़ेगा आगे ठीक है तो और क्या करें तो अभी सेकंड वाला पार्ट खत्म हुआ? नो ही हुए 24 है बढ़ते चलो इंडियन आंट्रप्रेन्यर्स अप्रॉड अब देखते हैं कि इंडिया के जो आंट्रप्रेन्योर्स थे जो बिजनेस वगैरह कर रहे थे वो बाहर किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे थे सो ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल तो अगर आप मान लो कि फूड वगैरह ग्रो कर रहे हो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो मार्केट में तो उसके लिए कहीं की जरूरत पड़ेगी कैपिटल की पैसे की जरूरत पड़ेगी सो लार्ज प्लांटेशन कूड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स एंड मार्केट्स बट वॉट अबाउट दी हम्बल पीजेंट अब जिसके पास में पैसा नहीं है शांत तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिसके पास में बहुत सारा पैसा है वो तो इजीली बैंक से जाके आराम से अपने काम को कर लेगा लेकिन बैंक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया वहां से पैसा उठा के बिजनेस कर सकता है बट बर... तो हम्बल पेजेंट को दिक्कत हो रही थी हम लोगों को ये देखने के लिए मिला है कि जिनके पास में पैसा बहुत सारा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हम्बल पेजेंट मतलब यहां पर जिसके पास में पैसे की कमी है तो बैंक वगैरह से उसको लोन मिलना थोड़ी सी दिक्कत की बात है सो एंटर द इंडियन बैंकर डू यू नो ऑफ द शिकार एंड द नाटुकोटी चेटियस नहीं पता भैया वर अमंग्स द मेनी ग्रुप्स ऑफ द बैंकर्स एंड ट्रेडर्स शिकारपुरी श्रॉफ्स का तो सुना है बट इनका नाम नहीं सुना है तो दे वर अमंग्स द मेनी ग्रुप ऑफ द बैंकर एंड ट्रेडर हु फैंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया तो बहुत बड़े बड़े बैंकर्स में से एक थे ये लोग बहुत पैसा फ्लो होता था यूजिंग इधर देयर ओन फंड्स और फंड बोरोड फ्रॉम द यूरोपियन बैंक्स तो ये लोग यूरोप के बैंक से भी बोरो करके और लोगों को पैसा देते दे तो सोचो कि अगर यूरोप के बैंक से अगर ये लोग बोरो करके पैसा दे रहे हैं तो कितने बड़े लोग होंगे सो दे हैड एन सोफेस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर द लार्ज डिस्टेंस एंड इवन डेवलपिंग इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गनाइजेशन तो इनका खुद का एक तरीका होता था क्योंकि किस तरीके से इतने बड़े लेवल पर ये सामान वगैरह जो है सामान क्या पैसे वगैरह जो है वो इजिली वहाँ पर पहुँचा सकते हैं और इजिली जो है वो बिजनेस जो बिजनेस मैन है वो कैरी आउट कर सकते हैं इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर इन टू एफ्रीका हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स हाईवर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनी हैदराबादी ट्रेडर्स थे उन लोगों ने अपन बोल सकते हैं ऐसा की यूरोपियन कॉलोनीस के बाहर भी अपना बिजनेस को लेकर गए केवल ऐसा नहीं है कि यूरोप और वहीं पर जाकर रुक गए थे सो फ्रॉम सिक्सटी एस्टेब्लिश फ्लरिशिंग इम्पोरिया एट बीजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड नंबरिंग टू स्वेल ट्रेड कॉलोनलिज्म ग्लोबल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें हिस्टोरिकली फाइन कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप तो ये तो हम लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया है कि इंडिया में जो रॉ कॉटन प्रोड्यूस होता था उसको कहां पर एक्सपोर्ट करा जाता था यूरोप एंड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगेन टू एक्सपांड एंड इंडस्ट्रियलिज प्रेचराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज तो इंडिया से कॉटन बहुत बड़े लेवल पे आ रहा था तो यूरोप में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि वहाँ पर जो कॉटन प्रोड्यूसिंग फार्मर्स थे उनका लॉस हो रहा था तो ऐसा बोला गया था कि भैया आप इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दो ताकि यहाँ के लोकल जितने भी वर्कर्स हैं उनको हम लोग सेव कर पाएँ तो इसीलिए टैरिवस वगैरह इंपोज करा गए ऑन क्लॉथ इंपोर्ट्स इन टू ब्रिटेन तो इसीलिए जो क्लॉथ वगैरह इंपोर्ट अगर कर रहा है कोई ब्रिटेन में तो नहीं कर पाएगा, लिए का जो लोकल पीपल है, है वो ग्रो कर पाए कॉटन और उनका ट्रेड जो है फ्लरिश करे फ्रॉम द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफेक्चर ऑल्सो बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट फॉर दर क्लॉथ एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टेरिफ बेरियस इंडियन टेक्सटाइल नाउ फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द अदर इंटरनेशनल मार्केट तो पहले तो हम ना अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स काफी अच्छे से बिक जाते थे तो पहली प्रॉब्लम थी कि टैरिफ बेरियर्स लग गए थे तो ब्रिटेन में हम लोग एंटर नहीं कर पा रहे थे दूसरी बात क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे लोग भी कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे तो इंडिया को जो है वो स्टिफ कंपटीशन देखने के लिए मिला सो इफ यू लुक एट द फिगर्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वी सी ए स्टीडी डिक्लाइन ऑफ द शेयर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम Some 30 to 15 by 1815. तो साल के अंदर आधा हो गया आपका केवल कॉटन लो तो के लो तो के लोगों से बहुत स्टिफ कॉम्पिटिशन हम लोगों को देखने के लिए मिला ना वॉट देन डिड इंडिया तो इंडिया ने फिर बेसिकली एक्सपोर्ट करा क्या तो रॉ मटेरियल्स जो है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करे थे वही बात चल रही थे तो द शेयर ऑफ द रॉ कॉटन एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम फाइव परसेंट टू थर्टी फाइव परसेंट तो रॉ कॉटन तो जाएगी सही जैसे कि अभी अपन ने देखा लेकिन ऐसे फाइन जो कॉटन है जिससे कपड़े वगैरह या तो बने हुए कपड़े जो है वो वहां पर इम्पोर्ट नहीं करेंगे वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कंज्यूम करे जा रहे थे और दूसरी बात जो हम लोगों ने बार बार पढ़ी है पुरानी ईयर्स में भी पढ़ी है जो कि ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा फोर्स करा था हमको ग्रो करने के लिए और वो क्या था दैट इज यूज फॉर डाइंग क्लोथ्स एंड अनादर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट फॉर मेनी डिकेट जिसको जहां जाके मिल रही है वहां बैठते जाओ एंड एज यू हैव रेड लास्ट ईयर ओपीएम शिपमेंट टू चाइना ग्रू रेपिडली ओपीएम मतलब क्या होता है ओपीएम क्या होता है क्या देखा गांजा होता है गांजा देखा है वो उसी से बनता है

अब इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने क्या करा चाइना को क्या बेचा ओपीएम और चाइना से उनको क्या चाहिए था टी तो इसको फिर सब्सिडाइज करा लिया कि भैया ठीक है ओपीएम तुम लोग ले लो टी हम लोगों को दे दो और पैसे उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे तो कुछ इस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन को वो लोग हैंडल करते थे चाइना के साथ में और फिर टी का जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो सेल करके इंडिया में भी कंजप्शन टी का ही सही तो बढ़ते गया ओवर द नाइनटीन सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर फ्लडेड द इंडियन मार्केट फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स फ्राम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इक्रीज बट द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वॉज मच हायर देन द वैू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉ दा इंडिया तो यही वाली बात है कि आपकी कंट्री में दो कॉन्सेप्ट होते हैं एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इम्पोर्ट तो जितना ज्यादा अगर आप एक्सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा आप फॉरन एक्सचेंज को अर्न करोगे अरे बसंत में और जितना ज्यादा आप इम्पोर्ट करोगे उतना ज्यादा आप फॉरेन एक्सचेंज को लूज करोगे क्योंकि इंपोर्ट करने में आपको पैसा देना पड़ता है अरे अब हो यह ब्रिटेन से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चल रहा था लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, एकदम और कर रहे थे एकदम more, बहुत ज्यादा तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल ट्रेड जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिशिट क्या बोलते हैं तो ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ बेसिकली कि वहां पर या या तो इंपोर्ट कम है या तो एक्सपोर्ट कम है उस केस में ट्रेड डिफिशिट हो जाता है अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो अनफेवरेबल ट्रेड डिफिशिट है और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो फेवरेबल ट्रेड डिफिशिट की कॉन्सेप्ट वहां पर आ जाती है तो ब्रिटेन के लिए क्या हो गया ट्रेड सरप्लस क्योंकि वो बेच ज्यादा रहा है और मंगा कम रहा है तो ट्रेड सरप्लस ही हुआ ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट स्ट्रेट डेफिशिएट विद अदर कंट्रीज तो जो दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड डेफिशिएट हो रहा था तो अपनी कंट्री के साथ में तो फेवरेबल था तो इस तरीके से वो मैनेज करके चल रहे थे दैट इज विथ कंट्रीज फ्रॉम विच ब्रिटेन वॉज इंपोर्टिंग मोर देन इट वॉज सेलिंग टू एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन और उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट यहाँ पर सारी चीजें बता रखें तो इसको ध्यान रखना है एंड दिस इज हाउ अ मल्टीलेटल सेटलमेंट सिस्टम वर्क इट अलाउज वन कंट्रीज डेफिशिएट विद अदर कंट्रीज टू बी सेटल बाइट सरप्लस विदर्ड कंट्री तो यहां पर जितना भी प्लस माइनस हो रहा है वो दूसरे की आ, कंट्री के प्लस माइनस के साथ में सेटल हो जाता था तो मान लो कि आपने इस, इसको कुछ इस तरीके से समझो कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें बेसिकली तो इंडिया ने पांच यूनिट ज्यादा मंगा लिए ठीक है चाइना से तो ये अनफेवरेबल ट्रेड हो गया क्योंकि मंगा ज्यादा लिए और बेचे चाइना को कितने दो तो कितने का बैलेंस इम्बेलेंस आ रहा है तीन का अब ये जो है अब मान लेते अगर अपन पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ में अगर ट्रेड करा तो उसको अपन ने पांच बेचा और आधा मंगाया तो कितने मिल गए साढ़े चार इधर कितना अनफेवरेबल था तीन सेटल करा तो अपनी कितनी गेन हो गई डेढ़ इस तरीके से सेटल होता है

तो जो ट्रेड सरप्लस इंडिया में थे और देखो मेरी बात कि ट्रेड सरप्लस है तो इंडिया से ही पैसा कमाया जा रहा था तो उसी पैसे से ब्रिटिशर्स का घर भी चलता था जो इंडिया में रहते थे उसी से उनको सैलरी भी मिलती थी उसी से उनको पेंशन भी मिलता था और जितना उनका जो बाहर का डेट है ब्रिटेन का मान लो कि ब्रिटेन ने अमेरिका से लोन ले रखा है मान लो तो उसको जो पैसा भरा जाएगा वो इंडिया की कमाई से ही भरा जाएगा अरे बात समझ में तो इंडिया की एक्सटर्नल जो कमाई इंडिया से हो रही थी वो इस तरीके से ब्रिटेन उसको हैंडल कर रहा था तो अब हम लोग इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जब वॉर लाइक कंडीशन चल रही थी तो इकोनॉमी पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा था अपनी कंट्री पे या दूसरी कंट्रीज पे अगर हम लोग फोकस करें बेसिकली हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड पे फोकस करें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इस केस में तो यहाँ पर अगर हम लोग समझें तो बोल रखा है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज मेनली फोर्ट यूरोप दैट इज़ नाइनटीन फोर्टीन एंड एटीन तो उसमें एशिया का या फिर अफ्रीका कि अगर हम लोग बात करेंगे तो इन कॉन्टिनेंट्स का एस सच कोई लेना देना नहीं था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो मेनली यूरोप में ही लड़ाई हुई थी बट इट्स इम्पैक्ट वॉज फेल्ड अराउंड द वर्ल्ड तो किसी भी अब कंट्री में मान लीजिए कि वॉर लाइक सिचुएशन जनरेट हो रही है तो ऐसा होता है कि उस पर उसकी वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशन जितना भी इकोनॉमी में रहता है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का रहता है और अगर वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो ये बात तो तय है किसी भी आ, मतलब या फिर अगर वॉर हो रहा है किसी भी कंट्रीज़ के बीच में तो उनमें से कोई एक कंट्री सुपर पावर होने के उसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं जैसे कि आगे अभी भी अगर हम लोग बात करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा था तो मेनली उसके अंदर इन्वॉल्व रशिया था यूक्रेन का तो चलो ठीक है इतना ज़्यादा अपन इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं मानते एज कंपेयर टू अदर डेवलप कंट्रीज़ तो अब अब रशिया से मेनली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है पूरे वर्ल्ड का तो अगर वो किसी के साथ में वॉर लड़ रहा है तो सेंक्शन्स वगैरह ज़्यादा लग जाते हैं कि आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते एक्सपोर्ट नहीं कर सकते सच काइंड ऑफ थिंग्स तो उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जो सामान हमको रशिया से चाहिए था या जो सामान हमारा रशिया में जाता था अब वो पूरी दुनिया के चलते हम लोग उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसा तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रिलेशन जो है पूरी दुनिया के ख़राब होते हैं एंड नोटेबली फॉर अवर कंसर्नस इन दिस चैप्टर इट प्लन्च द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्वेंटी एथ मतलब हम लोग नाइनटीन तक की बात करेंगे into a अ क्राइसिस took लुक ओवर थ्री डिकेट्स टू ओवरकम during ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस economic and इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी catastrophic अदर कैटोस्ट्रॉफिक वॉर तो इसी टाइम पीरियड में हम लोगों को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने के लिए मिलेगी क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो कुछ इस तरीके से डेवलप हो रही थी कि जो कॉलोनियल रूल था उससे आजाद होते जा रही थी इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेज थोड़े से सोसाइटी में हम लोग को देखने के लिए मिल रहे थे वर्ल्ड में भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत मेजर कंट्रीज में देखने के लिए मिल रहे थे तो उसके ऊपर है सारा वॉर टाइम ट्रांसफॉमेशन नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज़ यू नो वॉस वॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स ऑन द वन साइड देर वॉज अलाइस दैट इज ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया लेटर ज्वाइन बाय द यू एस एंड ऑन द अपोजिट साइड वर देंट्रल पावर्स दैट इज जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी ऑटोम अब अपन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे देखेंगे जितना इस चैप्टर में दे रखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था उसके क्या कॉन्सिक्वेंस थे और वो सारी चीज़ें मेनली हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अलाइज जो है और सेंट्रल पावर्स जो है वो क्या है तो एक बार लिख लो कहीं पे या मार्क कर लो इसको कि अलाइज और सेंट्रल पावर्स क्या है एमसीक्यू या फिर असर्स रीजन में बोल सकता है कि यूएस ने अच्छा यूएस ने कब ज्वाइन करा था जल्दी से बताओ नाउ वेन द वॉर बिगेन इन ऑगस्ट नाइनटीन फोटीन मैनी गवर्नमेंट्स थॉट इट वुड बी ओवर बाई क्रिसमस इट लास्टेड लास्टेड मोर देन फोर ईयर्स तो अब जैसे कि रशिया और यूक्रेन का भी हुआ था स्टार्ट तो मेरे को भी यही लगा था कि भैया रशिया है यूक्रेन है या पूरी वर्ल्ड में यही लग रहा था कि ज्यादा टाइम नहीं चलेगा वॉर रशिया दो झापट मारेगा यूक्रेन चुपचाप नीचे बिट जाएगा बस बात इतनी सी है बट वो वॉर अभी तक कहीं ना कहीं चल रहे हैं तब से स्टार्ट हुआ था काफी टाइम हो गया है इस बात को तो लगभग साल भर हो जाएगा तो वॉर जो रहता है वो हमेशा धीरे 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 अलग अलग फेजेज में ओपन होते जाता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ वॉर लाइक नो अदर बिफोर द फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन विच नाउ वास्ट पावर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री टू इन्फ्लिक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑन देयर एनिमीज कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा उस टाइम पे इंडस्ट्रियल आउटपुट जनरेट करती थी उन लोगों ने वॉर को पर्सनली ले लिया कि भैया अब हमारी कंट्री है तो हमको इसको बचाना ही है तो वो जितना हो सके उस लेवल पे डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे थे उनकी एनिमीज के ऊपर और यही वजह थी कि अगर एक इंसान या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरे पे ज्यादा तरीके से डिस्ट्रक्शन का सोचेगा तो जो दूसरी कंट्री है वो पहले वाले को छोड़ेगी थोड़ी नहीं फिर वो ऐसा थोड़ी तो नहीं बोलेगी कि चलो ठीक है वो नहीं सोच रहा है तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं वॉर में ये सारी चीजें नहीं चलती है तो सेम चीज उधर से भी हो रही थी और इसकी वजह से वाइड स्प्रेड हम लोगों को डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल रहे थे अब दिस वॉर वॉज दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर It saw use of machine guns, tanks, aircraft, chemical weapons, etc. on a massive scale and these were all increasingly products of the modern large-scale industry. So to fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on the large ships and trains and the scale of, scale of death and destruction, 9 millions dead and 20 millions injured was unthinkable before the industrial age without the use of the industrial arm. तो आप देख रहे हो नब्बे लाख लोगों का मरना और यहाँ पर दो करोड़ से ज्यादा लोगों का इंजर्ड होना ये तो ऑन पेपर्स हैं ऐसे बहुत सारे हैं जो कि एनिमीज वगैरह रिपोर्ट नहीं होते हैं या फिर अंडरग्राउंड ही उन लोगों को खत्म कर दिया जाता है तो वो तो अभी तक इसमें रिकॉर्डेड है ही नहीं तो ये सारी चीज़ों के यूज होने की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो कोई भी वॉर जो रहता है वो बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन लेके आता है मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड द मेम्ड मैन ऑफ द वर्किंग एज तो अब मेनली आर्मी जो रहता है उसका कंपोजिशन हम लोग बच्चों का नहीं रख सकते हैं और हम लोग उधर फिर एल्डर लोगों का भी नहीं रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि अबाउ थर्टी फाइव फोर्टी ईयर्स क्योंकि दोनों में एफिशिएंसी नहीं रहेगी टू uh, क्या बोलते हैं फाइट इन द वॉर अब बेसिकली हुआ क्या कि हम लोगों ने वर्किंग एज के लोग ले रखे थे बेसिकली होता क्या है कि सिक्सटीन या सेवेंटीन ईयर्स से लेके मेनली ट्वेंटी फाइव या थर्टी तक अपन मान सकते हैं कि दैट इज द एज अब इस एज के लोग मैक्सिमम दे वर किल्ड इन द सोसाइटी। अब वर्किंग हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइन आफ्टर वॉर तो डेफिनेटली अगर घर में पहले चार मेंबर थे कमाने वाले और अगर से दो आर्मी में शहीद हो गए हैं तो अब कमाने वाले केवल दो जने तो इनकम तो नीचे आनी है इनकम नीचे आएगी तो फिर रिसेशन वाली कंडीशन बनेगी सोसाइटी में रिसेशन समझते हो ना क्या होता है एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिप्रेशन जिसको हम लोग रिसेशन भी बोलते हैं तो अभी ऐसा बोला जा रहा है इस अभी की अगर हम लोग बात करें कि वी आर ऑन दी हाइएस्ट वेज ऑफ दी इन्फ्लेशन अभी 2022 की बात कर रहे हैं तो 2023 में कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखने के लिए मिलेगा तो कहीं ना कहीं वापस से भाव जो है वो चीज़ों के नीचे आएंगे इस पर्टिकुलर ईयर में ऐसा इकोनॉमिक्स बोलते हैं और ऐसा थोड़ा ठीक भी लगता है ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर री टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स अब यहाँ पर दो टाइप के होते हैं एक तो आप कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो या तो आप इसमें क्या बोलते हैं वॉर रिलेटेड गुड्स बना सकते हो इंडस्ट्री दोनों एक साथ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ना आप इमेजिन करो सिचुएशन में यू डू हैिफ्टी करोड़ रुपीज है ना फॉर एस्टेब्लिशिंग अ इंडस्ट्री तो या तो आप पचास करोड़ रुपए में कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो या तो आप ब्रेड एंड बटर बनाओगे ठीक है ये तो ये कर सकते हो इसकी कंपनी डाल बड़ा सा इसका प्रोडक्शन कर लो या तो आप एके फोर्टी सेवन बना लो अब आप सोचो कि मैं पच्चीस करोड़ में ये कर लूँ पच्चीस करोड़ में ये कर लूँ तो दोनों काम ढंग से नहीं होने वाले हैं ठीक है ड्यू टू बजट डिफिशियंसी और यही सोसाइटी में चलता है हमेशा मतलब ये इकोनॉमिक्स का यही एक सिंपल सा फंडा होता है कि आप दोनों चीजें नहीं कर सकते हो मतलब वही वाली बात हो जाती है कि आपके लेवल पे अगर बात करें तो आपकी जेब में सौ रुपये रखे हैं आपको उसमें मोमोज भी खाने हैं और आपको उसमें पिज्जा सैंडविच जो भी वॉट इट में भी दोनों चीजें खानी है बट टेक्निकली दैट इज अब दुकान वाले को आप ये बोल सकते हो कि भाई आधा सैंडविच दे दो और वो बाकी वो कर दो है ना अब जो भी हो वो मेरे को नहीं पता है वॉट एवर इट मे भी तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना तो so अगर अपन इसमें नहीं है तो इसमें दिमाग मत लगाना बोले हाँ यार पच्चीस करोड़ तो अच्छी रकम है पच्चीस करोड़ में तो इक्कीस सैतालीस जनरेट हो ही सकती है पच्चीस करोड़ में क्या ब्रेड बटर नहीं बन सकते नहीं नहीं बन सकते क्योंकि जिस लेवल की आप प्लानिंग और थिंकिंग लेके चल रहे हैं सो एंटायर सोसाइटीज वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज फॉर वॉर इज मेन वेट टू बेटल वेमे स्टेड इन टू अंडरटे जॉब्स दट अर्नली मेन वर एक्सपेक्टेड टू डू नाउ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर that. जितने भी मेंस थे देवर इन द दे वॉर लड़ रहे थे तो अब इससे ऐसा तो नहीं है कि कंट्री में काम होना बंद हो जाएगा तो काम तो चल रहा था कंट्री में लेकिन अगर मेंस चले गए तो उनको रिप्लेस करने वाले कौन थे विमेंस। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दे रखा है वर्कर्स इन एन म्यूटेशन फैक्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये सारी मिसाइल्स है रॉकेट लॉन्चर्स है जो कि आगे लगते हैं तो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन प्लान कर रहे थे उस टाइम पर आप देख सकते हैं सो द वॉर लेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर्स विच आर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम पहले तो हम इसलिए लड़े थे क्योंकि हमको अच्छा लग रहा था आप ये समझ लो अभी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रीजन अभी अपन डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था अब इसलिए लड़ रहे हैं कि जो हमारी कंट्री में डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका पैसा कौन भरेगा

क्योंकि यूएस वॉर में एंटर हो गया था उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करे थे तो ब्रिटेन ने फिर बोला था कि यूएस एस हैज़ टू पे तो डेटर और क्रेडिटर आई थिंक आप समझते हो डेटर मतलब आपने आपके दोस्त को सौ रुपए दिए मान लो कि राम है और शाम है <coughs> नहीं राम शाम नहीं ले हाँ चलो राम शाम ले लो कोई दिक्कत नहीं है तो राम शाम है राम ने शाम को सौ रुपए दे दिए उधार पे आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो राम की जगह आपने आपके दोस्त को शाम को सौ रुपए दे दिया तो उस केस में शाम जो हुआ वो आपका डेटर है डेट मतलब होता है उसके ऊपर बर्डन है ठीक है लेकिन आप 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 मतलब कर्ज दे रहे हो किसी को यू आर एन डेटर शाम के लिए आप एक क्रेडिटर हो ठीक है तो वो वाली बात है तो पहले क्या था यूएस वॉज एंड डेटर यूएस सबको पैसा दे रहा था उसकी मदद कर रहा था ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर द वॉर क्या हुआ यूएस एक क्रेडिटर हो गया क्योंकि मास् क्योंकि दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वार देखो या सेकंड वर्ल्ड वार देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यूएस मना कर रहा था कि आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एज सिंपल इज दैट फॉर दी इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारी कंट्री के हम लोग को खराब नहीं करनी हमारी कंट्री बहुत अच्छे से चल रही है हम लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली यूएस को ड्यू टू समक ज्वाइन करना पड़ा और उसने जैसे यूएस जब भी वॉर को ज्वाइन करता है उसकी पूरी पिक्चर भी बदल जाती है क्योंकि यूएस सुपर पावर है एकदम तो जैसे ही वो वॉर के अंदर आया उसने थोड़े टाइम में मतलब आप समझो कि साल भर में पूरा वॉर ही खत्म कर दिया जिसको मारना था धम 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 मार के सब टोटल फिनिश सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ सेकंड में भी बोल रहा था बोले फर्स्ट में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है हमारी जो कंट्री है उसमें रिसेशन आ गए थे बहुत प्रॉब्लम हुई थी हम लोगों को नहीं आना है वॉर में तो अननेसेसरली जापान ने क्या करा यूएस पे बम दे मारे तो अब यूएस जब आइसोलेटेड था वो वॉर में नहीं आना चाहता था तो काे उसको छेड़ा बेचारे गरीब को अब वो जैसे ही आया तो उसने जापान के साथ में सबको उड़ा दिया फिर तो वो वाली बात है तो यूएस हमेशा वॉर से अलग ही रहना चाहता था बट कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें बढ़ती गई सो इन वर्ड्स इतना गुस्सा नहीं करते है। इंडिया को कुछ नहीं करा था यूएस में अच्छा, फिर टिकट बुक मत कर लेना न्यूयॉर्क बोले वहीं जाके बम मारेंगे अब ऐसे कैसे मार दिया चलिए इन अदर वर्ड्स एट वॉर्स एंड इट सिटीजन ओन्ड मोर ओन्ड इन द यूएस तो ये काफ़ी दिक्कतें देखने के लिए मिली कि वॉर खत्म होते होते द यूएस एंड इट सिटीजन ओन मोर ओवरसीज असेट मतलब उनकी खुद की कंट्री में असेट नहीं थी और बाहर कंट्री में सामान खरीद रहे थे देन फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीजन ओनड इन द यू तो अब ऐसा हुआ कि मान लो कि यूएस में अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आ, दो लोग हैं ठीक है और बाहर की कंट्री में वो अपनी कंट्री में असेट नहीं खरीद रहे हैं और ये मान लो कि इंडिया है तो इन लोगों ने इंडिया में परचेसिंग स्टेब्लिश करी तो इंडिया में इन लोगों ने मान लो मिलके चार घर खरीद लिए अब इंडिया के लोगों ने यूएस में केवल एक ही घर खरीदा ऐसा अपन बोल सकते तो इतनी पैरिटी आने लगी आफ्टर द वॉर बाहर कंट्री में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी कंट्री पे थोड़ा सा अपन ये बोल सकते हैं कि ट्रस्ट कम है या फिर इट मे बी द रीजन अब लड़ाई तो हो गई उसके बाद की रिकवरी मतलब आप आपके दोस्तों के साथ लड़ तो लिए चोट भी लगे हल्दी का दूध तो भी नहीं पड़ेगा बाद में घर जाके तो वही वाली रिकवरी रिकवरी इज इन स्लो प्रोसेस वॉर में तो पता चलता नहीं है धमेड़ा भी गए धमेड़ भी दिया आपने घर आके पता चलती है कि बड़ी दिक्कत हो गई है तो वही हाँ वही वाली बात है तो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव डिफिकल्ट तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होती है ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वॉर पीरियड इन पर्टिकुलर फेज अ प्रोलोंग्ड क्राइसिस तो पहले के टाइम पे क्या था एक इकोनॉमी एक मतलब बहुत बड़ी ब्रिटेन की इकोनॉमी थी क्योंकि इकोनॉमी एक्चुअली हो क्या रहा था कि ब्रिटेन एक कॉलोनियल पावर थी उसने सारी कंट्री पे राज कर रखा था उसके पास में खूब सारा पैसा आ रहा था खूब सारा पैसा आ रहा था लेकिन जितना भी पैसा आया उसने वॉर में सारा पैसा फूक दिया आधे से ज्यादा कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई वहां से इनकम खत्म हो गई क्योंकि लोग खत्म हो गए थे आप समझो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वहां पर आपने क्या करा कि लोग मेन्स सारे उसमें चले गए वॉर में चले गए अभी मैंने जैसे बताया कि मान लो कि अ फैमिली ऑफ फोर उसमें से दो लोग चले गए तो बचे कितने दो लोग तो अब कमाने वाले कम हो गए तो कंट्री में क्या आ गया सबकी कंट्री में रिसेशन आ गया अब रिसेशन आ गया तो लोगों के पास पैसा नहीं है पैसा नहीं है तो मार्केट में खर्चा नहीं करेगा खर्चा नहीं करेगा तो सामने वाले की इनकम नहीं होगी ना जो मेजर पावर है तो उन लोगों की इनकम नहीं हो रही थी तो प्रोलॉन्ग क्राइसिस ब्रिटेन को देखने के लिए मिले वेल ब्रिटेन वॉज प्री ऑक्यूपाइड इन द वॉर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान अब करा कहीं ना कहीं ब्रिटेन नहीं करा था इंडिया के अंदर तो जापान इसी फेज में आगे निकल गया था फिर उसको पता चला कि हाँ भैया ब्रिटेन के पास में पैसा वैसा है नहीं ये वो तो हम लोग इंडस्ट्री बनाना स्टार्ट करते थे आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजिशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट एंड टू कम्पीट विद जापान इंटरनेशनली अब थोड़ी सी दिक्कत होने लगी क्योंकि ब्रिटेन को पड़े थे जूते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अब जब एक बार क्या होता है कि मान लो कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो एकदम बॉडी बिल्डर है बाहुबली है और आपको उससे कहीं ना कहीं क्लास के सारे बच्चे डरते हैं बोले यार इसको परेशान नहीं करना मान लो भले ही उसकी पर्सनैलिटी भले ही दर्श का है <laughs> लेकिन अगर अपन उसके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड समझो कि उसका इतना पावरफुल है कि रतलाम के एकदम नामी गुंडों के जानते हैं अगर आपने उसको उंगली भी दिखा दी तो आपका हाथ घर पे लेके चले जाएंगे वो कुछ इस तरीके की कंडीशन है एक सेकंड के लिए अपन ये समझते हैं तो क्या कोई भी उसको परेशान करेगा नहीं करने वाला है बिल्कुल नहीं करेगा अब मान लो कि एक दिन किसी को ये चीज़ पता नहीं था न्यू स्टूडेंट स्कूल में आया उसने उसको धमेड़ दिया अब धमेड़ने के बाद में क्या हुआ कि जब इधर उधर से मेंबर आए तो उनको भी धमेड़ दिया तो इससे क्या पता है कि जितना अपन सोच रहे थे उतना पावरफुल नहीं है अपन भी इसको थोड़ा बहुत धो ही सकते हैं तो वही वाली कंडीशन हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिली थी कि

अब फर्स्ट वर्ल्ड में पता चला हम लोगों के उनको जूते पड़े हैं तो हम लोगों को भी ये बात समझ नहीं सुभाष चंद्र बोस और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे उनको भी ये समझ में कि अगर हम लोग भी थोड़ा अगर इंटरनल प्रेशर डालेंगे तो उन लोगों को दिक्कत होनी होनी है तो इस तरीके से चीजें बनी सो द इंडियन मार्केट ने अर्लियर जो पोजीशन थी उसको उसमें कभी रिकेप्चर नहीं कर पाए ब्रिटेन में लोगों को डराने धमकाने से और पैसे कमाने का अब इतना नहीं चल रहा था सिस्टम और जापान तो अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था मोर ओवर टू फिनेंस वॉर एक्सपेंडिचर ब्रिटेन टू लिबरली फ्रॉम द यूएस अब उसको क्या बोलते हैं यूएस से पैसे मांगने पड़े बोले भैया थोड़े पैसे दे दो तो यूएस मान लो आपका दोस्त है वॉर में आप पैसे हार चुके हो थोड़े बहुत तो यूएस ने पैसे मांग लिए दिस मीन दैट एट द द एंड ऑफ वॉर ब्रिटेन वाज बर्डन विद ह्यूज एक्सटर्नल डेट्स अब इसके पास में कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका था किसके पास में ब्रिटेन के पास में क्यों क्योंकि वो बाकी सारी जगह से फिर पैसा उठा रहा था कि उसकी इकोनॉमी उसको जापान के साथ में लड़ना था उसके साथ में कंपीट करना था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना था सोसाइटी में तो उसके चलते उसने बहुत सारा पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से ले रखा था सो द वॉर हैड लेट टू एन इकोनॉमिक बूम दैट इज टू अर्ज इंक्रीज इन डिमांड प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट अब इसके बाद में क्या हुआ कि इकोनॉमिक बूम आया देखो हमेशा ग्राफ जो चलता है ना शेयर मार्केट का या फिर कोई भी ग्रोथ का अगर हम लोग बात करें तो वो ऐसे ही चलता है ठीक है तो ऐसा बोला जाता है कि भले आदमी हो या मार्केट हो वो आखिरी में ऊपर ही जाने वाला है भले वो नीचे कितना भी गिर जाए तो एक बहुत सिंपल सी इसकी थ्योरी रहती है कि आज अगर मान लो कि दो कंट्रीज लड़ रही है मार्केट नीचे क्रैश हो रहा है रिसेशन आ रहा है तो हमेशा यही थोड़ी नहीं रहने वाले है ना कल वापस से पॉपुलेशन बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा चीज़ों का तो वो तो उसको तो जाना ऊपर ही है फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट कितने टाइम में जाएगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं तो द वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम तो जब वॉर चल रहा था तब नीचे आ गई सारी चीज़ें ग्रोथ लेकिन वॉर के बाद में जब वापिस से उठ के आया तो प्रीवियस वाला जो हाई था उससे भी ऊपर चले गया दैट इज टू लार्ज इंक्रीज इन द डिमांड प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट वेन द वॉर बूम एंडेड प्रोडक्शन कॉन्ट्रेक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज अब ये वॉर वाला फेज चल रहा था अब जैसे ही वॉर में क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिली कि आर्मी वगैरह के लोगों को रिक्रूट कर लिया वॉर टाइम गुड्स वगैरह बना लिए बहुत सारी डिमांड सप्लाई सारी मैच हो गई तो मार्केट बहुत ऊपर चले गया था वॉर जैसे ही खत्म हुआ पता चले कि आदमी लोग खत्म हो गए हैं सोसाइटी में पैसा वगैरह नहीं बचा है धड़ाम करके वापस से नीचे आ गया तो ये कुछ चीज़ें हैं एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट रिड्यूस ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर्स टू ब्रिंग देम इनटू द लाइन विद पीस टाइम रेवेन्यूज फिर फिर लड़ाई झगड़े थोड़े से कंट्री ने बंद करें ताकि कि ये पीस टाइम रेवेन्यू जो पहले चल रहा था मतलब कहीं ना कहीं हम इस लाइन के बराबर वापिस से आ जाए कमा के तो वहां तक बात चली गई

तो फिर वहां से क्या होता है कि काफी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है मेनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज वर इन क्राइसिस अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी क्राइसिस में आई कंसिडर द केस ऑफ विट प्रोड्यूसर अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज वर इन क्राइसिस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इलेबरेट इल्यूसिडेट कमेंट एक्सप्लेन कुछ भी आ सकता है

ऐसा कंट्रीज मानती है बेसिकली अब उसमें क्या होता है कि मान लो कि रशिया और यूक्रेन वॉर लड़ रही है या फिर यूएस और चाइना के बीच में वॉर चल रहा होता है तो उसमें दूसरी जो कंट्रीज होती है जैसे कि इंडिया या फिर जापान हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया वो लोग ओवरकम करने की कोशिश करते हैं वो उन सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं जो उन लोगों के पास में है तो फिर आपके ट्रेड रिलेशन जो है उन कंट्रीज के साथ में ईजिली बन जाएंगे आ रही बात समझ में जिनको यूएस या फिर चाइना या फिर जिसके साथ में लड़ाई हो वो लोग सप्लाई कर रहे थे क्योंकि होता क्या है एट द टाइम ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन जब भी बनती है तो आप क्या करते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है ना उनसे गवर्नमेंट यही चीज बोलती है कि जस्ट ट्राई टू मैन्युफैक्चर मोर एंड मोर ऑफ दॉर प्रोडक्ट्स इन द इनॉमी क्योंकि हमको उसकी जरूरत पड़ेगी और इसके लिए कोई मना भी नहीं करेगा आज आप एक सिचुएशन अज्यूम करो कि इंडिया का वॉर हो जाता है भगवान ना करे कभी हो लेकिन इंडिया का वॉर हो जाता है पाकिस्तान के साथ में क्योंकि नेबरिंग एनिमी कंट्री अपन उसी को मानते हैं अब नहीं यार पर चाइना से नहीं वो तो छोटा है वो तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मान लो कि इंडिया का हो जाता है वॉर चाइना के साथ में अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अपन को वेपन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी ऑल ऑफ अ सडन उस टाइम पे माना अपने पास में बहुत सारे रिजर्व हैं बट फिर भी जरूरत तो पड़ेगी सही ना अब अगर मान लो कि आप टाटा को या फिर अंबानी को जिनको बहुत सारी हेल्प करिए गवर्नमेंट ने उनको अगर बोलेंगे कि आप अपना प्रोडक्शन थोड़े टाइम के लिए रोक के वॉर टाइम प्रोडक्ट्स बनाओ तो क्या वो मना करेंगे वो कर ही नहीं सकते जाके भी क्योंकि देश की जो जनता है वो उसको गद्दार मान लेगी बोले कि तू देश के हक में सोच ही नहीं रहा है आज हम लोग इस कंडीशन में हैं कि हमारी दूसरी कंट्री के साथ में लड़ाई चल रही है और अगर वो मान लो कि बिजनेसमैन हेल्प नहीं करेगा तो आप समझ रहे हो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग तो इसीलिए हम लोग अगर बात करते हैं कि टाटा और अंबानी तो आपके दिमाग में सबसे पहले नाम किसका आता है टाटा का ही आएगा अभी आपको अगर नहीं पता है तो आप आगे जाएंगे तो वह आपको बाद में पता चलेगा कि हमेशा टाटा इज द बेस्ट राधर देन अंबानी क्यों क्योंकि ये कुछ सोशल नहीं बात मिलिट्री ट्रक की नहीं होती है ना बात ये होता है कि सोशल और एथिकल जो व्यूज रहते हैं ना उनके दैट इज़ फार मोर बेटर देन दी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट में ब्रिटेन की लड़ाई वगैरह चालू हुई तो उनके मार्केट में क्या प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने कंज्यूमर प्रोडक्ट की जगह वॉर टाइम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया तो अब देखो भूख तो लगेगी सही ना सबको तो अगर कोई एक इंसान नहीं बना रहा तो कोई दूसरा इंसान बनाएगा तो अब फिर ब्रिटेन मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा था उसकी जगह कौन मैन्युफैक्चर कर रहा था यूएस हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया कनाडा हो गया अमेरिका हो गया ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो डिमांड तो फुलफिल हो रही थी तो ये लोग आगे बढ़ गए बट वंस द वॉर वाज ओवर प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड अ ग्लट इन वीट आउटपुट ग्रेन प्राइजेस फेल रूरल इनकम डिक्लाइंड एंड फार्मर फेल डीपर इन द डेट अब उससे हुआ क्या कि यूरोप यूरो जो है वापिस से रिवाइव हो गया थोड़े टाइम बाद में अब यूरोप के रिवाइव होने से उसने वापस से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया अब मान इन कंट्रीज ने भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया अब मान लो कि खाने वाला एक आदमी और आप उसकी जगह उसके सामने सौ रोटियां रख दो बोले खा बैठ के जितना खा सकता हो तो खा पाएगा क्या वो नहीं खा पाएगा ना आप पाँच सौ और रख दो उसको बाद में बोले बेटा ये भी खा तो खा पाएगा क्या नहीं परचेज ही नहीं करेगा ना वो क्यों परचेज करेगा और जब परचेज नहीं करेगा तो आपने जितना भी सामान बना रखा है वो तो पैसे गए आपके खत्म हो गए तो इसीलिए जो फार्मर्स थे ना वो डेट में आ गए थे आगे बात समझ में ग्रेन की प्राइसेस गिर गई थी और क्यों गिर गई थी क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था वीट का नाउ राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पन दूएस रिकवरी वर्ष क्विकर अब यूएस में भी देखेंगे तो रिकवरी बहुत तेजी से हुई पीरियडर अर्ली नाइनटीन ट्वेंटी तो वही वाला ग्राफ है कि आप जब वॉर जैसा लड़ रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ग्राफ नीचे आया यूएस की अगर हम लोग बात करेंगे तो उन लोगों की जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ आई फिर आफ्टर अगर हम लोग बात करेंगे कि थोड़े टाइम बाद उन लोगों का ग्राफ जो है वो से

अब फोर्ड की गाड़ियाँ आप लोगों ने सुनी होगी अब यूएस में आप सबसे ज्यादा फोर्ड की गाड़ियाँ देखोगे क्योंकि वो वहाँ की है और आप मूवीज वगैरह भी देखोगे ना तो उनके जो ट्रक्स वगैरह रहते हैं मेनली वो फोर्ड के ही रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में इसके लिए एक मूवी है बहुत अच्छी है आप चाहे तो देख सकते हैं फोर्ड वर्सेज फरारी देखी है किसी ने नहीं देखी है तो ये कुछ मूवीज होती है जो देखने लायक होती है अब कंट्री का कैसे इंटरलिंकिंग रहता है किस तरीके से

तो आपने सबको काम बांट रखे दो जने टायर्स लगाएंगे दो जने फिर इंजिन के लिए काम करेंगे दो जने उसकी बॉडी के लिए काम करेंगे फिर बाकी जैसे ही दो जने इधर से फ्री होंगे वो आगे चले जाएंगे मतलब एक कार मैन्युफैक्चर हो रही है उसको बाहर निकाल रहे हैं फिर दूसरी कार बनाने स्टार्ट करें फिर निकाल रहे फिर इसमें इस ज्यादा टाइम लगेगा सारी कार लाइन से लगी फटफट सबको अपने काम बांट दिए गए थे तो दट इज फार मोर इजियर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द गुड्स सो द असेंबली लाइन फोर्स वर्कर्स टू रिपीट अ सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूसली सच एज फिटिंग अ पर्टिकुलर पार्ट टू द कार जैसे कि अभी बताया एट अ पेस डिटेक्टेड बाई दर बेड बेल्ट। अब कन्वेर बेल्ट पे चल रहा था वो कन्वेयर बेल्ट की स्पीड स्पीड तय कर रखी थी कि किस स्पीड पे जाएगा और जब तक, वो करेगा, तब तक आपको अरे बात समझ में और एक बार अगर हो तो आपकी एफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी मैं बताता हूं कैसे जैसे कि अगर मैं आपको होमवर्क देता हूं कि मेरे को मैथ्स के पांच चैप्टर कंप्लीट चाहिए मैंने टाइम नहीं दिया आपको बच्चों दिखाएंगे बाकी दिखाएंगे ही नहीं अगर मैं बोलता हूं कि कल तक मेरे को चाहिए किसी भी हालत में तो हाँ सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट होमवर्क होकर आ जाएगा बिकॉज यू योर फुल तो जब एक टाइम बाउंड प्रेशर डलता है किसी के भी ऊपर तो एफिशियंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है अब जैसे कि एग्जाम पास में आ रही है टाइम बाउंड हो रहा है ऑटोमेटिकली आप नहीं भी चाहते थे पढ़ना या जो भी सिचुएशन हो आप पढ़ना चालू करेंगे ही करेंगे यू डोंट हैव एनी अदर रीजन नाउ दिस वाज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वर्क पर वर्कर बाय स्पीडिंग ऑफ द पेस ऑफ वर्क ना स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एन कन्वेयर बेल्ट नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन टेक अ ब्रेक और इवन हैव अ फ्रेंडली वर्ड विद अ वर्कमेट अब वर्कर्स आपको पता ही कि कैसे होते हैं तो वो थोड़ा सा बाहर निकल गए बोले चल घूम के आते हैं चाय पी के आते हैं आ रहे भैया थोड़ी देर में आ रहे हैं करते काम क्या दिक्कत है घर जाने के पहले कर देंगे कंप्लीट कोई बात नहीं आज नहीं हो पाया कल कर देंगे अब कन्वेयर बेल्ट वाली बात हो गई थी तो जब तक वो गाड़ी जब तक, वहां से हो तब तक आपको इंटरवेल स्पीड मच फास्टर प्रीवियस मेथड द टी मॉडल फोर्ड वाज द वर्ल्ड फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार मतलब तीन तीन चार चार मिनट की बात चल रही है यहाँ पे प्रोडक्शन की कन्वेयर बेल्ट से पास होने का तीन मिनट में कन्वेयर बेल्ट से पास होगी गाड़ी ऐसा

मतलब दस डॉलर ए पांच डॉलर पर डे के हिसाब से उन लोगों ने कर दिया सो एट द सेम टाइम ही बैन ट्रेड यूनियन फ्रॉम ऑपरेटिंग इन इट्स प्लांट अब ट्रेड यूनियन भी बैन कर दिया अब क्या यूनियनबाजी होती है ना तो ज्यादा तेज चलते हैं वो भले आप स्कूल समझ लो कॉलेज समझ लो या फिर किसी कंपनी में समझ लो ऑटो रिक्शा समझ लो कहीं पर हर जगह यूनियन होते हैं बिजनेसमैन के यूनियन होते हैं एक बार आपने यूनियन तोड़ा उसके बाद में कोई अब क्या होगा कि मान लो कि क्लास में तुम लोगों की बहुत ज्यादा यूनिटी है उसमें एक आज लीडर है अब वो लीडर ही आके मेरे से सारी बातें कर रहा है बोले ऐसा है, है हम लोगों की यूनिटी अब मान लो कि जिस दिन वो यूनिटी तोड़ी तो सब बच्चे बिखर जाएंगे सिंगल सिंगल हो जाएंगे अब फिर कोई एक बच्चा आके तेज चलेगा तो उसको कंट्रोल करना फार मोर इजी है देन बाकी के सारे बच्चों को कंट्रोल करना आ रही बात समझ में तो कभी भी ऐसा होता है मान लो स्कूल में भी दिक्कत आती है अगर सारे बच्चे चले जाओगे ना तुम लोग प्रिंसिपल के पास में एज इन यूनिटी तो भले कितना भी डरेंगे शुरू में बट कुछ होने वाला नहीं है बिकॉज यू आर यूनाइटेड तो आप सोचो कि ट्रेड यूनियंस ने अगर बड़ी बड़ी कंपनीज जो अरब उनके खेल लगा दिए तो छोटे मोटे स्कूल कहाँ टिकेंगे सामने तो कभी ऐसी कोई दिक्कत हो ना तो लोड मत लेना हेनरी फोर्ड रिकवर रिपीटेडली स्पीडिंग अप। अब देखो फोर्ड जो था हेनरी फोर्ड जो थे ज्यादा मोटिवेट मत हो जाना बम बम मत मार देना स्कूल में जाके। हेनरी फोर्ड मोटर बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क इवन हार्डर अब सीधी सी बात है बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन जैसा ही होता है वो तो सोचेगा ही सही उसने डबल वेज करी लेकिन उसने डबल वेज करने से उसको प्रोडक्शन भी तो ज्यादा मिल रहा है कारों का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मार्केट में सेलिंग ज्यादा होगी सेलिंग ज्यादा होगी तो प्रॉफिट मार्जिन उसका इंक्रीज होगा सिंपल एज दैट सो मच सो ही वुड सुन डिस्क्राइब डिसीजन टू डबल द डेली वेज एज द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन ही हैड एवर मेड आप समझ रहे हो कॉस्ट कटिंग मतलब उसने क्या सोचा वेजेस को डबल कर देना आज अपने वर्कर को अगर आप ढाई डॉलर दे रहे हो तो पांच डॉलर करा ना आपने तो आपने कॉस्ट कटिंग करिए कॉस्ट बढ़ाई नहीं है आपने पांच का अगर दस करा है तो आपने कॉस्ट कटिंग करिए कॉस्ट बढ़ाई नहीं है कैसे क्योंकि जब वर्कर मोटिवेट होगा तो तेजी से काम करेगा यार ये बात समझ में जब तेज़ी से काम करेगा तो ज़्यादा कार मैन्युफैक्चर होगी तो मार्केट में उतनी अब फोर्ड की जो डिमांड थी वो इंटरनेशनल मार्केट में थी पूरी दुनिया में अब पूरी दुनिया में लोग तो बहुत सारे हैं कार आप कितनी मैन्युफैक्चर कर लोगे तो मार्केट और मतलब उसके डिमांड और सप्लाई हमेशा अनबेलेंस ही रही है डिमांड बहुत ज़्यादा रही है और सप्लाई कम रही है तो लोगों की वेजेस डबल करते गए प्रोडक्शन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए फिर प्रॉफिट मार्जिन अपना डेफिनेटली इंक्रीज़ करते गए इंक्रीज़ करते गए तो इस तरीके से जो इन लोगों का ग्राफ है वो चलते गया

समझ में तो इस तरीके से कार जो है वो ज्यादा बिक रही थी कार प्रोडक्शन इन द यूएस रोज फ्रॉम टू तो मिलियन इन टू मोर देन फाइव मिलियन इन टीन तो आप देख लो बहुत ज्यादा यहां पर कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी बीस लाख से पचास लाख हो गई भैया कार बनना दस साल के अंदर सिमिलरली देर वॉज एन स्प्रूट इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन रेडियो ग्रामाफोन प्लेस ऑल थ्रू सिस्टम ऑफ हायर परचेज दैट इज ऑन क्रेडिट रेपिड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट अब यहाँ पर जैसे कि आपको बैंक ने दे दिया कि ये लो भैया क्रेडिट कार्ड लो तो उसमें क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में आप अननेसेसरली शॉपिंग करते हैं अननेसेसरली आप कहीं पे चले गए तो आपकी जेब में वो दो लाख की लिमिट है लेट्स से मतलब स्टार्टिंग में नहीं मिलती है बट हाँ मान लो आपके कार्ड की दो लाख की लिमिट है मतलब आप जेब में दो लाख ऑल टाइम लेके घूम रहे हो ऐसा वो आपको एक साथ नहीं देना है आपको बहुत अच्छे से उन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि आप कोई दिक्कत की बात नहीं आप इसमें खर्चा करो हमको ई में दे देना ई समझते हो ना क्या होता है इक्वल मंथली उसको हम लोग ई बोलते हैं कि हर महीने के इंस्टॉलमेंट में आप देते जाना तो बैंक जो है वो ब्याज के हिसाब से वो पैसा बहुत सारा कमा रहा था क्योंकि आप भाग तो सकते नहीं हो अब आप सोचो मैं तो अपने घर से भाग जाऊंगा फिर रिकवरी कैसे होगी तो ऐसी बात नहीं है हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है जिसकी स्टेबिलिटी होती है क्रेडिबल स्कोर होता है सबसे पहले क्रेडिट कार्ड उसी को मिलता है तो ये सब देख के क्या हुआ कि यूरोप और मार्केट में उन लोगों ने क्रेडिट फैसिलिटी देना स्टार्ट करी और जब लोगों को क्रेडिट मिला तो उन्होंने कार उठा लिया अब जैसे कि मान लो कि आज आपकी जॉब है लगभग चालीस या पचास हजार रुपये महीने में आप काम कर रहे हो ठीक है तो आपके पास में क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट मान लो तीस हज़ार ही है थर्टी थाउजेंड ही है तो भी आप कार परचेज कर सकते हो दस से पंद्रह लाख की आराम से इजीली क्योंकि आपको कार जो आपको पता है कि हर महीने पचास हज़ार अगर इसके अकाउंट में आ रहे हैं और थर्टी थाउजेंड के इसके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप इस पचास हजार में से उस क्या बोलते हैं कार की ई जो आएगी लगभग पाँच या दस रुपए या पंद्रह हज़ार महीना वो इजिली दे सकते हो अभी भी आपके पास हाथ में थर्टी बचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि लोगों को ये चीज़ बताई जाती है कि आप इजीली खरीद सकते हो तो जब चीजें इजी बनाते हैं तो मार्केट में सेल होती है सो द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा वो ऑल्सो बाय द बूम इन हाउस कंस्ट्रक्शन एंड होम ओनरशिप फाइनेंस वन अगेंड बाई लोन्स लोन 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 क्रेडिट फैसिलिटी इतनी रैपिडली इंक्रीज करती थी सोसाइटी के अंदर के मार्केट में परचेजिंग पावर लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ रही थी लोग खरीदते गए खरीदते गए, खरीदते गए मार्केट बूम होते गया बूम होते गया बूम होते गया लेकिन एक रिसेशन पीरियड आया था वापस से यूएस के अंदर जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है शेयर मार्केट यूएस का क्रैश कर गया था आई थिंक दैट वॉज इन नाइनटीन की बात चल रही है देखते हैं आगे इसमें दे रखा है कि नहीं दे रखा है अगर होगा तो डिस्कस करेंगे द हाउसिंग एंड द कंज्यूमर बूम ऑफ द द 1920 क्रिएटेड बेसिस ऑफ द दॉस्पेरिटी इन द यूएस अब घर है आपके पास में गाड़ी है घर में सारे अच्छे अच्छे सामान है तो भैया आप प्रॉस्पर इससे कोई दिक्कत नहीं है लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड सीम टू क्रिएट अ साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम राइजिंग कंजन डिमांड मोर इन्वेस्टमेंट येट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अब मान लो कि घर लोग ज्यादा बनाना स्टार्ट करेंगे तो लोग घर ज्यादा बनाना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बनाने वाले भी होंगे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ज़्यादा तो फ्रिज भी बिकेंगे भी 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 तो हायर एम्प्लॉयमेंट की साइकिल कि किस तरीके से क्रिएट हुई थी समझाइए पांच नंबर में पूरा तो आपको बताना पड़ेगा कि लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई थी ऊपर का पूरा पैराग्राफ बताना पड़ेगा आपको नाइन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री द यू एस रिज्यूम एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर अब 1923 तक यूएस के पास में इतना पैसा आ गया था कि उसने इंटरनेशनल मार्केट में उधार देना स्टार्ट कर दिया उधार देना स्टार्ट करा तो ओवरसीज लेंडर हो गया वो इंडिया बोले कि मेरे को पैसा चाहिए बोले ये ले पैसा ब्रिटेन बोले पैसा चाहिए बोले ये ले पैसा जर्मनी बोले जापान बोले जिसको चाहिए जो एनी कंट्री ना हो सबको उसने पैसा दे दिया बोले लो आराम से ब्याज पर मेरे को आराम से देना वापस से सो यूएस इम्पोर्ट एंड कैपिटल एक्सपोर्ट ऑल्सो बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट सिक्स ईयर्स तो इस छः साल के अंदर बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर क्योंकि क्या है किसी कंट्री को लोन मिला है तो उनके पास भी पैसा आया है तो उनके पास पैसा आया है तो उनके पास भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है ऑल दिस हाउ यू प्रूव टू गुड टू लास्ट मतलब ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला द वर्ल्ड वुड बी प्लंज इन टू नेवर एक्सपीरियंस बिफोर भैया लोगों के मतलब आप समझो कि इस हद तक डिप्रेशन आ गया था इकोनॉमिक डिप्रेशन इतना खतरनाक और इतना मतलब लेवल का आया था ये दे रखा है चलो ग्रेट डिप्रेशन मतलब पूरी दुनिया ही खत्म होने जैसी कंडीशन में आ गई थी लोगों के पास में पैसा ही नहीं बचा था क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में जब रिसेशन वाली कंडीशन आती है जब मार्केट गिर जाता है तो लोग क्या करते हैं कि डर के अब जैसे कि मान लो कि आप इसको कुछ इस तरीके से समझो कि लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जितने भी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो डिमांड सप्लाई को देखते हुए बहुत सारा पैसा वहाँ से कमाते जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनकी बात चल रही है छोटे लोग भी करते हैं डेफिनेटली उसमें कुछ वो नहीं है तो अब इस ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया और यूएस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अराउंड जैसे कि इंडिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो शेयर मार्केट की हर किसी से फटती है मतलब शेयर मार्केट मतलब हम लोगों के इधर सट्टा बाजार समझा जाता है वहाँ पर एक सोर्स ऑफ इनकम समझा जाता है तो अराउंड सिक्सटी लोग वहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में यही तीन से चार है सोच रहे हो हु? अब हुआ क्या कि शेयर मार्केट में उन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा अब पैसा इन्वेस्ट करा तो ड्यू टू सम ऑफ समी कंडीशंस अभी देखते हैं इसमें है कैन ई डिस्क्राइब शेयर मार्केट क्रैश करा अब क्या होता है कि कोई चीज अगर आपको जैसे कि आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि आ, कोई भी कंपनी का नाम बोलो फॉर एग्जाम्पल बाटा बाटा सबने सुना है कोई ऐसा है जिसने बाटा का नाम नहीं सुना है बाटा सबने सुना है ना क्या मैन्युफैक्चर करती है बाटा फूड ना अब माना कि आपको ऐसा लग रहा है कि बाटा का फ्यूचर बहुत अच्छा है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पकड़े पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लोग चप्पल तो पहनेंगे ही इसे बिना चप्पल व जूते के तो घूमेंगे नहीं और बाटा ऑल ऑफ अ सडन तो बंद नहीं हो जाएगी मतलब कोई ऐसा है क्या आज कंपनी चल रही कल बंद हो गई रिलायंस का आप सोच सकते हो ऐसा कि आज चल रही कल बंद हो जाएगी घर पर बैठ जाएगा अंबानी बोले हो गया बस बहुत कमा लिया ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है अब माना कि बाटा आपको अच्छा लगा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करने स्टार्ट करा इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया लोगों को लगा भैया बहुत अच्छा है मतलब लोग जितने ज़्यादा शेयर्स परचेस करते हैं मार्केट में प्राइस उसकी इतनी ऊपर जाती है और जितना ज़्यादा बेचते हैं उसको बोले कि बस अब मन खत्म हो गया उतना ज़्यादा नीचे आता है वो

पूरी जो भी है इकोनॉमी में जो भी उसके वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं मतलब जैसे कि इंडियन में अगर हम लोग बात करेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बी एस है तो उसमें जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं उसके आप शेयर्स परचेज बाय सेल कर सकते हाँ मतलब सारी कंपनी आप समझो सारी कंपनी एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अभी अगर हम लोग बात करें तो इंडियन शेयर मार्केट अभी तीन दिन के अंदर कम से कम चार से पांच परसेंट गिर गया और पांच परसेंट बहुत ज्यादा होता है मतलब यू कांट इवन इमेजिन उतना ज्यादा होता है पांच परसेंट क्यों क्योंकि एक छोटी सी न्यूज आ गई थी कि कोविड आ रहा है अब जैसे ही लोगों को लगा कोविड आ रहा है तो उन्होंने बोला कि शेयर मार्केट वापस से क्रैश कर जाएगा सेलिंग स्टार्ट कर दी बोले हमारे शेयर वापस से ले लो कंपनी को वापस दे दी हमको हमारे पैसे वापस दे दो और ये सब ने स्टार्ट कर दिया तो उसकी वजह से मार्केट क्या करना स्टार्ट कर दिया क्रैश करना है स्टार्ट कर दिया अब जैसे ही लॉकडाउन की न्यूज आई थी तो शेयर मार्केट हम लोग को अपना बंद करना पड़ा था ऐसा कभी नहीं हुआ था आज तक कि शेयर मार्केट बीच में क्योंकि साढ़े नौ बजे खुलता है साढ़े तीन बजे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंद हुआ कोविड जब आया था तब तो हमको बंद करना पड़ा लोगों ने इतना बेचा भैया मार्केट का जीरो पे आ जाता उस दिन तो धम 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 बेचे जा रहे मार्केट गिरे जा रहा लोगों ने अरबों रुपए कमाए उस दिन जिस दिन मार्केट गिर रहा था ऐसा तो कुछ उस तरीके से ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड एंड लास्टेड टिल द तो मिड नाइनटीन तो एक डेढ़ साल चला लेकिन उस डेढ़ साल के अंदर मतलब पूरी असलियत क्या थी वो लोगों को दिखा दी कि भैया क्या चीज है सो ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसिक डिक्लाइंस इन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड ट्रेड द एक्ट टाइमिंग एंड इंपैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेड अक्रॉस द कंट्री मतलब हर कंट्री के अलग सिचुएशन थी जो भी रीजन हो लेकिन जो नाइनटीन ट्वेंटी थर्टी वाला फेस था वो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बेकार था किसी कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही थी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो सबके स्टॉक एक्सचेंज जितने भी है सबके क्रैश कर गए थे इनमीमी पूरी तरीके से डिप्रेस हो गई थी बट इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजन एंड कम्युनिटीज वर द वर्स्ट इफेक्टेड वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ा था वहां पर दिस वाज बिकॉज़ द फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस वाज ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग देन दैट इन द प्राइसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स तो इंडस्ट्रियल गुड्स की भी गिरी थी जो इंडस्ट्रियल गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे उनकी भी प्राइसेस गिरी थी बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ज्यादा वहां पर गिर गई थी सो द डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिप्रेशन इन द इकॉनमी

नेडा ने ये तीनों ने स्टार्ट कर दिया था और ब्रिटेन नहीं कर पाया था क्योंकि ना यूएस रुका ना ब्रिटेन रुका कोई भी नहीं रुका दिस वॉज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइजेस अब जितना ज्यादा अच्छा मार्केट में डिमांड नहीं है आप सप्लाई लेके आ जाओगे बिकेगा नहीं तो उसकी वजह से क्या होगा प्राइजेस गिर जाएगी आप समझना एक बात मान लो कि जो सब्जी मंडी है वहां पर ऑल ऑफ अ सडन ऑल ऑफ अ सडन आज के दिन हजार क्विंटल टमाटर आ जाते हैं सबने टमाटर का मैन्युफैक्चरिंग करी अब सबको टमाटर बेचने हैं तो भैया उनके टमाटर आने से ऐसा थोड़ी नहीं है। हम सुबह शाम दिन रात बस हाथ में टमाटर लेके घूमेंगे हम तो नहीं खाएंगे अब सब लोगों को उन लोगों ने बहुत सारा पैसा खर्चा करके और टमाटर की ग्रोथ करी थी अपने उसमें खेत में तो वो लोग क्या करेंगे कि बोले कि भैया ये लो हम लोगों ने दस रुपये में मैन्युफैक्चर करा था टमाटर एक टमाटर की कॉस्ट दस रुपये आ रही थी मान लो अभी के लिए तो आप इसको पाँच रुपये में खरीद लो हमको कोई दिक्कत नहीं है अब उसके पड़ोस वाला है उसने तो और ज्यादा ब्याज पे पैसे ले रखे तो बोले पांच भी छोड़ो मेरे को तो आप तीन रुपए ही दे दो मैं तो इसमें ही हूँ कुछ तो होगा और इस ऐसे करते करते जो प्राइजेस होती है वो किस तरीके से एकदम से डाउनफॉल आने स्टार्ट हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारा होता है मार्केट में सब लोगों को बेचना होता है तो प्राइजेस कैसी हो जाती है गिर जाती है नीचे एंड एस प्राइजेस स्लम्ड एंड एग्रीकल्चरल इनकम्स डिक्लाइन फार्मर्स ट्राई टू एक्सपांड प्रोडक्शन एंड ब्रिंग अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम तो फार्मर्स बोले कि चलो अच्छा टमाटर नहीं बिक रहा है तो हम लोग कोई दूसरी आम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं हम आम बेचेंगे मार्केट में अब ऐसा सब लोगों ने कर लिया बोले कि हमारे ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा ये मैन्युफैक्चर कर लेते हैं अरे सभी मैन्युफैक्चर सारे प्रोडक्ट्स की प्राइजेज जो है वो एकदम से फॉल हो गई थी क्योंकि सारी सारी चीज़ों का प्रोडक्शन क्या हो गया था एकदम से बढ़ गया था मतलब आपको बस एक चीज़ लिखनी है अपनी कॉपी के अंदर कि भैया एज दी प्रोडक्शन राइजेस प्राइजेस फॉल ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बस डिमांड सप्लाई मैच नहीं होना चाहिए मार्केट में अगर प्रोडक्शन बढ़ गया और उतनी इकोनॉमी में डिमांड थी तो प्राइजेस नहीं गिरने वाली है में। क्योंकि कार खरीदने वाले दस जने थे आप पहले केवल दो ही कार बना रहे थे अब दस कार आप बना रहे हो तो उसे क्या कार की प्राइस में फॉल आएगा नहीं क्योंकि दस जने तो वैसे ही खरीदने के लिए तैयार है प्रॉब्लम कब आएगी खरीदने वाले दस जने और आपने हजार कार बना रखी है वहां दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है ठीक है जाओ बैठो भैया दिस वर्सन द ग्लट इन द मार्केट पुशिंग डाउन प्राइजेस इवन फर्दर फार्म प्रोड्यूस रोटेड लैक ऑफ बायस तो यहाँ पे फार्मर्स की सिचुएशन दे रखी थी तो so, एक ये भी रीजन था कि जिसकी वजह से मार्केट क्रैच हुआ था सेकंड इन द मिड नाइनटीन ट्वेंटी मनी कंट्रीज फिनेंस दियर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस वाइल इट वॉज ऑफन इजी टू रेज लोन इन दू एस वेन the going was good us overseas lender panicked at the first sign of trouble in the first half of 1928 your us overseas loans amounted to over 1 billion dollar a year later it was one quarter of that amount countries that depend crucially on the us loans now faced an acute crisis अब हुआ ये कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है आज आप ये imagine करो कि आपके पास में 10 करोड़ रुपए हैं है ना अब आपको अब उसके अंदर देखो आप एक चीज समझो कि आज आपके पास में 10 करोड़ रुपए हैं लेट्स इधर ही देखना अब है ना अब मान लो कि आज आपके पास में दस करोड़ रुपए हैं अब आपने क्या करा कि वो पैसा उधार दे दिया ब्याज पे दे दिया मार्केट में अब आपने दस के बीस कर लिए बीस के पचास कर लिए पचास के सौ कर लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी आप ब्याज पे देते गए आप कमाते गए देते गए कमाते गए अब ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गई मतलब आपके बिजनेस में दिक्कत आ गई अब जब आपके बिजनेस में दिक्कत आई तो उससे क्या हुआ कि आपको लगा डर जब आपको लगेगा डर आप पैसा जो है वो बचाने की कोशिश करोगे फिर आप मार्केट में नहीं दोगे ठीक है ब्याज पे अब ऐसा ही यूएस ने करा क्योंकि यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और दूसरे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जितना वो लोन दे रहा था ना पूरी इकोनॉमी में उसने लोन को रोक दिया बोले अब हम लोन नहीं दे रहे पहले हम हमारी इकोनॉमी को देखेंगे अब भैया सब लोग उधारी पे डिपेंड थे उस टाइम पे कि यूएस हमको पैसा देगा हम धंधा करेंगे अब यूएस ने पैसा देना बंद कर दिया तो अब अगर पैसा देना बंद कर दिया तो आपकी जो कंट्री है आपकी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके अंदर प्रोडक्शन कम हो जाएगा अब प्रोडक्शन कम हुआ तो आपकी भी इकोनॉमी गिरेगी अब जब आपकी इकोनॉमी गिरेगी तो हमारी भी गिरेगी अब ऐसे करके भैया पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ गई थी क्योंकि यूएस ने पैसा देना बंद कर दिया था आप सोचो ओवरसीज लोन कितना है उस टाइम का वन बिलियन डॉलर मतलब वन बिलियन को आप मल्टीप्लाई कर लो आज के टाइम पे अच्छा आपको टाइम पीरियड भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो आप वन बिलियन मल्टीप्लाई बाई एट्टी कर लेना घर पे उतना पैसा उसने उधारी पे दे रखा था और वो जो पैसा है वो देना फिर उसने रोक दिया कि भैया बहुत हो गया अब इससे ज्यादा हम नहीं दे रहे तो लोग डर गए थे यूएस में कुछ तो दिक्कत आ गई है कुछ तो बड़ा होने वाला है ऐसा है वैसा है तो बड़ी दिक्कत हो गई थी सो द विड्रॉल ऑफ द यूएस लोन अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दो इन डिफरेंट वेज इन यूरोप इट लेट टू द फेलियर ऑफ सम मेजर एंड ऑफ समी सच एज ब्रिटिश पाउंड एंड स्टर्लिंग अब हुआ ये कि जो बड़ी बड़ी बैंक्स काम कर रही थी ना वो बैंक्स जो है वो फंक्शन करना पड़ा क्योंकि बैंक को क्या चाहिए बैंक के लिए रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट सब क्या है अब पैसा ही नहीं है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते हो सीधी सी बात है अब पैसा यूएस ने देना बंद कर दिया था तो बैंकों के पास में पैसा खत्म हो गया था तो बड़ी दिक्कत हो गई थी लेटिन अमेरिका की बात करेंगे तो इट इंटेंसिफाइड द स्लम्प इन एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइजेस तो इनकी जो प्राइजेस इनकी गिरने की वजह से दिक्कत द यूएस टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी इन द डिप्रेशन बाई डबलिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑल्सो डेल्ट अदर सीवियर ब्लो टू द वर्ल्ड ट्रेड अब इसका देखो अगर कोई चीज गलत हो रही तो आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे अब अपना जीवन सबका कैसा है कि जब अपन चीज़ें सुधारने की कोशिश करते हैं तो और ज़्यादा बिगड़ जाती है होता है सबके साथ में होता है तो बस यही सिचुएशन यूएस के साथ में हुई थी तो यूएस बोल रहा था कि भैया हमारी इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे हमारे प्रोड्यूसर्स को पहले बचाएंगे मतलब आप ऐसे समझना कि यूएस है यूएस में एग्री कल्चर करने वाले लोग हैं अब एग्रीकल्चर प्राइजेस फॉल हो रही थी बड़ी दिक्कतें हो रही थी इन लोगों को अब बाहर जितना भी पैसा दे रहा था कंट्री में मान लो कि जैसे कि इसका रिलेशन कोई भी कंट्री बोलो जल्दी से रशिया बहुत बढ़िया कंट्री भी ऐसी बोली इसने रशिया अब मान लो कि रशिया को इसने पैसा ऐसा दे रखा था सारी चीजें सही चल रही थी रशिया भी इसको अपना जो एक्सपोर्ट एक्स क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट कर रहा था रशिया एक्सपोर्ट कर रहा था तो वो यूएस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से इम्पोर्ट हो जाएगा ठीक है और ये एक्सपोर्ट क्या कर रहा था एग्री प्रोडक्ट्स यही बेच रहा था या फिर आप दूसरे प्रोडक्ट्स की भी तो अब यूएस ने क्या करा कि इनके लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए क्योंकि इनके पास तो वैसे ही बहुत सारा सामान था है ना तो इसने क्या करा कि इम्पोर्ट की जो ड्यूटी है वो यहाँ से डबल कर दी कि अगर आप आपको सामान भेजना है तो आपको ड्यूटी डबल देनी पड़ेगी अब जब ड्यूटी डबल देनी है तो इनके मार्केट मार्क, फिर इंटरनेशनल मतलब यूएस में इनके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएगी अननेसेसरली आप समझ ना आज आपके हाथ में जो पेन है वो मान लो कि पांच रुपये का पेन है या दस रुपये का है ऑल ऑफ अ सडन और ये पेन जो है वो यहाँ का नहीं वो जर्मनी मेड है वो जर्मन से आया है पेन अब जर्मन की अपनी और जर्मनी की लड़ाई हो जाती है किसी कंडीशन में अब जर्मनी से इम्पोर्ट ड्यूटी हम लोग ज्यादा लेने लग जाते हैं अब जब ज्यादा लेने लगेंगे तो आपने बोला कि भैया इम्पोर्ट ड्यूटी डबल इम्पोर्ट ड्यूटी डबल मतलब प्राइस डबल तो आपके बीस रुपये में पेन खरीदोगे वही वाला जो पाँच रुपये का पेन है नहीं आप क्या करोगे आप दूसरा यहीं इंडिया का बना हुआ सेम क्वालिटी का पेन खरीद लोगे पाँच रुपये में आ बात समझ में तो अब जब उसकी डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में तो क्या इम्पोर्ट होगा नहीं होगा तो एज सिंपल एज दैट एक्सपोर्ट जो बाहर की कंट्रीज कर रही थी या फिर जो इम्पोर्ट है वो कम अब जब इम्पोर्ट कम हो गया तो रशिया का मार्केट क्या हो जाएगा क्रैश हो जाएगा क्यों क्योंकि वो जो वो जो भैया एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट था ही नहीं हो रहा है उन लोगों के पास में काम ही नहीं है धंधे ही नहीं है है तो इस तरीके से पूरी दुनिया जो है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन में आ गई थी उनकी जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ जा रही थी केवल यूएस की वजह से आप सोच रहे हो यूएस के पास में कितनी पावर है इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो दुनिया में अगर कोई सबसे पावरफुल आदमी है तो कौन है यूएस का प्रेसिडेंट वो कुछ भी कर सकता है जो आप सोच सकते हो कुछ भी कर सकता है मतलब सोचो एक कंट्री के लोन देने नहीं देने की वजह से एक कंट्री के प्रोडक्शन होने नहीं होने की वजह से पूरी दुनिया लोगों के घर बार ठावड़े ठीबड़े सब बिग गए थे भैया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्योंकि उन्होंने सब लोन पे ले रखा था समझ रहे हो अब मान लो कि आपकी पचास की नौकरी थी मैंने आपको अभी कार भी दिलवा दी थी कि भैया आप कार भी खरीद लो आराम से पंद्रह हजार चली जाएगी आपकी जॉब चली गई पंद्रह हजार रुपए कहां से भरोगे आप नहीं भर सकते हो आप तो हाथ खड़े कर दोगे आप इकोनॉमी में किसी के पास पैसा नहीं बचा था तो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई थी द द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सीवियरली द डिप्रेशन अब इसका इम्पैक्ट खुद यूएस पे भी पड़ा था विद द फॉल इन द प्राइज एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द डिप्रेशन यूएस डोमेस्टिक लैंडिंग एंड कॉल्ड बैंक लोन्स बैक लोन तो उसने अपने भी लोगों को लोन देना बंद कर दिया था क्योंकि लोगों के पास में पैसा ही नहीं बचा था आप किसी को लोन क्यों देते हो क्योंकि आप उससे कमाओगे जब आपके पास ही पैसा नहीं है और मैं आपको लोन दे दूं और आप मेरा भी पैसा खा के खत्म कर दो और ब्याज तो छोड़ो आप मूल भी नहीं दो मतलब आप इंटरेस्ट छोड़ो आप मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दो तो फिर तो मैं लोन नहीं देने वाला ना आपको वो वाली बात है सो फार्म कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट हाउस होल्ड वर रूइ बिजनेस फेस फॉलिंग इनकम मेनी हाउस होल्ड इन द यूएस कुड नॉट रिपे वॉट बोरोड एंड वर फोर्स टू गिव अप देयर होम्स कार्स एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सारी चीजें जो एकदम रेसी से जीवन जी रहे थे घर में फ्रिज भी आ गया था घर भी खड़ा हो गया था एसी भी लग गया था सारी चीज हो गई ना बैंक वाले सब ले गए बोले आप नहीं चुका पा रहे हैं इंटरेस्ट तो ए भी हमको दे दो फ्रिज भी हमको दे दो घर भी हमको दे दो सब चीज हमारी हो गई क्यों नहीं पड़ेगा भैया क्यों नहीं पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा आज अगर चाइना का मार्केट कोविड की वजह से गिर रहा है उसमें इंडिया के लोगों के खेल लग रहे पूरी इकोनॉमी क्रैश करिए आप देखना अगर यही चलता रहा और कोविड बढ़ते रहा तो चीजें ऑफिस से बहुत सस्ती हो जाएगी जो हम लोग को बहुत महंगे भाव में मिल रही थी इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल तो उतना ही मिलेगा पेट्रोल डीजल तो उसी प्राइस में मिलेगा बाकी की चीजें काफी सस्ती हो जाएगी ऐसा क्योंकि लोग जो है उनके पास में दिक्कत हो जाएगी मतलब अगर एपिडेमिक आता है तो लोग धंधे बंद हो जाएंगे धंधे बंद हो जाएंगे तो परचेसिंग पावर गिर जाएगी वही वाली पूरी साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल बंद होगा ना क्यों नहीं होगा आप समझो एक बात आप जब आज दुकान खुली है तो आप क्या करेंगे कि देखो अगर कोविड मान लो आ गया तो आप ये नहीं सोचोगे कि आज पनीर की सब्जी बनानी है आप ये सोचोगे घर में अगर दाल रखी हुई तो मैं दाल ही बना लेंगे हम लोग बाहर जाके वापिस से एपिडेमिक को क्यों वो करना है कभी अपन इन्फेक्ट हो गए उसकी वजह से तो यही चला था स्टार्टिंग में कि घर का सामान ही बनाना है बाहर से लेके नहीं आना है तो किराने का सामान का क्या हुआ फिर जो दूसरी चीज़ें ऐसे हम लोग अपने रिजर्व्स को बाहर निकाल रहे थे राधर हम लोग बाहर से खरीद रहे थे और ये तो आप एक हो ऐसे इंडिया के अंदर कितने लोग हैं

तीन का तीन का बिखर गया जीवन में ऐसा ही लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं एस अनएम्प्लॉयमेंट शोड पीपल ट्रस्ट लॉन्ग डिस्टेंस लुकिंग फॉर एनी वर्क दे कुड फाइंड तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया जो काम करेंगे वो मतलब जो काम छोटा बड़ा मिले इर ऑफ योर क्वालिफिकेशन आप मान लो कि आप योर मतलब आपने इंजीनियरिंग कर रखे आपके पास में डिग्री है तो आपको अगर घर बनाने का ईड से ईड जोड़ने का काम मिल रहा था वो भी कर लोगे फिर वो वाली बात हो गई तो सारी इंजीनियरिंग उसमें लगा देना क्योंकि आपके पास में काम ही नहीं है अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इट सेल्फ कॉलेज कॉलेब्स अब यूएस का बैंकिंग सिस्टम खुद गिर गया बेचारा अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब मेरी बात समझना कि आज आपने लोन ले रखा है दस करोड़ रुपए का अब लोन लिया था आपने बिजनेस करने के लिए अपने बिजनेस के एसेट पे लिया था अब आपकी कंपनी गिर गई गी। आपके पास पैसा ही नहीं बचा है आपने हाथ खड़े कर दिए अब हाथ खड़े करें तो क्या हुआ बैंक आपके पास में आएगा बोले कि हम सब सीज कर लेंगे ले जाएंगे ले जा भाई सब ले जा अब वो दस करोड़ के बैंक जो है वो छः करोड़ वापस से कमा पाई उसमें से जो भी चीज़ें असेट वगैरह बेच के कितने बच गए अब आपकी जान तो नहीं ले सकता वो क्योंकि आपने तो सरेंडर करा है तो ये केस कोर्ट में जाता है फिर कोर्ट आपसे पूछेगा कि एक रुपए में कितने पैसे दे सकता है बेटा ये बता मतलब अगर एक रुपए चुकाना है तो कितने तो बोले दस पैसे की औकात है भैया हमारे दस पैसे दे सकते हैं नब्बे पैसे तो हम खा लेंगे डकार लेंगे ज्यादा कुछ नहीं हमारे पास में तो वो बोलेगा कि ठीक है भैया इस हिसाब से चार करोड़ के आप कैलकुलेट कर लोगे तो एक दो लाख रुपए या फिर एक आध करोड़ रुपए जो भी हो रहे बस उतने दे दो उसके बाद के सारे पैसे माफ ऐसे करके ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया अपन ने ऐसे छोटे छोटे कंज्यूमर थे बैंक वाले घर आते थे तो बोले जो लेके जाना है लेके जा पैसा नहीं है नीचे बाद में आप से खरीद लेंगे अब बैंक वाले जान तो नहीं ले सकते यूएस के अपने सिटीजन को तो नहीं मार सकते ना तो इस तरीके से उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट थे वो सब तरीके से क्या हो गए रिकवर नहीं हो पाए कलेक्ट लोन्स रीपेड डिपॉजिटर थाउजेंड्स ऑफ बैंक और बैंक्राफ्ट जितने भी नए नए बैंक खुल रहे थे बोले क्या चलो अपन नया बैंक खोलते हैं अपन भी ब्याज पे मतलब देखो जो भी ब्याज पे पैसे देते हैं ना मतलब बैंक या फिर प्राइवेट लेंडर्स जितने भी है एक अगर ऐसी सिचुएशन आती है तिनका दर तिनका सब उड़ जाएगा सब खत्म हो जाएगा क्योंकि जब चुकाने के लिए पैसा कुछ भी नहीं बचेगा सामने वाले के पास में तो आप टेक्निकली उसकी जान नहीं ले सकते हो आर बचन आप उसको डरा सकते हो आप धमका सकते हो जान नहीं ले सकते हो तो इस तरीके से सबके धंधे जो है वो बंद हो गए थे एंड द नंबर्स आर फिनन फिनोमल। By 1933, over 4,000 banks had closed। 4000 बैंक की बात चल रही है। एंड बिटवीन 1929-1932, कितनी कंपनी बंद हो गई थी? एक लाख दस हजार कंपनी से बात चले, लोगों की बात नहीं चल रही है। इतना मेजर इंपैक्ट था। और ये केवल यूएस की बात चल रही है। सो so बाय 1935 थर्टी इकोनॉमी रिकवरी वॉज अंडरवे इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री बट द ग्रेट डिप्रेशन वाइडर इफेक्ट ऑन द सोसाइटी पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन वो बहुत टाइम तक रहे 1935 तक आते आते वापस से क्योंकि देखो वही वाली बात है यहाँ से स्टार्ट हुए थे हम लोग बहुत ऊपर चले गए थे 1920 से 1929 तक फिर धड़ाम करके ऐसे गिरे के घुटनों के बलि आ गए थे भैया फिर वापस से धीरे 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 1935 से रिकवर करना हम लोगों ने स्टार्ट करा लेकिन जो यहाँ पर दिक्कतें हुई थी वो दिक्कतें जो है वो आगे तक हम लोगों को इसके फेस तक

और घर भी खुद बना सकते हो क्या नहीं हो सकती ना सारी चीजें एसी भी आप बना लो बुक्स भी आप प्रिंट कर लो उसको लिख भी आप लो पढ़ भी आप खुद लो पॉसिबल है क्या नहीं तो इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से इंटरलिंक्ड होती है सो द ट्रेमर्स ऑफ क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्क क्विकली रिलेट टू अदर पार्ट्स अफेक्टिंग लाइव्स इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड इन द नाइनटीन सेंचुरी एज यू हैव सीन कॉलोनियल इंडिया हैड बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स अब हमको पता है कि हम लोग क्या बन गए थे एक्सपोर्टर बन गए थे एग्रीकल्चरल गुड्स हमारी कंट्री से जा रहे थे कॉटन वगैरह सारी चीजें एंड इम्पोर्टर ऑफ द मैनुफैक्चर और जो मैनुफेक्चर सामान बेच रहा था इंडिया के अंदर वो वापस से आ रहे थे सो द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड अब डिप्रेशन से इंडियन ट्रेड पर कैसे पता चला इंडिया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नियरली हाफ्ट बिटवीन ट्वेंटी एट एंड थर्टी फोर मतलब अगर आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से सौ रुपए कमा रहे थे तो पचास ही हो गया तो हाफ इनकम गिरना मतलब बड़ी दिक्कतें हो जाती है in in सोचना बोले प्राइजे गिर गई तो बहुत अच्छी बात है खरीद लेंगे उसमें क्या है पहले गेहूं सौ रुपए किलो मिल रहा था ना कल आज पचास रुपए किलो मिलेगा तो और मजे मजे और खरीद लेंगे अपन नहीं आपके पास में बचे दस रुपए तो आप सौ रुपए छोड़ा पचास रुपए की चीज भी नहीं खरीद सकते तो इस तरीके से इकोनॉमी जो है वो इंडिया की भी इम्पेक्ट हुई थी पीजेंट्स एंड फार्मर सफर्ड मोर देन अर्बन तो और फार्मर्स को तो और ज्यादा दिक्कत हुई थी जो अर्बन एरिया में रह रहे थे उनको इतनी नहीं हुई दो एग्रीकल्चरल शार्पली द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू तो रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट अब क्या हुआ था आप कि आज आपकी इनकम नहीं हो रही है गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं फिर भी टैक्स तो देना ही पड़ेगा टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा समझना एक बात चलिए तो अब अगर हम लोग समझे कि आपके पास में जेब में दस रुपए भी नहीं है गवर्नमेंट आती है दो चाटे खींच के देती है बोले बीस रुपए टैक्स के दें तो कहा से दे सकते हो आपको बहुत मारती है बोले कि पैसे तो लगेंगे कहीं से भी ला के दे आप उसका ही खून कर दोगे बीस रुपए उसकी जेब में से निकालोगे उसको पकड़ा दोगे बोले बीस रुपए इसके अलावा कोई ऑप्शन क्या तो यही चीज हो रही थी इंडिया में भी इंडिया में क्या हो रहा था अननेसेसरली अब रेवेन्यू है नहीं आपके पास में आप टैक्स कैसे पे करोगे रेवेन्यू पूरे वर्ल्ड में डिक्रीज हो गए लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोल रही थी बोले टैक्स तो पूरा लगेगा अब सोचने वाली बात है कि जब इंसान के पास पैसा ही नहीं है तो टैक्स कहां से देगा और यहीं से तो रिवॉल्ट स्टार्ट हुए थे सारे फिर हम लोगों को दिमाग खराब हो रहा था ब्रिटिशर्स पे बोले तो पागल ही है सच में फिर प्रेजेंट्स और जो थे जितने भी एग्रीकल्चरलिस्ट थे इन लोगों ने थोड़ा सा भर के मारा था ब्रिटिशर्स को उस टाइम पे Now consider the jute producers of Bengal. They grew raw jute that was processed in factories for export in the form of gunny bags. But as gunny export collapsed, the price of raw jute crashed more than 60%. अब definitely क्या होगा कि okay, gunny bags बन रहे थे, अब वो जो bags के उसका export बंद हो गए, तो जो raw jute था, उसकी prices भी गिर जाएगी क्योंकि export तो हो ही नहीं रहा है।

केन्स बहुत बड़े इकोनॉमिक्स है जैसे कि कल मैंने मार्शल का नाम लिया था इनकी थ्योरी जो है वो जो जो भी इकोनॉमिक्स इलेवेंथ में लेंगे वो पढ़ेंगे केन्स की थ्योरी आती है थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमी इकोनॉमिक रिकवरी मतलब जो रिकवरी हुई थी पूरी दुनिया में जो डिप्रेशन आया था वो डिप्रेशन के बाद में जो रिकवरी दी थी वो इंडिया ने दी थी सोना बेच बेच के सोना एक्सपोर्ट कर करके तो हमारे पास में भर भर के पैसा तब भी था और आज भी है ऐसी कोई बात नहीं है दे सडनली हेल्ड स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पीजेंट्स अब इससे ब्रिटेन की रिकवरी हुई लेकिन इंडियन पीजेंट्स की हेल्प नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स और क्यों ही करेंगे क्योंकि वो तो कॉलोनियल पावर थी रूरल इंडिया वॉज दस सी थिंग विद अनरेस्ट एंड महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट हाइट ऑफ डिप्रेशन ऑफ नाइनटीन इसीलिए नाइनटीन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था अब हुआ लिंकेज थोड़ा सा क्योंकि प्राइजेस गिर गई थी इकोनॉमी क्रैश कर गई थी गोल्ड बेच बेच के ब्रिटेन ने अपना कर्जा तो उतार दिया लेकिन पीजेंट्स की हेल्प नहीं करी तो उन पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या लॉन्च करा था तो ये भी एक रीजन था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च करने का नाउ द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीम फॉर द अर्बन इंडिया बिकॉज ऑफ प्राइसेस, प्राइजेस विथ फिक्स इनकम से टाउन डवेलिंग लैंड ओनर्स हु रेंट सैलरीड एम्प्लॉइज नाइ फाउंड बेटर ऑफ एवरीथिंग कॉस्ट लेस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज द गवर्मेंट एक्सटेंडेड टेरिफ प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज अंडर द प्रशर ऑफ़ द नेशनलिस्ट ओपिनियन तो यहाँ पर फिर फाइनली क्या हुआ कि प्रॉब्लम थोड़ी सी शॉर्ट आउट हुई किस तरीके से हुई कि जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स थे सिटीज़ के अंदर मिडिल क्लास जो सैलरीड एम्प्लॉयड थे वो लोग थोड़ी सी अच्छी पोजिशन में थे ज कम्पेयर टू जिनके पूरे धंधे चले गए थे खत्म हो गए थे तो वहाँ से थोड़ा सा पैसा बनना स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट ने और ज्यादा टैरिफ प्रोटेक्शन जो है वो इंडस्ट्रीज को दी बोले कि ज्यादा हम लोग तुम लोगों से टैक्स वगैरह नहीं लेंगे और ये सारी चीजें हुई और फिर फाइनली नेशनलिस्ट ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए टेरिफ प्रोडक्शन दिया और हम लोगों ने अच्छे से इकोनॉमिक रिकवरी दिखाई सेवनटीन सेंचुरी तो यहाँ पर इंडिया तो इंडिया के ट्रेड रूट देखो इंडिया बीच में है एकदम बाकी सारी जो ट्रेडिंग है इधर से भी हो रही है इधर से भी ट्रेडिंग हो रही है दोनों तरफ से तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिकल पोजिशन पे है तो ट्रेडिंग तो हम लोगों ने हमेशा से अच्छी करी है रिबिल्डिंग वर्ल्ड द पोस्ट वॉर एरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया जो कि 1935 तक चला। 19... चला तो 1930, तक चला चला ठीक है 19 तो था लेकिन 35 हम लोगों को ऊपर उठने में लग गया था कि बस यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पैसा कमाना स्टार्ट करें इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टेबल हो रही थी इन सारी चीजों के चलते जर्मनी में हिटलर राइस कर रहा था अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो हिस्ट्री इज इन ब्यूटी क्योंकि आपको इसमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं होती है बस एक इंटर कनेक्टिविटी रहती है जो कि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बस बात यही होती है कि क्लास नाइन्थ का कुछ भी याद नहीं होगा अब क्लास नाइन्थ के फेज में हम लोगों ने इसी टाइम पे पढ़ा था कि हिटलर जो है वो पावर में आ रहा था जर्मनी के अंदर और हिटलर बड़ी दिक्कतें दे रहा था हिटलर ने लड़ाई ले ली थी रशिया से ठीक है इधर रशिया को दोहरा था इस फ्रंट से इस फ्रंट से वो क्या बोलते हैं ब्रिटेन के साथ में लड़ लिया था और वो बिचारा अकेला हिटलर इज फ्रॉम विच कंट्री जर्मनी ठीक है ये पता होना चाहिए तो जर्मनी अब इसकी वजह से जर्मनी को भी जूते पड़े थे दोनों चीजें हुई थी लेकिन जर्मनी वॉज दैट मच पावरफुल के सिंगल हैंडेड वो सबको हरा सकता था बहुत इजिली बट ठीक है ब्रिटेन ने कुछ प्रैक्टिस चली रशिया ने कुछ करा उस तरीके से अब ये सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी 1939 में तो ज्यादा पीरियड नहीं हुआ था आप देखो टाइम स्पेंड बहुत छोटे छोटे हैं ये अगर अपन ग्लोबल चेंज की बात करें 1929 में डिप्रेशन हुआ थर्टी फाइव में हम लोग स्टेंड हुए 39 में एक दूसरा वॉर वापस से स्टार्ट हो गया वो भी वर्ल्ड वॉर था तो द तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन मियर टू टिकेट्स टू टिकेट्स मतलब बीस साल में ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लगभग 1919 में एंड हुआ था, तो 1919 प्लस 10 एक दूसरा वर्ल्ड वॉर देखने के लिए मिला जिसमें एक्सिस पावर थी नाजी जर्मनी जापान और इटली ये तीनों थे और उधर था ब्रिटेन फ्रांस रशिया और यूएस सोवियत यूनियन मतलब ये तो इन दोनों की इन दो ग्रुप्स की लड़ाई चल रही थी तो सिक्स ईयर्स तो तक ये वॉर चला था इन मेनी प्लेसेस लैंड सी ए आर क्योंकि उस टाइम पे अगर हम लोगों के पास में टेक्नोलॉजी थी मशीन गन्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी तो, तो बीस साल की बात की बात है तो यहाँ पर तो प्लेन वगैरह सब में हम लोगों ने बॉम्बे फिट कर दिया था और ऊपर से कुछ इस तरीके से बरसर इतना आग भैया जिसकी कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो सोच भी नहीं सकते अराउंड थ्री परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉ स्किल्ड इस वॉर में तो तीन परसेंट बहुत ज्यादा होता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से हम कंपेयर करें तो केवल इस वॉर के अंदर एंड आर बिलीव टू हैव बीन किल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज एन रिजल्ट ऑफ द वॉर मिलियंस वर इंजर्ड और इंजरीज तो जैसे कि अगर हम लोग अब बात करेंगे कि जापान के पार्ट के हिरोशिमा नागासाकी आज तक प्रॉब्लम है वो उसके न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से आज तक बच्चे जो है वहाँ पर हैंडीकेप या फिर किसी मेंटल डिसऑर्डर या दूसरे डिसऑर्डर तक तो उसके अगर आज तक इम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल रहे हैं तो सोचो कि उस टाइम पीरियड में क्या सिचुएशन रही होगी

व डिवास्टेटेड सेवरल सिटीज वॉयड बाई द एरियल बोमबार्डमेंट मतलब एरियल वहाँ पर हम लोगों ने क्या बम्बार्डमेंट करा था एरियल बोमबार्डमेंट मतलब समझते ना हवा से जो बम गिराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं और रेंटलेसनेसली आर्टिलरी अटैक्स द वॉर कॉज एंड इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन कोई भी वॉर मतलब इन्विटेशन टू इकोनॉमिक डिवास्टेशन सोशल डिस्ट्रक्शन तो साथ में होता ही है इसका रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा हम लोगों के लिए अब यहां से इंपॉर्टेंट बात आती है टू इन्फ्लुएंसेस शेप पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहां से पता चला कि पूरे वर्ल्ड का लीडर कौन बनेगा पहला लीडर बना यूएस और दूसरा लीडर बना रशिया क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज्यादा खोया था वर्ल्ड वॉर में रशिया ने भी मिलियंस ऑफ पीपल्स और किल्ड यूएस को इतना डैमेज नहीं हुआ था बट इसने भी पैसा ऐसा बहुत ज्यादा खोया था तो वापस से रीस्ट्रक्चर होके जो बूम आया वो इन लोगों की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा आया कुछ इस तरीके से कि आज ये वर्ल्ड पावर है सो द फर्स्ट वॉज द यू एस इमरजेंस इज द डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड सेकंड वॉज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन इट हैड मेड यूथ सेक्रीफाइस टू डिफीट नाजी जर्मनी तो नासी नाजी जर्मनी को हराने में इन लोगों का सब कुछ लग गया था दाव पे एंड ट्रांसफॉर्म इट्स एल फ्राम अ बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री इन टू द वर्ल्ड पावर ड्यूरिंग द वेरी ईयर्स वेन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वॉज ट्रेप्ड इन द ग्रेट डिप्रेशन तो उसके बाद में जब ये उठ के आए तो फिर बाद में सोवियत पावर जो है और यू एस जो पावर है वो वर्ल्ड पावर्स बन गई थी <coughs> जैसे कि यहाँ पर दे रखा है सेलिन ग्रेड इन सोवियत रशिया डिवास्टेड बाय द वॉर आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे ढांचा ही खत्म हो गया भैया एरिया खत... कॉलेज कॉलेज ग्राउंड जैसा लग रहा है ये थोड़ा थोड़ा हालत थोड़ी बिगड़ गई थी अब इसके बाद में भी इंपॉर्टेंट आता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या था यहां से एक आप तीन नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ब्रेटन वुड्स अगर अभी किसी के पेपर में भी हो सकता है शायद आया हो सो पोस्ट वॉर सेटलमेंट किस तरीके से हुआ था इकोनॉमिकट एंड पॉलिटिशियंस ड्रू टू की लेसन फ्रॉम द इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसिस फर्स्ट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन इसीलिए महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रोडक्शन जो आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए क्या बोला था प्रोडक्शन बाय दैट इज मोर कंपलसरी अब इसकी वजह से मास प्रोडक्शन जो है वो फुलफिल कर पाएगा मास प्रोडक्शन मतलब समझ रहे हो गिने चुने चार पांच लोग इकोनॉमी में सब वही बना रहे हैं तो भैया है बना रहे हैं तो कंजम्पशन भी तो होना चाहिए आप बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे लोगों के पास में पैसा ही नहीं कंजम्पन करने का तो मास प्रोडक्शन का कुछ मतलब हुआ नहीं लेकिन 1932 से 35 के बीच में हम लोगों को देखने के लिए मिला कि भैया ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई थी फोर्ड मोटर्स वगैरह बने थे उसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा इकनॉमी में बूम आया था सारी चीज़ हुई मास प्रोडक्शन सक्सेसफुल रहा लेकिन वो सक्सेस किसी काम की सक्सेस नहीं होती जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है तो ये केवल शॉर्ट पीरियड के लिए था तो यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा पता चला कि प्रोडक्शन बाय द मासेज इज मोर कंपलसरी क्योंकि प्रोडक्शन बाय मासेज होगा तो ज़्यादा लोग प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा लोग क्या कमाएंगे पैसे तो इकोनॉमी में पैसे का ओवरऑल जो फ्लो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर यही बोल रखा है इनकम कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वॉज अनस्टेबल तो अगर एम्प्लॉयमेंट बार बार हो रहा है आ रहा है जा रहा तो है तो इसकी वजह से इनकम स्टेबल नहीं हो पा रही है तो मास प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है दस स्टेबल इनकम्स आल्सो रिक्वायर्ड स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट इसीलिए अगर आपको स्टेबल इनकम जब तक नहीं होगी जब तक आपके पास में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तब तक आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे मास प्रोडक्शन वाले के अंदर। और दैट इज वेरी डिफिकल्ट अभी पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट इतना नहीं हुआ था तो डिजगाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब वहां पे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं था डिस्गाइज तो वहां होता है जहां पर एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो है ऐसा

सोसाइटी में प्रॉफिट हो रहा है तब तक मजे हैं लॉस हो रहा है तो फिर दिक्कत है तो सब लोग अपने मोटिव की वजह से अगर इकोनॉमी को लेकर जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है तो फ्री फ्लोट इकोनॉमी थोड़ी सी वर्ल्ड में दिक्कत दे रही थी तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी था ताकि टू वे इकोनॉमी बनी रहे सो द सेकंड लेसन रिलेटेड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक लींस विद्ड द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव इफ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स कैपिटल एंड लेबर तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट के पास में पूरी पावर हो कि कितना गुड्स यहां से जाएगा आएगा कैपिटल लेबर ये सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो इसीलिए हम लोगों की दो टाइप की इकोनॉमी होती है एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक होती है कैपिटलिस्ट और इंडिया कौन सी है इन दोनों में से मिक्स्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें पूरी तरीके से गवर्नमेंट का सारी चीजें चलती है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ तय करेगी सारी चीजें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है प्राइवेट बिजनेस में जित भी है तुम लोग कितना खरीद रहे हो बेच रहे हो मार्केट में कंज्यूम कर रहे हो उस हिसाब से सारी चीजें तय होती है इंडिया के अंदर मिक्स इकोनॉमी है अब मिक्स इकोनॉमी कैसे है? समझते हैं जैसे कि मान लो कि एक डॉलर की कीमत अभी कितनी चल रही है सॉरी है ना एटी मान ले भी ठीक है तो यहां पर एक डॉलर इज इक्वल्स इक्वल सम कोई दिक्कत नहीं है अब मान लो एक डॉलर नब्बे रुपए का पहुंच जाते हैं दिक्कत बहुत सारी होगी इकोनॉमी के अंदर लेकिन अभी भी कोई बात नहीं इकोनॉमी खुद से अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी एक डॉलर अब अपन मान के चलते हैं कि 95 क्रॉस कर गया नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंटरवीन इन बिटवीन इन द इंडियन इकोनॉमी फिर इसके अंदर हम लोग गोल्ड को बेचना खरीदना इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाना ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे मतलब थोड़ी थोड़ी स्टेप्स तो यहाँ से इंक्रीज कर देंगे और 95 तक आते आते हम लोग बहुत ज़्यादा उसको कर्व करने की कोशिश करेंगे ताकि वो प्री लेवल्स पे आ जाए तो गवर्नमेंट का अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है तो आपको एक एरिया दे दिया मतलब आपको एक गार्डन दे दिया कि यहाँ पर आपको जितना खेलना है खेलो कोई दिक्कत नहीं है इसके बाहर अगर आप आए तो फिर गवर्नमेंट आपको उठा के वापस अंदर पटक देगी अपने मेजर्स के थ्रू तो भले ही यहां पर आप एक डॉलर जो है वो अगर साठ रुपए भी चले गया तो भी बड़ी दिक्कत है तो फिर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है और एक फ्रेम में रखती है उसको कि भैया डॉलर बस इसी उसमें आना चाहिए तो कभी ऐसा मत सोचना कि पहले अपन क्या बोलते थे कि भैया डॉलर की कीमतें जितनी बढ़ते जा रही है रुपये उतना डिस्ट्रॉय होते जाते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि एक रुपया जो है इसका आंसर मेरे को कल देना कि एक डॉलर एक रुपये के बराबर आ जाना चाहिए तो हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आज समझना एक डॉलर की कीमत चुकाने के लिए तुम लोग को अपने अस्सी रुपए देने पड़ रहे हैं अगर एक डॉलर की कीमत चुकाने के लिए केवल एक रुपया देना पड़े तो हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे अरे बात समझ में ऐसा नहीं है क्यों इसका आंसर देना और ये आंसर तभी दे पाओगे जब समझदारी से सारी चीजें समझ में आ रही होगी करने का नहीं देगा

फुल टाइम इनकम प्रोडक्शन और अब ये प्रायोरिटी पे हम लोगों के पास में आ गया था कि इसको करना जरूरी है इसीलिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स न्यू न्यूम्स यूएसए में वहां पर हुई थी एक मीटिंग वहां पर हुई थी कि भैया इसको किस तरीके से हम लोग लड़ें जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर वन जोग्राफी में क्या देखा था एजेंडा ट्वेंटी वन रियो डिजीनिरियो का हम लोगों ने ब्राजील में देखा था सब लोग मिले थे इसी तरीके से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े लोग मिलते हैं बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो जुलाई 1944 में उन लोगों की बैठक हुई बोले जरा देखते हैं ब्रेटन वुड्स में सब लोग मिलते हैं और कहा दिक्कत आ रही है अब इसी चलते ब्रेटन वुड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट आई इम्प का फॉर्मेशन करा था नाइनटीन में नाइनटीन से इसका वर्किंग स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नाम से पता चल रहा है मॉनिटरी मतलब पैसे से रिलेटेड होगा टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेज एंड डेफिशिट ऑफ इट्स मेंबर मेंशन मतलब मान लो कि आई एम एफ है ठीक है बीच में और एक इंस्टीट्यूशन बना दिया इधर यूएस है और इधर मान लो कि पाकिस्तान ले लो अब यूएस के पास में पैसा देने के लिए अभी बेचारा गरीब बहुत गरीब अब इसके पास में पैसे नहीं है डेफिसिट है इसीलिए पाकिस्तान लिया है ना तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एकदम गरीब देश है तो इसको पैसे चाहिए बोले कि जरा दस करोड़ रुपए दे दो तो अब इनके पास में यूएस के पास में ट्रेड जो है वो सरप्लस है ये ज्यादा पैसा कमा रहा है और ये क्या है डेफिशिट है तो ये जो तो आईएमएफ क्या करेगा जो सरप्लस है उससे पैसा लेगा और डेफिशिट को पैसा देगा आगे बात समझ में और हाँ ऐसा अपन एक तरीके से बोल सकते हैं और बीच में क्या रख लेगा जो भी इनका परसेंटेज वगैरह जो भी वॉट एवर कंडीशन जो भी इनके रूल्स और रेगुलेशन में लिखी हुई है तो इसी आई को एक नाम है हम लोग क्या बोलते हैं वर्ल्ड बैंक बट वर्ल्ड बैंक अभी है ही नहीं वर्ल्ड बैंक जैसी कोई चीज ही नहीं है उसका नाम क्या है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अरे उसने लेके दिया है वो वापस से देगा पाकिस्तान पैसे आई एम एफ ऐसा थोड़ी नहीं कि लाख दस करोड़ रुपए दे हुए भूल जा वो वाली बात थोड़ी नहीं है ऐसे तो आई एम एफ भी सबसे बड़ा होता दुनिया में इसका लोग कुछ भी नहीं होता सबसे पैसा ले लेता तो ऐसा नहीं है पैसे का फ्लो करवाता है वो आप जैसे नहीं बोलते हो इंडिया को जरूरत पड़ी तो उसने किससे पैसा ले लिया अरे वर्ल्ड बैंक नहीं है आपने आई एम एफ से पैसा लिया <coughs> इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आई एम एफ हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया तो अब कभी भी आप वर्ल्ड बैंक बोलते हो ना तो आप वर्ल्ड बैंक नहीं बोलना चाहते हो आप बोलना चाहते हो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये चीज है आई बी आर डी इसको हम लोग बोलते हैं याद रखना तो जहां कोई वर्ल्ड बैंक बोल रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि हाँ ठीक है इसका मतलब ये है एंड इट वॉज सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन तो वॉर के बाद में जो दिक्कतें हुई थी तो ज्यादा जिनके पास में पैसा था उनसे लेके जो गरीब देश हो गए थे उनको देके उनको रीबिल्ड करने का था तो आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक वर रेफर टू एस ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन इसलिए इनको क्या बोला जाता है ब्रेटन एग्जाम में पूछ लिया क्यों बोलते हैं तो बोल देना भैया एक बार मीटिंग हुई थी इनकी पोस्ट वॉर को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए जो जो नेशन ज्यादा इंपेक्ट हुए थे तो ट्रेड डेफिशियट को बैलेंस करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस कॉन्फ्रेंस में दो यहां पर चीजों का फॉर्मेशन हुआ था आई

आई एम एफ एंड द वर्ल्ड बैंक ऑपरेशन इन 1947. तो इन लोगों का डिसीजन इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर अब दिक्कत यही है कि इनकी जो मेन पावर होल्डिंग रहती है ना वो जैसे कि यूएस तय करेगा सारी चीजें जितनी भी इसीलिए इंडिया और जो बाकी के देश है ना हेट सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिकॉज दे आर बायस इन नेचर ये लोग उनकी मदद ज़्यादा करते हैं जो पहले से जिनको मदद की कोई जरूरत ही नहीं है यूएस की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ये झुकाव इसका यूएस की तरफ ज़्यादा रहता है तो आई को कंट्रोल कौन करता है यूएस तो आईएमएफ हमने एक अंपायर जैसा खड़ा करा था जैसे मैच होता है मैच में एक अंपायर होता है तो अंपायर सारी चीज़ें देखता है कि सही चल रही गलत चल रही प्रॉब्लम वगैरह रिजोल्व करता है अब अंपायर अगर बायस हो जाए तो वो उसी की हेल्प करे जो पहले से है किसी तरीके से तो ये थोड़ी सी दिक्कतें चलती है तो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर के पास में इसका कंट्रोल है यू एस इज एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर द की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन अब देखो वीटो पावर मतलब होता है कि क्लास में वीटो पावर मेरे पास है अभी तुम लोगों से मैं कुछ चीज पूछता हूं किसी डिसीजन पे आता हूं कि बताओ कल क्या पढ़ेंगे तो किसने बोला साइंस किसने बोला मैथ्स इसमें दो क्लास बढ़ गई मैंने वीटो मारा और बोला कि कल सोशल पढ़ेंगे तुम लोग कुछ कर सकते हो अपने खुद के जो भी डिसीजन है सब एक तरफ एक बार वीटो हो जाता है फिर बात खत्म हो जाती है अब आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक के जितने भी डिसीजन होते हैं उसका वीटो किसके पास में है यूएस के पास में तो जो भी डिसीजन आप मान लो कि यूएस को नहीं देना है इंडिया को पैसा वर्ल्ड बैंक ने सोच लिया कि नहीं देना है तो आखिर में वो बोल देगा यूएस के मेरी वीटो पावर मैंने लगे इंडिया को पैसा मत देना फिर वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं बोल सकता ये चीज है तो क्या लगता है बायसनेस है कि नहीं है लगता क्या है साफ ही दिख रहा है बायसनेस है सो द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम इज द सिस्टम लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसके लिए बिल्कुल एकदम गलत छवि मत बना लेना दिमाग में कि वर्ल्ड बैंक तो साला ऐसा ही है हमेशा यूएस का वो वही है ना। वो हेल्प करता है जिसको जरूरत होती है उसकी डेफिनेटली हेल्प करता है सो द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसी एंड मॉनिटरी सिस्टम द ब्रेट एन वुड सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेवेंथ क्लास में इसको डिटेल में आएगा अभी आपको नॉर्मल दे रखा है एक्सचेंज रेट पहले फिक्स था एक डॉलर की प्राइस पहले फिक्स थी कि उतनी होने वाली है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना कमा रहे हैं कितना बेच रहे हैं आज डॉलर की कीमत तय कौन करता है ये सोचा कभी कौन उसको साठ एक डॉलर साठ रुपए से एक डॉलर अस्सी रुपए पे लेके गया कोई बैठा है उसको अपन पैसे देके कम करवा लेते वैसे अपने आप पे करप्शन तो आप पता ही कितने अच्छे से होता है टेबल के नीचे थोड़े पैसे देके बोलते थे बेटा कम कर दे है कोई ऐसा तो कैसी हो रही है डॉलर की प्राइस कम ज्यादा ट्रेड की वजह से हो रही है ट्रेड की वजह से हो रही है ट्रेड की ही वजह से हो रही है मार्केट में डिमांड और सप्लाई पे तय होता है सारी चीजें डिमांड और सप्लाई मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे तय होता है पूरी दुनिया कितना इंपोर्ट कर रही है पूरी दुनिया कितना इंपोर्ट में डबल टी लग गया जरा पूरी दुनिया कितना एक्सपोर्ट कर रही है उस पर डॉलर की कीमत तय होती है कोई बैठा नहीं रहता है इसकी कीमत तय करने वाला पूरे वर्ल्ड में कितना पैसा गया है कितना आया है उसके हिसाब से होता है सो इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसी फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रुपी वॉज पैक टू द डॉलर एट एन फिक्स एक्सचेंज रेट द डॉलर इट सेल फॉर्स एंकर टू गोल्ड एट एन फिक्स प्राइस ऑफ थर्टी फाइव डॉलर पर आउंस ऑफ गोल्ड तो डॉलर की भी गोल्ड के हिसाब से तय करती थी उन लोगों ने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में कि भैया अगर आपको गोल्ड भी लेना है तो एक आउंस ऑफ गोल्ड कितने का मिलेगा थर्टी फाइव एंड दैट इज फिक्स तो कुछ इस तरीके से फिक्स रेट सिस्टम हम लोगों ने अप्लाई करे थे अब अर्ली हाँ मेजर करने के लिए जैसे के होते हैं तो अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, द ब्रेटन वुड सिस्टम इनोग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन एंड जापान. तो बहुत ग्रोथ हुई जापान वगैरह कंट्रीज में खूब पैसा कमाया इसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली ओवर एट परसेंट बिटवीन नाइनटीन फिफ्टी नाइनटीन सेवेंटी आठ परसेंट से ग्रो कर गया भैया मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग जब दुनिया की बात कर रहे हो तो उसमें पॉइंट फाइव और एक परसेंट बहुत ज़्यादा होता है तो आठ परसेंट तो खूब ही ज़्यादा होता है तो आठ परसेंट से इनकम बढ़ गई थी आठ परसेंट से ट्रेड वगैरह बढ़ गया था और इनकम कितने से बढ़ गई थी परसेंट

अब जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो तेजी से दौड़ रही थी बिकॉज इंडिया इज टूडे कम्पीटिंग विद द यू एस एंड द रशिया एंड द चाइना चाइना के साथ तो क्या ये करेगा कम्पीट बराबर लेवल पे तो वी आर ट्राइंग टू कंपीट लार्जर जो कंट्रीज है कि हम लोग अपना ट्रेड तो उस टाइम पे क्या है कि सारी कंट्रीज है यूएस हो गया यूके हो गया उसके बाद में रशिया हो गया तो जापान हो गया इनके साथ में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं वो लोग पीछे ना छूट जाए देर फॉर द इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल इंपोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट इक्विपमेंट फीचरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट बिजनेस स्टार्ट हो गया था बहुत अच्छे से कैपिटल जा रहा था डेट वगैरह दिया जा रहा था उधार लोन वगैरह सारी चीजें वापस से स्टार्ट हो गई थी और अब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आज तक अपनी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत हद तक स्टेबल है स्टेबिलिटी हिलाई थी ट्वेंटी में थोड़ी सी वो भी कोरोना की वजह से ठीक है क्योंकि ये अब लेकिन वॉर वगैरह सिचुएशन नहीं थी तो वापस से खड़े हो गए हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगा है फिर आता है डी कॉलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस डीकॉलोनाइजेशन मतलब जो कॉलोनी आपके ऊपर राज कर रही थी वो वापस सब जा रही थी आपको छोड़ के तो आपकी कॉलोनी डी कॉलोनाइज हो गई और इंडिपेंडेंस मिलने लगा सो व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंडेड लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल अभी भी यूरोपियन रूल में कहीं ना कहीं कंट्रीज फंसी हुई थी तो अगले 20 साल तक ज़्यादातर कॉलोनीस एशिया और अफ्रीका के अंदर फ्री हो गई थी इन 20 सालों में इंडिया भी कब फ्री हुआ था 1947 में वॉर कब खत्म हुआ था 1945 में

45 तक मतलब एक रिजल्ट वगैरह आ गया था तो 1944 एंड में ही बना था वो तो हो गया था दे वर हाउर ओवर बर्डन बाई पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द कॉलोनियल रूल इंडिया में भी यही हुआ इंडिया में भी हम लोगों के पास में पैसा ही नहीं बचा था क्योंकि ब्रिटेन तो सब लेके चले गया था हम लोगों से तो वी वर लाइक लैक ऑफ रिसोर्सेज वी डू हैव इकोनॉमिक एंड सोसाइटी जो थी हम लोगों की पूरी तरीके से हैंडी हो गई थी और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी लेकिन अपन ने अपने आप को बहुत अच्छे से खड़ा करा था लोन वगैरह भी जो है फिर हम लोगों ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिए थे अपने फिर इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करना स्टार्ट करी लोन वगैरह चुकाना स्टार्ट करा और ये सारी चीजें तो क्या आज इंडिया ने लोन ले रखा है वर्ल्ड बैंक से

लाइक like, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा हो बस उनको गरीबी मिटाना गरीबी हटाना ये सारी चीज़ों पर उन लोगों का फोकस नहीं था तो यहाँ पर वही वाली बात है कि इकोनॉमीज अपने आप रीबिल्ड भी हो रही थी साथ साथ में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इतना इसलिए नहीं दिया क्योंकि यूरोप और जापान जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था और जब कोई बड़ा जो सुपर पावर अपने बिजनेस को बढ़ाएगा तो बिजनेस तो पूरी दुनिया के साथ ही करेगा ना तो दुनिया के पास में पैसा जाएगा ही जाएगा उस तरीके से तो आई एम और वर्ल्ड बैंक की थोड़ा सा हम लोग को जरूरत कम लगी एंड दस फ्रॉम द लेट नाइनटीन फिफ्टीन द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बिगे टू शिफ्ट देर अटेंशन मोर टू द डेवलपिंग कंट्रीज इसीलिए ये जो इंस्टीट्यूशन है वो किसकी तरफ ज्यादा फोकस करने लगे जो डेवलपिंग एकदम तो लो कंट्रीज है धीरे धीरे डेवलप कर है अब बोले अब हम उनको पैसा देंगे क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है पहले से जैसे कि अब को एक बात बताओ यूएस को पैसे की जरूरत है क्या वर्ल्ड बैंक से नहीं है रशिया को जरूरत है क्या एस सच नहीं है ब्रिटेन को है क्या मतलब लेते हैं बट फिर भी दिखाने के लिए और इतना उन लोगों को इतने जरूरत नहीं है तो जरूरत पैसे की किसको है इंडिया को जरूरत है डेफिने की जितनी भी कंट्रीज सबको पैसे डेवलप रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर नाउ आयरनिकली एज न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेसिंग अर्जेंट प्रेशर टू लिफ्ट देअर पॉपुलशन आउट ऑफ द पॉवर्टी दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज डोमिनेटेड बाय द फॉर्मल कॉलोनियल पावर इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डीकॉलोनाइजेशन द फॉर्म कॉलोनियल पावर स्टिल कंट्रोल वाइटल रिसोर्स सच इज मिनरल्स एंड लैंड इन मनी ऑफ दियर फॉर्मर कॉलोनीज तो राज करने वाला तो चले गया लेकिन उसका राज नहीं गया समझ रहे हो इंडिया से तो चले गया था इंडिया में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से बिल्ड करवाया था कि ब्रिटेन हम लोग को इन्फ्लुएस न करें लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ था कि जो कंट्री राज कर रही थी ना वो चली तो गई वहां से लेकिन उनके रिसोर्सेज पे नजर तब तक थी बाद तक थी तो ऐसे किसी कठपुतली को बिठा के गए थे वहां पर एज ए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को थे कि वो न चाहते हुए भी किसकी हेल्प करेगा वापिस से उस आ, क्या बोल आ, जो उसके ऊपर पहले से राज कर रहा था उसकी हेल्प होगी वहां पर सो लार्ज कॉपरेशन ऑफ द अदर पावरफुल कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो ऑफन मैनेज टू सिक्योर राइट्स टू एक्सप्लॉय डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी चीपली तो फिर यूएस ने कुछ राइट्स सिक्योर करें राइट्स वगैरह बनाएं ताकि क्या हो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके रिसोर्सेज को आप बहुत सस्ते दामों में ना खरीदो उनको एक्सप्लॉइट ना करो आ रही बात समझ में तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करा गया एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोइंग द वेस्टर्न इकोनॉमीज एक्सपीरियंस इन दाइटीन फिफ्टी नाइनटीन सिक्सटी दे आर फॉर दे ऑर्गेनाइजल्स इन अ ग्रुप ऑफ सेवेंटी सेवन जिसको जी सेवेंटी सेवन बोलते हैं टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोमिक ऑर्डर तो अब खुश नहीं थे हम आई एम एफ और ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन से हम लोग खुश नहीं थे इस एक्सपीरियंस के तो हम लोगों ने फिर जो जी सेवेंटी सेवन का ग्रुप बना था उन लोगों ने एक नई इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डिमांड करा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा सो बाय द एन आई ई ओ दे मेंट अ सिस्टम दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज एंड मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस फेयर प्राइजेस ऑफ द रॉ मटेरियल एंड बेटर एक्सेस टू देयर मैनुफैक्चर गुड्स इन देव डेवलप कंट्री मार्केट्स तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में आया कि भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ये बात क्योंकि क्या था कि अब जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे यूएस वॉज इन सुपर पावर तो वो क्या कर रहा था छोटी कंट्री को एक्सप्लोइ कर रहा था समझ के चलना ऐसा मेनली ये करा जा रहा था ब्रिटेन के थ्रू छोटी कंट्रीज को अभी भी करना रात चले गया लेकिन उसके बाद में भी उसकी जो पावर है वो अभी तक वहीं पे बनी हुई थी तो वो क्या करता था ब्रिटेन जैसे कि मान लो कि आप एग्जांपल ले लो वापस से किसी भी कंट्री का लेट्स से श्रीलंका का ले लो तो यहाँ से क्या करेगा वो कि बहुत सस्ते दामों में रॉ मटेरियल्स वगैरह उठाएगा इसीलिए आज भी बायसनेस देखने के लिए मिलती है टिल टुडे जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि आपका जो तेल है बेसिकली अगर हम लोग जो क्रूड ऑयल है वो कहां से आता है यू एरिया है वो से आ रहा है 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 सारा वो वो यूरोप को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल बेचता भले ही डिस्टेंस दूर है। पास में है एशिया लेकिन उसको महंगे दाम में बेचता है क्यों भैया नहीं, नहीं 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 कोई बेनिफिट वगैरह की बात नहीं है तो गलत बात है ना गलत है कि नहीं है मतलब आप समझो कि आप किसी दुकान पे गए आपने दस रुपए की मैगी खरीदी तो आ, प, आपके पीछे पीछे वाले कस्टमर को उसने सात रुपए में दी लेकिन जितनी बार भी आप जाओगे आपको दस रुपए में देगा वो और दूसरे को सात रुपए में देगा लेकिन दुकान एक ही है इकोनॉमी में तो फिर क्या करोगे गलत है लेकिन आपको दस रुपए देने पड़ेंगे वो वाली बात है तो प्रॉब्लम आज तक चलती आ रही है रिजॉल्व नहीं हुई है हम लोग यही क्वेश्चन करते रहते हैं कि भैया ऐसा क्यों होता है कि यूएस को क्रूड ऑयल सस्ते में दिया जाता है जबकि उसके पास पैसा ज्यादा है तो पैसा उससे ज्यादा लो ना या फिर बराबर ही सलो अब हम लोग के पास में पैसा नहीं हो जाता बट अब चल रहा है सोसाइटी में क्योंकि कुछ लोग ही उसको कंट्रोल करके रखते हैं तो प्रॉब्लम तो है ही सही नाउ एंड एंड ऑफ ऑफ ब्रेटन ब्रेटन वुड्स वुड्स द ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हुआ 1991 की बात चल रही है हम लोगों ने फीस एक्सचेंज रेट को चेंज करके कई में चेंज कर दिया फ्लोटिंग अब डिस्पाइट द इर्स ऑफ स्टेबल एंड रेपिड ग्रोथ नॉट ऑल वॉज वेल इन द पोस्ट वॉर वर्ल्ड फ्रॉम द नाइनटीन सिक्स द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वेंट वी एंड यूएस फाइनेंस एंड कॉम्पिटेट स्ट्रेंथ अब यूएस जो है वो वीक होता जा रहा था धीरे धीरे क्योंकि प्राइस फिक्स हो गई थी पैसा सब कमा रहे थे आप समझ ना जब सब लोग पैसा कमाएंगे तो आप भी चाहोगे ना कि आप और ज्यादा पैसा कमाओ लेकिन आप फिक्स एक्सचेंज रेट था उस टाइम पे तो आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे थे तो फिर फाइनली यूएस की इकोनॉमी और सब लोगों ने तय करा कि द तो यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी अब यूएस को अपनी करेंसी पे इतना ज्यादा वो नहीं रहा क्योंकि सब लोग पैसा कमा रहे थे इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड तो यूएस अपनी गोल्ड के साथ में रिलेशन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि पहले मतलब डॉलर मतलब बहुत बड़ी बात होती थी लेकिन ज्यादातर कंट्रीज तो डॉलर में ही क्यों एक्सचेंज रेट हम लोग तय करते एक बात में भी तो कर सकते हैं हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि भैया डॉलर ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग सारी करेंसी डॉलर में ही क्यों लेके चलते हैं मैं वही बोल रहा हूं हाँ नहीं नहीं आई एम नहीं, 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 नहीं क्योंकि मेनली जो रहता है इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादातर कंट्री में डॉलर ज्यादा अच्छा रुपीज कितने कंट्री में चलता है एक दो दो तीन कंट्रीज में चलता है ज्यादा कंट्रीज में नहीं चलता है डॉलर बहुत सारी कंट्रीज में चलते हैं ठीक है भले ही उनका नेटिव डॉलर हो जैसे कि अमेरिकन डॉलर होता है कनेडियन डॉलर होता है लेकिन डॉलर ज्यादा कंट्रीज में चलता है तो इसीलिए ज्यादा कंट्रीज के चलते हुए हम लोगों ने डॉलर को एज एन रेफरेंस पॉइंट मान के और फिर ऐसा उसको स्टार्ट कराए तो फिर फिक्स है हम लोग कहीं में आ गए फ्लोटिंग में सो फ्रॉम द मिड नाइनटीन सेवेंटी द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो चेंज इन इंपॉर्टेंट वेज अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज कुड नॉट टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लोन्स एंड डेवलपमेंट असिटेंट तो पहले क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ना वो वर्ल्ड बैंक की तरफ नहीं देख सकती थी लोन्स के लिए उनकी हेल्प नहीं करते थे हेल्प करते थे यूएस हो गया या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना केवल उन लोगों की हेल्प करी जाती थी बट नाउ दे आर फोर्स टू बोरो फ्रॉम द वेस्टर्न कमर्शियल बैंक एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन दिस लेट टू पीरियडिक डेट क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड लोअर इनकम्स एंड इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लेट अमेरिका इसलिए आप देखोगे अफ्रीका के बहुत सारे एरियाज जो है वो काफी ज्यादा पुअर स्टेट्स में आते हैं जैसे कि नाइजीरिया वगैरह हो गया क्यों क्योंकि वर्ल्ड बैंक वगैरह उनको पैसे नहीं देता है पैसे किनको देता है जिनको पैसे पहले से जिनके पास में पैसे हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम uh, की बात uh, हो जाती है सो द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड हैज आल्सो हिट बाय द अनएम्प्लॉयमेंट दैट बिगेन राइजिंग फ्रॉम द मिड नाइनटीन सेवेंटी अब आप ही से अनएम्प्लॉयमेंट का फेज आया पहले अनएम्प्लॉयमेंट आया फिर एम्प्लॉयमेंट आया फिर अनएम्प्लॉयमेंट आया एंड रिमेंड हाई अनिल द अर्ली नाइनटीन नाइनटीस क्यों बोला क्योंकि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे एलपीजी आया था तो इस रिफॉर्म्स के चलते फिर एम्प्लॉयमेंट वापस से रीजनरेट हुआ लो वेज एशियन कंट्रीज़ मतलब एशिया में सारी कंट्रीज़ जो है ना इसीलिए एशियन कंट्री में आज तक वेजेस और सैलरीज एकदम लो है एज कंपेयर्ड अरे रही बात समझ में अपने लोगों को हायर बाहर की कंट्री से इसलिए करा जाता है क्योंकि अगर आप यूएस के आदमी को बोलोगे किसी एप्पल कॉपरेशन में काम करने के लिए एप्पल कंपनी में काम करने के लिए तो सैलरी मांगेगा कि भैया मेरे को पचास करोड़ रुपए चाहिए साल के अपने काम करने के लिए और वही चीज़ किसी एशियन बंदे को दोगे जो कि ज़्यादा टैलेंटेड है वो बोलेगा ठीक है मैं दो करोड़ में काम करने के लिए तैयार हूँ उस चीज के लिए आप सोचो ना आपकी अगर जॉब लगती है दो करोड़ रुपए में आप क्या सोचोगे सही है परफेक्ट सॉर्टेड नाइन टू फाइव सैटरडे संडे हॉलिडे दो करोड़ पांच करोड़ अगर आपका पैकेज लगता है मतलब आप समझ रहे हो एक, एक साल का आप कितना कमा रहे हैं या एक महीने का कितना कमा रहे हैं कितना पचास लाख कैसे होगा अगर आप कितना ले रहे हो बारह करोड़ ले रहे हो आप बारह करोड़ मानो अब बारह करोड़ भी अगर आपकी लगती है तो एक करोड़ रुपए आप एक महीने के कमा रहे क्या हो क्या समझोगे आप कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है एक करोड़ रुपए एक महीने के लेकिन वही चीज़ पचास करोड़ रुपए का नेटिव अमेरिकन मांगेगा बोले कि मैं तो इसी में करूंगा क्योंकि उनका वेज रेट पहले से है तो कंपनी की कॉस्ट कटिंग होती है यहाँ पर और हम लोग एक करोड़ मतलब क्या समझते हैं अच्छा जिस दिन हम लोग काम करना बंद कर दे कि भैया हमको भी पचास करोड़ रुपये चाहिए तो उस दिन भी हमको पचास मिलेंगे क्योंकि उनके पास है पचास करोड़ बट वो देते बारह करोड़ इस तरीके से पूरी इकोनॉमी चलती है सो चाइना इसीलिए लो वेज एशियन कंट्री माना जाता है क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम बस एक ही है पता है क्या आप मना करोगे ना बारह करोड़ से काम करने के लिए तो पास वाला हाँ कर देगा तो आपको हाँ करना ही रहा फिर उस केस में और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती है विशियस साइकिल है सो चाइना हैड बिन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स चाइना हैड बिन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रिवोलूशन इन नाइनटीन फोर्टी नाइन बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड द कलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन द ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी अब हुआ क्या कि पहले वो चलता था आपने सुना होगा ना सोवियत सोवियत यूनियन के नाम से था कौन सी कंट्री रशिया तो अब रशिया में वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा जो सोवियत सिस्टम वाला चलता था उसमें कम्युनिज्म थोड़ा सा था कम्युनिस्ट व्यू ज्यादा था तो वो चेंज होके फिर रशिया जो है वो एक बैलेंसड व्यू पॉइंट पे आया तो ऐसी बहुत सारी कंट्री जो है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट और डिस हुई है तो उन सबको कंसोलिडेट करने में बाकी की सारी कंट्रीज को काफी ज्यादा अच्छे से चांस मिला था ऊपर आने के लिए एंड वेजेस आर रिलेटिवली लो इन द कंट्रीज लाइक दस दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाई द फॉरन एमेंसी वेज कम है सब लोग कंपनी वहां और तो चाइना तो बोल रहा था कि आओ हमारे यहाँ पे जितनी कंपनी खोल सकते हो खोलो तो चाइना ने पता है क्या करा था चाइना ने रशिया से दो लोग बुलाए थे अपनी इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए ये बात है नाइनटीन आई थिंक नाइनटीन फिफ्टीज की बात है फिफ्टी फिफ्टी फाइव की हाँ दो तीन लोग जो बहुत तो दिमाग वाले कम ही लोग हैं ना बेटा दुनिया में गधे तो बहुत सारे मिल जाएंगे तो केवल दो लोग बुलाए थे वहाँ से और बोला था कि आओ जरा हमारी इकोनॉमी को देखो तो इकोनॉमी को उन्होंने देखा अच्छे से और इकोनॉमी के खेल लगा के चले गए अब वो हो सकता है कि इन लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े हो आपके पास में इतना दिमाग था तो उन लोगों को सारी ऐसी अपन बोल सकते हैं कि सलाह दे दी जो इनकी इकोनॉमी को और क्रैश करवाते गया और चाइना जो है वो डेप ट्रेप में चले गया था इसके बाद में तो वो वाली कुछ बातें हैं तो यहाँ पर फिर यही हुआ था कि चाइना वगैरह थोड़ा सा पिक्चर में आया था तो एम वगैरह ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा हैव यू नोटिस दट मोस्ट ऑफ़ द टीवीज मोबाइल फोन्स एंड टॉयज वर सीज इन द शॉप सीम टू बी मेड इन दिस इज बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी मोस्ट इंपोर्टेंटली लो वेजेस क्योंकि उनकी कम, का कंपोजिशन ही ऐसा होता है ना काम करने वाले कितने पचास हजार देने कंपनी में एक लाख लोग कंपनी का साइज इतना बड़ा तो अगर एक लाख लोगों को अगर आप सैलरी दोगे तो आप सोचो कितना होगा अच्छा अगर एक लाख लोगों को आप दस रुपए भी कम दोगे तो कितने रुपए कम होगा सोच रहे हो कितनी कॉस्ट कटिंग हो रही है अगर आप उनको एक एक करोड़ रुपए कम दोगे तो मल्टीप्लाई करो जरा इसीलिए चाइना में जाती है चीजें मैन्युफैक्चर होने के लिए क्योंकि पॉपुलेशन भर के हैं बस ज्यादा टाइम नहीं अपने पास में सब लोग आने वाले हैं क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से अपनी देश की आबादी बढ़ा रहे रुक ही नहीं रहे हैं तो ऐसा बोला जा रहा है दो का बार आया है बोले चाइना पीछे रह जाएगा तो सब लोग अपने पास आएंगे रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज इन द लास्ट टू डिकेट द वर्ल्ड इकोनॉमिक जोग्रफी हेड बिन ट्रांसफॉर्म कंट्री ठीक है अभी इसमें कुछ भी नहीं है सच